ओके चलो स्टार्ट किया जाए। लेट अस स्टार्ट। आज हम नाउन चैप्टर पढ़ेंगे और हम नाउन का बहुत बेसिक से जाने वाले हैं। इस बैच को मैंने यही सोच के स्टार्ट किया है ना, जिन बच्चों ने सदियों से इंग्लिश नहीं पढ़ा है। कभी कभी क्या होता है, मैं बैचेस को ऐसा भी बनाती हूँ कि ये सारे बच्चे को इतना बेसिक तो क्लियर होगा, अब आगे जो एग्जाम्स में आता है मैं सीधा वही वाले पे टारगेट करूँ। लेकिन इस बैच को मैंने ये ध्यान रखा है ना, जिन बच्चों ने काफी दिनों से इंग्लिश नहीं पढ़ी है, जिसको एकदम बेसिक से चाहिए, लेकिन बेसिक पे नहीं रह जाना है, हमें जाना तो एडवांस लेवल ही है। तो नाउन आपका मैं 3-4 दिन में खत्म करूंगी, 45-45 मिनट्स का क्लास ले लेके, बट पूरा खत्म करूंगी। ऐसा कोई भी एरर नहीं है जो आपका नहीं बनेगा। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नाउन्स। नाउन्स होता क्या है? व्हाट आर नाउन्स? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। हर वो चीज जिसको हम नाम दे सकते हैं उसे हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, बचपन में आपने, और देखो आपने नाउन पहले भी पढ़ा होगा, आपने नाउन अपने स्कूल डेज में भी पढ़ा होगा, बट वहाँ नाउन पढ़ना और यहाँ नाउन पढ़ना दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस तरह से नाउन से क्वेश्चंस आते हैं ना, आज तो मैं ज़्यादा बेसिक ही करवाऊंगी, कल से आप देखना कि आप एकदम आपका एग्जाम लेवल वाला पहुँच जाएगा। हर वो चीज़ जिसको हम नाम दे सकते हैं हम उसको नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मेरे बगल में चेयर है, लैपटॉप है, वॉच है, एसी है, डोर है, सबका अपना अपना एक नाउन है, नाम है। ठीक है, तो वो सारे नाउन्स है। और यहाँ पे ना इस रूम में मुझे कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे दिख रही है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं दिख रहा है। जैसे कुछ चीजें हैं जो विजिबल है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनविजिबल है, जो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन हम उसको एक नाम दे सकते हैं, वो भी नाउन है। विजिबल चीजें में मुझे क्या दिख रहा है? मुझे टेबल दिख रहा है, मुझे चेयर दिख रहा है, ठीक है, मुझे पेन दिख रहा है, तो ये सब विजिबल चीजें हैं, ये सब नाउन है। और मुझे क्या नहीं दिख रहा है? जो एसी की ठंडक आ रही है ना, एसी की इनविजिबल है, एसी की जो ठंडक आ रही है, एसी की जो कूलनेस है वो नहीं दिख रहा है। जो हम नॉलेज एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं ये मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये फिर भी नाउन है। तो हर वो चीज जिसे हम देख सकते हैं या हर वो चीज जिसे हम नहीं भी देख सकते हैं वो सारे नाउन्स है। तो इन शॉर्ट नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। और नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, इसका डेफिनेशन देख लो। नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच जो कि हम यूज करते हैं किस लिए? किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी थिंग को या किसी आइडिया को नाम देने के लिए। किसी पर्सन को नाम देने के लिए, प्लेस को, आइडिया को, ये तो बहुत बेसिक है, आपको पहले से भी पता होगा। ठीक है, ये आपको पहले से भी पता होगा नाउन का डेफिनेशन। अब देख लो दूसरा कि अब हम नाउन के टाइप्स पे चलते हैं। नाउन के 4 टाइप्स होते हैं, एक मिनट यहीं पे मैं लिख देती हूँ, चाहे आपका काम आसान हो जाएगा। नाउन के 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक, एक होता है कॉमन नाउन जातिवाचक। ये प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? प्रॉपर नाउन इन हिंदी इज नोन एज व्यक्तिवाचक। ठीक है, और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि प्रॉपर नाउन का मीनिंग आपको डिक्शनरी में नहीं मिलता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर पर्सन, चीज या थिंग या किसी का नाम है, तो इसका आपको डिक्शनरी में मीनिंग नहीं मिलेगा। और प्रॉपर नाउन की खासियत क्या है ना, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक, लिखा है देखो, स्पेसिफिक का मतलब है पर्टिक्यूलर। प्रॉपर नाउन जिसको हिंदी में हम व्यक्तिवाचक बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और यहाँ पे देखना ना, उसके बाद मैंने जातिवाचक लिया है। ठीक है, जातिवाचक लिखा है और यहाँ पे मैंने क्लास लिखा है। प्रॉपर नाउन में क्या लिखा था? किसी विशेष, किसी मतलब किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम प्रॉपर नाउन है, बट कॉमन नाउन क्लास के लिए। क्लास का मतलब है जाति के लिए, किसी जाति की बात हो रही है, जाति ऑफ पर्सन, वो सब मैं बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन हम बोलते हैं किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम, और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे राम, मोहन, प्रिया, मैरी, ये सब क्या है? ये राम, मोहन, प्रिया, मैरी, ये सब क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, ये किसी पर्सन का नाम है, और किसी पर्सन का नाम भी प्रॉपर नाउन होता है। ये पर्सन का नाम भी प्रॉपर नाउन होता है। अब लंदन, इंडिया, ये क्या है? ये एक प्लेस का नाम है, प्लेस का नाम भी प्रॉपर नाउन होता है। ये सैमसंग, नोकिया, ये सब क्या है? ये सब थिंग्स का नाम है, ये सब थिंग्स का नाम है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर नाउन्स है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
अगर मैं बैंक बोलूँ ना तो बैंक तो कॉमन नाउन है, लेकिन बैंक में भी किसी खास बैंक के नाम ले, किसी खास बैंक का नाम ले रही हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीआई, तब वो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, जैसे मैंने लिखा बॉय, बॉय एक कॉमन नाउन है। ठीक है, बॉय एक कॉमन नाउन है और मैं किसी खास बॉय की बात कर रही हूँ तो वो राम और मोहन हो गया, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। गर्ल कॉमन नाउन है, किसी खास गर्ल की बात हो रही है, प्रिया या मैरी, ये कॉमन आपका प्रॉपर नाउन हो गया। उसी तरह ये सब है। ठीक है, नेक्स्ट वाला, अब आ जाओ कॉमन नाउन पे, कॉमन नाउन पे आ जाओ। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं होता है, कॉमन नाउन बिलोंग्स टू अ क्लास। इसके नाम से ही लग रहा है, इसके नाम से ही लग रहा है ये कॉमन है। जैसे जैसे मैंने लिखा, अभी मैंने आपको नाम दिया था, ये देखो ये वाला सेंटेंस था, राम और मोहन। राम और मोहन तो पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन है, बट राम और मोहन में कॉमन चीज क्या है? राम और मोहन में कॉमन चीज क्या है कि दोनों बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ बॉयज, बॉयज के क्लास को बिलोंग करते हैं। फिर दूसरा देखना आपने, प्रिया, प्रिया और मैरी में कॉमन चीज क्या है? ये जो प्रिया और मैरी है ये बिलोंग करती है क्लास ऑफ गर्ल्स। अब लंदन, लंदन और पेरिस में कॉमन चीज क्या है कि ये तो प्रॉपर नाउन है, इसमें कॉमन क्या है कि ये एक प्लेस को बिलोंग करता है। जैसे नोकिया, नोकिया सैमसंग एक स्पेसिफिक ब्रांड का नाम है, बट नोकिया और सैमसंग किस क्लास को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है जाति ऑफ फोन्स। न्यूज़पेपर, हिंदू, हिंदू, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये प्रॉपर नाउन है, बट दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों न्यूज़पेपर है। ठीक है, बैंक, आरबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा तो प्रॉपर नाउन है, और दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों बैंक है। उसी तरह जो पेन आता है, लिंक का पेन होता है, पार्कर का पेन होता है, वो सब तो प्रॉपर नाउन है, बट दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों पेन के क्लास को बिलोंग करता है। उसी तरह इंडिया, इंडिया, अमेरिका, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों नेशन है। यही वाला है मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल, ताजमहल, कुतुब मीनार एक मॉन्यूमेंट है। ताजमहल और कुतुब मीनार क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, और दोनों में कॉमन चीज क्या है कि दोनों मॉन्यूमेंट है। ठीक है, उसी तरह कोई खास खास टीचर है, वो तो प्रॉपर नाउन है, बट कॉमन चीज क्या है? टीचर है। आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट का नाम लूँ, जैसे यहाँ पे मुझे नवीन दिख रहे हैं, मुझे नवीन दिख रहे हैं, मुझे दीप्ति दिख रहे हैं, मुझे गुफरान दिख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब मेरे प्रॉपर नाउन है, स्पेसिफिक स्टूडेंट है जिसका मैं नाम ले रही हूँ। ठीक है, हो सकता है कि नवीन कोई और भी है, और भी स्टूडेंट का नाम नवीन हो सकता है, बट ये नवीन उससे बिल्कुल अलग है ना, तो ये प्रॉपर है। और ये सारे जो मुझे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, जैसे प्रीति दिख रहे हैं, नवीन दिख रहे हैं, धीरज दिख रहे हैं, ये सारे मेरे प्रॉपर नाउन वाले स्टूडेंट है, और इन सब में कॉमन क्या है कि ये सारे मेरे स्टूडेंट है, तो ये आपका कॉमन नाउन। ठीक है, ये कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, हाँ, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। अच्छा, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल ही देती हूँ, कलेक्टिव नाउन ये समूहवाचक है, ये ग्रुप के लिए। ठीक है, आपने क्या देखा? आपने देखा कि ये जो प्रॉपर नाउन है ना, ये जो प्रॉपर नाउन है ये पर्टिकुलर के लिए, पर्टिकुलर पर्सन, थिंग या चीज के लिए, और कॉमन नाउन जो था, जो कॉमन लोगों के लिए, कॉमन नाउन जो था वो था क्लास के लिए, अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल। और कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन इज फॉर ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ पर्सन, अ ग्रुप ऑफ पर्सन। जैसे जैसे कि मुझे यहाँ मेरे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, हाँ, मुझे यहाँ स्टूडेंट्स में अंकुश दिख रहे हैं। ठीक है, अंकुश है यहाँ पे, अंकुश, सीमा, नवीन, ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं जिसका मैं पर्टिकुलर नाम ले रही हूँ। ये मेरा पर्टिकुलर स्टूडेंट है, ये मेरा स्पेसिफिक स्टूडेंट है, अंकुश, सीमा, नवीन, और हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ये सब मेरे प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। और ये अंकुश, सीमा और नवीन में कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज क्या है कि ये तीनों मेरे स्टूडेंट हैं, तो इसमें कॉमन चीज क्या है कि ये तीनों मेरे स्टूडेंट हैं। और इस बैच में हो तो इतने सारे स्टूडेंट्स, बट सारे स्टूडेंट्स ने मिलके क्या बनाया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, लेकिन सारे स्टूडेंट्स ने मिलके एक क्लास बनाया है, तो क्लास हमारा क्या हो गया? क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन, क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन इज समूहवाचक। ओके, ये हो गया प्रॉपर नाउन, ये हो गया कॉमन नाउन, ये हो गया
कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो ये आपका तीनों डिफरेंस था। तो कॉमन नाउन में देखो, कॉमन नाउन में तो बता दिया ये सब है, मॉन्यूमेंट, टीचर एंड ऑल। नेक्स्ट देखो, कंपेयर कर दिया। कलेक्टिव नाउन में क्या हो सकता है? टीम, जैसे जैसे, और भी एक एग्जांपल दे रही हूँ, और भी एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। जैसे मैंने लिखा है सचिन तेंदुलकर, सचिन, विराट, ठीक है, सचिन, विराट, धोनी, ये सब क्या है? सचिन, विराट और धोनी में कॉमन चीज क्या है? सॉरी, सचिन, विराट, धोनी एक पर्टिकुलर प्लेयर का नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। और सचिन, विराट और धोनी में कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज है कि तीनों प्लेयर इंडियन प्लेयर, इंडियन प्लेयर, और बहुत सारे प्लेयर्स मिलके क्या बनाते हैं? टीम, टीम। तो ये क्या हो गया? कोई बुक लेके नहीं आना है, बस लिखते जाना है, लिखते जाना है, कोई बुक वगैरह लेके नहीं आना है, लिखते जाइए, मैं टाइम दे रही हूँ आपको। क्योंकि चीजों को ना थ्योरी में रट रट के नहीं पढ़ना है, कंपेयर कंपेयर करके पढ़ो। देखो, ये बोलना ना, ये बोलना ऐसे ऐसे लिख देना बहुत इजी होता है, वो तो हम टीचर ऐसे लिख के ले आते हैं, लेकिन आप ना ऐसा नोट्स बनाओ, या आप ऐसा वाला नोट्स बनाओ कि ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर नाउन लिखो, ठीक है, प्रॉपर नाउन लिख लो, और यहां पे लिख लो कॉमन नाउन, ऐसा कॉमन नाउन लिख लो, और यहां पे तीन का एक साथ कलेक्टिव नाउन लिख लो, ठीक है। प्रॉपर नाउन में जैसे मैंने अपने स्टूडेंट का नाम डाल दिया, प्रॉपर नाउन में मैंने अपने स्टूडेंट्स का नाम डाल दिया, नवीन, प्रिया, ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर नाउन है, और इन दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलके कलेक्टिव समूहवाचक एक ग्रुप बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं, क्लास, 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 क्लास। उसी तरह एक तो ये हो गया, और फिर मैंने लिखा विराट, धोनी, सचिन, ये तीन, दोनों, तीनों में कॉमन चीज क्या है? ये तीनों इंडियन प्लेयर है, तीनों इंडियन प्लेयर है, और बहुत सारे प्लेयर्स मिलके एक टीम बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं। तो यहाँ आप कंपेरेटिव कर करके पढ़ोगे ना, कंपेरिजन कर करके पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, ओके, लिखना शुरू करिए, लिखना शुरू करिए, फटाफट लिखिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, टाइम देते जा रही हूँ, बहुत बेसिक से करवाऊँ, क्योंकि इस बार ना मुझे सब स्टूडेंट्स का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे हैं ना जो पढ़ चुके हैं, सिर्फ वही पढ़ेंगे। चलो, ये तो लिख लिया होगा, सारे स्टूडेंट्स ने लिख लिया होगा। मॉन्यूमेंट की हिंदी होती है स्मारक, ऐतिहासिक स्मारक को बोलते हैं मॉन्यूमेंट। ओके, लिख लिया, ये तो आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। और कलेक्टिव नाउन में देख लो, टीम होता है, प्लेयर्स के का टीम होता है, क्राउड, लोगों के भीड़ को भी क्राउड बोलते हैं, क्लास, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास बोलते हैं, गैंग होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स भी होता है, बंच ऑफ चाबियों के गुच्छे को भी बोलते हैं, बुके होता है फ्लास के लिए, फ्लीट शीप्स, शीप के लिए होता है, ये जहाजों के लिए होता है, ये फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी होता है, भेड़ बकरियों के समूह को भी फ्लॉक बोलते हैं, स्वॉर्म ऑफ बीज होता है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, ट्रूप मतलब सोल्जर्स के, सैनिकों के समूह को, आर्मी। तो ये सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, सारा कलेक्टिव नाउन। हाँ, मॉन्यूमेंट कॉमन नाउन है, ठीक है, मॉन्यूमेंट कॉमन नाउन है, और हाँ, मॉन्यूमेंट कॉमन नाउन है, ठीक है। और ताजमहल जो है ना, एक ही है ना ताजमहल, ताजमहल प्रॉपर नाउन है। ओके, ऐतिहासिक स्मारक तो हमारे इंडिया में बहुत सारे हैं मॉन्यूमेंट्स, बट ताजमहल, कुतुब मीनार सब प्रॉपर नाउन। ओके, चलो, ये लिख लिया है, ये लिख लिया है, अभी मैं इसका बहुत सारा करवाने वाली हूँ। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है, ओके, जो इनटैंजिबल है। इनटैंजिबल मतलब जिसको छू नहीं सकते हो, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा मतलब किसी भाव को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, किसी चीज की क्वालिटी, स्टेट या इमोशन को एक्सप्रेस करता है। इसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे इस पेन का, इस टेबल का तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इस पेन को मैं छू सकती हूँ, इस टेबल को भी छू सकती हूँ। तो
ये सब हमारा अलग नाउन है, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नाउन्स जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको बस उसको, हाँ, इट कैन ओनली बी फेल्ट. जैसे पेशेंस, लव, लव को आप फील कर सकते हो, किसी का गुस्सा भी आप फील कर सकते हो, काइंडनेस, हेट्रेड, गुडनेस, किसी की अच्छाई को छू तो नहीं सकते हो, फील कर सकते हो, फ्रीडम, ब्यूटी, इंडिपेंडेंस, सिंपथी, ये सारा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. महात्मा गांधी के पहले द लगेगा, अभी ये सब नहीं पूछना है. ओके, मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है ना, लेकिन आप देखना कि ये बैच कल परसों में इसका लेवल एकदम एग्जाम वाला चला जाएगा, क्योंकि मैं सीधा एग्जाम वाला ले आऊँ ना, सीधा एग्जाम वाला ले आऊँ तो कई बच्चों को दिक्कत होगी. बहुत बेसिक से बच्चों ने डिमांड किया था, ए टू जेड का बेसिक बैच लगेगा. मैं ये हो गया, हो गया, हाँ ये भी लिख लिया, ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. अभी तक हमने चार तरह का नाउन पढ़ा, प्रॉपर नाउन पढ़ा, कॉमन नाउन पढ़ा, ठीक है. अब रानी मैम, रानी मैम क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है. और मैं क्या हूँ? मैं एक टीचर हूँ, तो मैं कॉमन हो गया. टीचर तो बहुत सारे हैं, बट स्पेसिफिक टीचर के नाम ले रहे हैं तो प्रॉपर नाउन हो गया. मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कॉमन नाउन है. और बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर क्लास बना रहा है, तो क्लास बिकम्स अ कलेक्टिव नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बता दिया. हाँ, अब आ जाओ मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन किसको बोलते हैं? मटेरियल नाउन इन हिंदी इज नोन एज द्रव्यवाचक, ठीक है. द्रव्य किसी मटेरियल से, जो चीज से बना हुआ है. जैसे सपोज मैंने लिखा, जैसे सपोज एक पार्कर है, पार्कर का पेन होता है ना, पार्कर का पेन होता है, सबको पता है पार्कर एक पेन है, ठीक है. और ये पेन क्या से बना है? ये पेन प्लास्टिक से बना हुआ. तो मुझे बताओ कि मैं पार्कर को कौन सा नाउन मानूं? पार्कर का पेन है, कौन सा नाउन मानूं मैं? कौन सा? पीडीएफ सबके घर आएगा, बस एड्रेस दे देना. पार्कर बताओ, पार्कर एक पेन की कंपनी है. पार्कर क्या है हमारा? पार्कर इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है. एक स्पेसिफिक पेन की कंपनी है, प्रॉपर नाउन, ठीक है. पार्कर का पेन हो, या फ्लेयर का भी पेन आता है, फ्लेयर, या लिंक का भी पेन आता है, लिंक, फ्लेयर, रोटोमैक, रेनॉल्ड्स, ये सब पेन, पेन की कंपनी, ये प्रॉपर नाउन, ठीक है. और ये सारे पेन्स में, ये सारे में कॉमन चीज क्या है कि ये पेन है, ये पेन है. और ये पेन क्या से बना? ये प्लास्टिक से बना हुआ है. सो जो पदार्थ से वो नाउन बना हुआ है, वो थिंग बना हुआ है, उसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं. मटेरियल, मटेरियल, उसको मटेरियल नाउन भी बोलते हैं. ओके, तो ये तो हो गया मटेरियल नाउन. इट रेफर्स टू द मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड. जैसे ये रिंग पहना है मैंने, ये रिंग पहना है, तो ये रिंग है ना, ये पहले क्या था? जैसे ये गोल्ड होगा, ये रिंग पहले डायमंड में होगा, ये गोल्ड और डायमंड को शेप देके रिंग बना दिया है. तो ये जो रिंग है ना, ये कॉमन नाउन है. और ये रिंग क्या से बना हुआ है? गोल्ड सिल्वर से बना हुआ है. तो ये तो मटेरियल नाउन हो गया. पेन प्लास्टिक से बना है, वाटर, वुड. जैसे ये टेबल है, ठीक है. अगर ये टेबल है, तो सपोज ये टेबल कौन से कंपनी का है? अगर मैंने लिखा ना, ये टेबल ग्रीन प्लाई का है, ग्रीन प्लाई कंपनी का है. और ये ग्रीन प्लाई उससे बना हुआ है, टेबल बना हुआ है. और ये टेबल क्या से बना है? लकड़ी से बना है. तो आप मुझे बताओ कि ये ग्रीन प्लाई क्या होगा? ग्रीन प्लाई क्या होगा बता. अग्नि का भी पेन आता है, अग्नि का भी आता है, अग्नि का भी आता है. बताओ कि ये ग्रीन प्लाई क्या है? ये ग्रीन प्लाई ना एक कंपनी है, ग्रीन प्लाई का, सेंचुरी का, वो सब कंपनीज का आता है ना. तो ये क्या है? ये कंपनी का नाम है. तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है. और ये क्या है? टेबल कॉमन नाउन है. और ये टेबल वुड से बना है, तो ये क्या हो गया? मटेरियल नाउन है. एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी, पदार्थवाच, मटेरियल, मटेरियल, मटेरियल. तो नाउन में डिफरेंसेस आपको जानना है. तो मटेरियल नाउन में आपका मिल्क, वाटर, वुल, रबर, क्लोथ, ये सब मटेरियल नाउन, ठीक है. ये तो बहुत बेसिक था. ग्रीन प्लाई कंपनी है, ये सब बहुत बेसिक था. तो अभी तक हमने बस चार नाउन क्या होता है वो पढ़ा.
अब आओ, अब हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से शुरू करेंगे। सबसे पहले एग्जाम पर्पस से ना, देखो जब आप जूनियर क्लासेस में होते हो ना, तो आपको बताया जाता है, एक सेंटेंस आ जाता है, ठीक है, ऐसा करके सेंटेंस लिख देंगे। लेकिन यहाँ हम एग्जाम के पर्पस से पढ़ रहे हैं ना, एक सेंटेंस आ जाएगा, राम इज अ गुड बॉय, और बोलेंगे ना इस सेंटेंस में पता करो कि कौन सा नाउन है, जैसे बॉय नाउन है और राम नाउन है। हमारे स्कूल में तो यही वाला आता है ना, सेंटेंस दे देंगे और बोलेंगे पता करो कौन सा नाउन है और उसका टाइप बताओ। तो राम क्या है? प्रॉपर नाउन है, और राम बॉय है, ये कॉमन नाउन। बॉय तो बहुत सारे होते हैं बट राम तो एक ही है, स्कूल में तो ऐसा आता है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का इंग्लिश बिल्कुल अलग होता है। बेसिक हमने कर लिया, अब देखो यहाँ से सब शुरू होगा। पहले तो मैंने नाउन का आपका पेन टाइप्स बताया, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन, वो सब बता दिया, कलेक्टिव नाउन भी। अब आ गया काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। ये बोलना इजी है, काउंटेबल नाउन्स किसको बोलते हैं? वो नाउन्स जिसको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या यूज करोगे? जब भी सेंटेंस में अगर आपको काउंटेबल, देखो जब भी हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात करें ना, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल की बात करें, तो ये तो एक डेफिनेशन लिखने के लिए हो जाता है कि काउंटेबल नाउन्स किसको बोलते हैं? जिसको काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल किसको बोलते हैं? जिसको नहीं काउंट कर सकते हैं। जहां भी आपका जवाब हाउ मेनी के सेंस में जा रहा है, हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी के सेंस में जा रहा है, इसका मतलब है वो काउंटेबल है। और जहां भी हाउ मच के सेंस में जा रहा है, मच, हाउ मच के सेंस में जा रहा है, इसका मतलब है कि अनकाउंटेबल। और भी सिंपल लैंग्वेज में, कहीं पे भी अमाउंट बता रहे हो, ओके, कहीं पे भी अमाउंट बता रहे हो, तो हाँ अमाउंट बता रहे हो या मात्रा बता रहे हो, ओके, किसी भी नाउन से, किसी भी नाउन का अमाउंट बताया जा रहा है या मात्रा बताया जा रहा है, इसका मतलब है कि वो अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन किसी भी चीज की अगर संख्या बताई जा रही है, नंबर्स बताया जा रहा है, नंबर्स या संख्या बताई जा रही है, इसका मतलब है कि वो काउंटेबल नाउन। कोई भी नाउन से, जैसे वाटर है, वाटर है पानी, पानी की मात्रा, पानी की संख्या नहीं पूछेंगे ना, पानी का अमाउंट होता है, पानी का अमाउंट होता है, तो वाटर इज अनकाउंटेबल, वाटर इज अनकाउंटेबल, ठीक है। लेकिन किसी स्टूडेंट, टीचर, टेबल, चेयर, ये सब की संख्या पूछ रहे हैं, तो इसके लिए हम काउंटेबल, काउंटेबल यूज होता है, काउंटेबल यूज करते हैं। और भी सिंपल लैंग्वेज में, और भी सिंपल लैंग्वेज में मुझे आप, अगर आपसे कोई पूछे ना कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, तो तुरंत बोलना कि जहां हमें आंसर मिले ना, हाउ मेनी, हाउ मेनी का आंसर मिले, मतलब किसी चीज की संख्या पूछी जा रही है तो काउंटेबल है, किसी चीज की मात्रा पूछी जा रही है तो वो अनकाउंटेबल है, हाउ मच जा रहा है। और भी सिंपल लैंग्वेज में, और भी सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, ये जो काउंटेबल नाउन्स है ना, इसका सिंगुलर और प्लूरल बनता है, ठीक है, काउंटेबल नाउन्स का सिंगुलर और प्लूरल बनता है, बट जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, उसका नो सिंगुलर एंड प्लूरल। तो अब आपसे कोई पूछे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या डिफरेंस है, तो बता देना कि काउंटेबल नाउन का हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, बट अनकाउंटेबल नाउन्स का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे हम अमाउंट बता रहे हैं, किसी चीज की मात्रा बता रहे हैं, उसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा, बट यहाँ पर संख्या बता रहे हैं, संख्या में एक है तो सिंगुलर, बहुत ज्यादा है तो प्लूरल, 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 ओके। हाँ इतना दूर क्लियर है? पहले मुझे बताओ काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्लियर है? अभी मैं सब बता रही हूँ, क्लियर है, ओके। अब देखो, पानी, देखो पानी अनकाउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल है, ठीक है, बट पानी के ड्रॉप्स काउंटेबल है, वो सब मैं पढ़ाऊंगी आपको। पानी को नहीं गिन सकते बट पानी के बूंदों को तो गिन सकते हैं ना, ठीक है। हम शुगर को नहीं गिन सकते बट शुगर के क्यूब्स गिन सकते हैं, वो सब हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। बस काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का आपको डेफिनेशन बताया मैं, अब मुझे बताओ। हाँ, और ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच ना
काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच एक और चीज आता है जो कि मैं इस स्लाइड में आपको बता रही हूँ। एक होता है काउंटलेस, काउंटलेस भी आता है। काउंटेबल तो जिसको आप गिन नहीं, काउंटेबल तो जिसको गिन सकते हैं, कैन बी काउंटेड, और इसका मैंने बता दिया इसका सिंगुलर प्लूरल बनता है, ठीक है। और अनकाउंटेबल कैनॉट बी काउंटेड। अब मुझे बताओ व्हाट इज काउंटलेस। काउंटलेस का मतलब है अनगिनत। इसको हम गिन तो सकते हैं बट इतना ज्यादा है कि इसको गिनना मुश्किल है, ठीक है। अनकाउंटेबल तो, अनकाउंटेबल को तो हम गिन ही नहीं सकते हैं, लेकिन काउंटलेस मतलब हम गिन तो सकते हैं बट इतना ज्यादा है कि गिनना मुश्किल है, गिनना मुश्किल है। यस, गिनना मुश्किल है जहां भी अमाउंट की बात करें। लेकिन कभी कभी ना जैसे वाटर का अमाउंट होता है, तो वाटर के लिए तो हम, वाटर अनकाउंटेबल है बट उसको काउंटेबल बनाने के लिए ना हम उसमें ड्रॉप्स लगा सकते हैं, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वो काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। और अब बताओ ये जो स्टार है ना, अब बताओ मुझे कि स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। और काउंटेबल चीजों का, काउंटेबल चीजों का सिंगुलर और प्लूरल बनता है। हम सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाते हैं, कभी कभी हम सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए एस, ई एस या आई एस लगाते हैं, बट कभी कभी हम नाउन का बगैर एस लगाए भी प्लूरल बना लेते हैं। जैसे चिल्ड्रेन है, जो बच्चा अनाप शनाप ऐसे कॉमेंट करेंगे ना, जैसे चाइल्ड है। अब मैं चाइल्ड का प्लूरल बनाने के लिए चाइल्ड्स तो नहीं करूंगी, मैं चिल्ड्रेन करूंगी, ठीक है। मैं एस लगाकर प्लूरल नहीं बना रही हूँ बट इसका प्लूरल बन तो रहा है ना, एस लगाकर नहीं बन रहा है बट बन जा रहा है ना, बन जा रहा है, बगैर एस लगाए भी बन जा रहा है। इसका मतलब है कि चाइल्ड काउंटेबल नाउन। माउस, माउस का मतलब है एक चूहा, और माइस का मतलब है बहुत सारे चूहे, तो यहाँ एस लगाकर नहीं बन रहा है लेकिन फिर भी सिंगुलर प्लूरल बन रहा है ना, इसका मतलब है कि काउंटेबल है। तो स्टार का प्लूरल भी तो स्टार्स होता है ना। आपने अपने अपने पढ़ा होगा मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, मिलियंस ऑफ स्टार्स, और मिलियंस, थाउजेंड, ट्रिलियंस, हम ये वो सब के लिए यूज करते हैं ना जिसको हम गिन सकते हैं। मिलियन, ट्रिलियन, थाउजेंड, हंड्रेड, हम उसी के लिए यूज करेंगे ना जिसको हम गिन सकते हैं। इसका मतलब है कि स्टार काउंटेबल है, लेकिन लेकिन काउंटेबल है लेकिन इतना ज्यादा है ना कि उसको गिनना मुश्किल है, उसको गिनना मुश्किल है। तो काउंटलेस वाला चीज भी ना, काउंटलेस वाला चीज भी काउंटेबल ही होता है बट इतना ज्यादा है कि गिनना मुश्किल है। ओके, हाँ। अब दिल्ली में, दिल्ली में तो मैं आराम से स्टार गिन लूंगी। दिल्ली में ना स्काई में देखूंगी तो मुझे गिन के ना 5, 10, 15 दिख जाएगा, मैं आराम से गिन लूंगी। लेकिन मैं बिहार जाऊंगी या और भी कहीं जाऊंगी जहां पोल्यूशन कम है, तो मुझे इतने ज्यादा वहां स्टार्स वगैरह देखने को मिलेंगे ना कि मैं उसको गिन ही नहीं पाऊंगी। मैं 2-4 तो गिन, 10, 15, 20 तो गिन लूंगी बट इतना ज्यादा है कि गिनना मुश्किल है। ओके, हाँ हाँ, दिल से सॉरी, दिल से सॉरी नहीं बोलना है, ये ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट का माइंडसेट ना इतना नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट मेरे बहुत ब्रॉड है। हाँ, दिल्ली में तो गिन चुन के गिन लेंगे, तो स्टार को भी हम गिन सकते हैं बट काउंटलेस है, ठीक है। काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको क्लियर हो गया। अब मेरे को आप बताना, अब मेरे को आप बताओ कि ये जो अभी मैंने काउंटेबल अनकाउंटेबल बनाया, प्रॉपर नाउन काउंटेबल है? बताओ, प्रॉपर नाउन काउंटेबल है? अरे रुको ना, ऑफस्प्रिंग वाला कल करेंगे, कल ऑफस्प्रिंग वाला करेंगे। बताओ, बिहार में आपका स्वागत है, बहुत दिन से आई नहीं हूं, मैं आऊंगी। बिहार वाले बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैम आप आइए, आए नहीं हो बहुत दिनों से आप। अरे प्रॉपर नाउन को गिन सकते हो, राम को गिनोगे? ये सब अनकाउंटेबल है, राम, मोहन, प्रिया, क्या इसका? अच्छा, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का ना सिंगुलर प्लूरल बनता है। राम का सिंगुलर प्लूरल बनेगा राम्स, मोहन्स, प्रियास, हिंदूज, लंडन्स, इंडियास, इसका सिंगुलर प्लूरल बनेगा। हाँ 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 हाँ, कर रहे हो। राम, राम प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, उसका प्लूरल सिंगुलर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन लेकिन हम कॉमन नाउन को गिन सकते हैं। देखो
कॉमन नाउन में बॉय में एस लगा दिया, गर्ल में एस, प्लेसेस, फोन्स, न्यूज़पेपर्स, टीचर्स, प्लूरल वगैरह बन रहा है, सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल बन रहा है, सिंगुलर प्लूरल बन रहा है, ठीक है। और अब मुझे बताओ कलेक्टिव नाउन का, कलेक्टिव नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनता है? मैं आपको बताऊंगी, कलेक्टिव नाउन का ना, जैसे टीम का, टीम का टीम्स बनता है, क्राउड का क्राउड्स बनता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है, क्लास का क्लासेस बनता है। तो ये जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, किसी का सिंगुलर बनता भी है और किसी का नहीं भी बनता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम कैसे पता चला कि किसका बनता है और किसका नहीं बनता है, क्योंकि ये तो कंफ्यूजन है, आपने बोल दिया। जैसे प्रॉपर नाउन का तो बनता ही नहीं है, कॉमन नाउन का बनता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कलेक्टिव नाउन में कैसे पता चलेगा किसका बनता है और किसका नहीं बनता है। अब ध्यान से देखना, किसका बनता है किसका नहीं बनता है, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ना, ओके, जैसे जिसको ना, मतलब जो बहुत चीज के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे ये बंच है ना, अ बंच ऑफ, ये बंच कलेक्टिव नाउन है, हम बंच ऑफ की भी बोल देते हैं, अ बंच ऑफ ग्रेप्स भी बोल दे देते हैं, ग्रेप्स भी बोल देते हैं। जैसे जैसे अ बंडल ऑफ, अ बंडल ऑफ स्टिक्स भी बोल देते हैं, और अ बंडल ऑफ पेपर्स भी बोल देते हैं। तो कुछ ऐसा कलेक्टिव नाउन्स, बंडल ऑफ पेपर्स, पाइल ऑफ पेपर, पाइल ऑफ बुक्स होता है, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स ना जो बहुत सारे चीजों के लिए यूज हो सकता है। जैसे गैंग, गैंग ऑफ थीव्स भी यूज कर सकते हो, और फ्रेंड्स के लिए भी यूज कर देते हैं। तो ये गैंग वर्ड है ना, बहुतों के लिए यूज किया जा सकता है, तो इसका एस लग जाएगा। बंडल भी दो तीन चीज के लिए हो सकता है, इसका एस लग जाएगा। बंच भी दो तीन चीज के लिए यूज हो सकता है। तो जो कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्टिव नाउन जो हम बहुत सारे चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे आप देखो फ्लॉक, जैसे फ्लॉक है, अ फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब है झुंड। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी होते हैं, अ फ्लॉक ऑफ शीप भी होता है, अ फ्लॉक ऑफ शीप भी होता है। तो ये जो फ्लॉक है ना, बहुतों के लिए यूज कर देते हैं। टीम भी बहुतों के लिए यूज कर देते हैं, बंच भी, बंडल भी। तो जो कलेक्टिव नाउन्स बहुतों के लिए यूज किया जा सकता है, उसका एस बनता है। टीम्स का भी बनेगा, फ्लॉक्स का भी बनेगा, बहुतों के लिए यूज किया जा सकता है, उसका बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ना, जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक के लिए ही बना होता है, किसी एक के लिए ही बना होता है। जैसे गर्ल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, जो गर्ल्स का ग्रुप होता है ना, उसको हम बोलते हैं अ बेबी ऑफ गर्ल्स, अ बेबी ऑफ गर्ल्स, ठीक है, बेबी ऑफ गर्ल्स है। तो ये जो बेबी वर्ड है ना, ठीक है, ये जो बेबी वर्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ, ये हम किसी टीम तो हम सबके लिए यूज कर देते हैं, बट ये जो बेबी है ना, ये बने ही है सिर्फ गर्ल्स के लिए, ये दूसरा किसी के लिए यूज नहीं हो सकता है। तो जो कलेक्टिव नाउन सिर्फ स्पेसिफिक के लिए बना है, उसका प्लूरल नहीं बनेगा, बट बाकी तो बना सकते हैं, बना सकते हैं, बना सकते हैं। बेबी बोलते हैं, बेबी नहीं है, बेबी है, बेबी बेबी कर रहे हैं, ओके। तो जो कलेक्टिव नाउन्स बहुतों के लिए बना हुआ है ना, ठीक है, टीम तो किसी के भी बोल सकते हैं, अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ओके, अ टीम, मतलब टीम बहुतों के लिए यूज किया जा सकता है, उसकी टीम बहुतों के लिए, गैंग भी बहुतों के लिए यूज किया जा सकता है, क्राउड भी बहुतों के लिए यूज कर देंगे, ठीक है, क्लास भी यूज कर सकते हैं बहुतों के लिए। तो उन सबका प्लूरल बना है, जो बट जो टेक्निकली एक ही के लिए बना हुआ है, उसका प्लूरल नहीं होता है, ठीक है, ये हो गया। और चलो, नहीं बनता है, कलेक्टिव नाउन का बनता भी है, नहीं भी बनता है। बोर्ड का भी, बोर्ड भी बहुतों के लिए यूज कर देते हैं, इसका भी एस बन जाता है। आर्मी के भी यूज कर देते हैं। अब मुझे बताओ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल बनेगा? बेबी यंग गर्ल के झुंड को बोलते हैं, ओके, यंग गर्ल्स के ग्रुप को हम बेबी बोलते हैं। हाँ बताओ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज भाववाचक, भाववाचक संज्ञा है ना, वो सिर्फ आप फील कर सकते हो, उसको छू नहीं सकते हो, फील नहीं कर सकते हो। तो इसका ये भी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। और दूसरा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन भी अनकाउंटेबल है, ठीक है, मटेरियल नाउन इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन ही होता है। लेकिन आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, कल परसों जब बैच जाएगा ना, कि मैं वुड का तो प्लूरल
आपने बोला है कि वुड का, वुड तो अनकाउंटेबल है, उसका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है नहीं बनता है, लेकिन जब बनता है ना उसका मतलब चेंज हो जाता है। कुछ ऐसे मटेरियल नाउन होते हैं ना जिसका प्लूरल बनता है तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। जैसे वुड का प्लूरल बनाया ना तो वो वुड्स हो गया, और वुड्स का मतलब लकड़ी नहीं है, फॉरेस्ट। जैसे आयरन है, आयरन से बना हुआ, आयरन मटेरियल नाउन है, और उसका मैंने प्लूरल बनाया तो उसका मतलब चेंज हो गया। आयरन्स का मतलब होता है जंजीरें, बेड़ियां, वो सब हम कल परसों वाले बैच में करेंगे, कल परसों वाला बैच में करेंगे। आइसक्रीम कॉमन नाउन है, आइसक्रीम का प्लूरल आइसक्रीम्स बनता है। ओके, जैसे क्वालिटी बॉल का आइसक्रीम, और क्या क्या का आइसक्रीम आता है ना, और क्या क्या आइसक्रीम, कुछ आइसक्रीम्स का मुझे एट प्रेजेंट ध्यान नहीं आ रहा है। कुछ आइसक्रीम्स का नाम बताइए, कुछ आइसक्रीम्स का ब्रांड नेम्स बताइए आप। क्वालिटी बॉल्स है, और क्या क्या है, भूल रही हूँ मैं, क्या क्या आइसक्रीम, नहीं वनीला तो फ्लेवर है, आइसक्रीम का नाम बताओ ना, आइसक्रीम कंपनी का नाम। क्वालिटी है, क्वालिटी है, अरे वनीला थोड़ी है, क्या बात है, कुछ बोल नहीं रहे हो, आइसक्रीम्स का नाम बताओ, आइसक्रीम का फ्लेवर नहीं मांग रही हूं मैं, आइसक्रीम का अमूल, अमूल का है, सब सब अपना अपना फ्लेवर दे रहे हैं, सब अपना अपना फ्लेवर, आइसक्रीम कंपनी का नाम पूछ रही हूँ, आइसक्रीम, अरे वो क्या है, मुझे दिमाग भी नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा कंपनी है, अमूल का है, सब फ्लेवर पूछ रहे हैं, चोकोबार एंड ऑल, क्रीम बेल का है, हाँ वाडीलाल का है, तो ये सब कंपनी का नाम है, ठीक है कंपनी का नाम है, तीनों कंपनी में क्या कॉमन है कि सब आइसक्रीम है, आइसक्रीम कॉमन नाउन है। आइसक्रीम क्या से बना है, मिल्क से बना है, तो मिल्क हो गया आपका मटेरियल नाउन। मदर डेयरी का है, हाँ मदर डेयरी का है, मैग्नम का है, वही सब है, मदर डेयरी मैग्नम्स। एक 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 हम एक बिहार में सुधा डेयरी का भी आता है, सुधा का भी आइसक्रीम शायद आता है, हैवनोर, हैवनोर का भी है, हैवनोर का, निंशो का भी है, आप सब भर भर के याद आ रहे हैं वाडी लाल का है, तो नॉनवेज बोल रहे हैं। तो ये सारे आपके बेसिक्स थे, और काउंटेबल नाउन है जिसका सिंगुलर प्लूरल बन सकता है। एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, एक से ज्यादा है स्टूडेंट्स, एक टीचर है टीचर, एक से ज्यादा है टीचर, एक बॉटल है बॉटल्स, एक से ज्यादा है बॉटल्स, सब कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अब देखो सेंटेंस, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, वाटर का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है, टाइम का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, बट इसमें भी कुछ ना हमें चीजों को ध्यान से करना है। कॉफी का प्लूरल सिंगुलर नहीं होता है, शुगर का भी नहीं होता है, पेशेंस, मिल्क, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एंगर, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन लेकिन अब मैंने यहाँ पे तो लिख दिया कि टाइम का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनेगा, और आप बोलोगे कि मैम टाइम का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, तो हमने तो टाइम्स वर्ड पढ़ा है ना, हमने तो कई बार टाइम्स वर्ड देखा है, और आप बोल रहे हो कि ये अनकाउंटेबल है तो इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनना चाहिए ना, बट फिर भी इसका बनता है। सेंटेंस देखना, सेंटेंस देखो, हाँ पहले मुझे एक और चीज बताना है, ये वाला जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना वो क्या बताता है, अमाउंट बताता है या क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है, और जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो संख्या बताता है। एक चीज और याद रखना, इससे भी एरर आता है, चीजों को रिलेट कर करके पढ़ना है, जब भी चीज किसी चीज की अमाउंट बताई जा रही है ना तो उसके लिए हम मच या लिटिल का यूज करते हैं। वैसे लिटिल, एक लिटिल का मतलब छोटा भी होता है, बट मात्रा के सेंस में लिटिल का मतलब है बहुत कम, अमाउंट बताता है, तो ये जो लिटिल और मच है ना, मच का मतलब भी ज्यादा और मेनी का मतलब भी ज्यादा, बट ये जो मेनी है ना ये अमाउंट बताता है, मात्रा और मच, और ये जो मेनी है ना ये संख्या बताता है, ये संख्या बताता है, इसीलिए तो अकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, और मच अमाउंट बताता है, इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है। उसी तरह ये तो ज्यादा के सेंस में, ये कम के सेंस में, ये कम के सेंस में है, ये भी अमाउंट ही बताता है, और फ्यू भी ना के बराबर कम के सेंस में है, बट ये नंबर्स बताता है, ठीक है, ये नंबर्स बताता है, नंबर्स नंबर्स, ओके हाँ नेक्स्ट, ठीक है, हाँ फ्यू इज ना के बराबर। अब मुझे आप बताओ, आई डोंट हैव मच टाइम टू डू द वर्क, ठीक है, यहाँ पे मच लगेगा या मेनी लगेगा, आप बताओ मुझे,
क्योंकि अभी तो मैंने बताया कि टाइम अनकाउंटेबल होता है, टाइम अनकाउंटेबल है, बट हम कभी कभी ना टाइम को काउंटेबल के सेंस में भी लिख देते हैं। तो आप मुझे बताओ कैसे सेंस में करेंगे? हाँ, मात्रा में ज्यादा। सेशंस वगैरह को लाइक वगैरह कर रहे हो आप? अनअकैडमी पे फ्री क्लास है क्या? पहले मुझे बताओ सेशन वगैरह को लाइक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, नहीं एकदम 2000 करना है सेशन को, 2000 नहीं 2000 लाइक कर दिया है। ओके चलो अच्छी बात है, भर भर के लाइक्स करना है ना, भर भर के लाइक्स करोगे, फर्स्ट डे सेशन का है तभी तो मेरे को अंदर मोटिवेशन रहेगा ना। बट अगर मुझे लगेगा कि स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आ रहा है तो मैं अपने कंटेंट को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर दूंगी, बना हुआ कंटेंट में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगी। लाइक करना है? हाँ एक ही बार करना है, एक ही बार करना है, दो बार नहीं करना है। वैसे तो मैं ना हर समय बोलती हूँ कि 45 मिनट्स का क्लास लूँगी, बट ज़्यादा ही हो जाता है। लाइक कर दिया है ना, चलो थैंक यू एवरीवन, कर देना है। हाँ देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, ओके देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स वॉचिंग फ्रॉम पाकिस्तान बांग्लादेश ऑल्सो, तो आई वॉन्ट ऑल माई स्टूडेंट्स टू लाइक द सेशन। ओके पाकिस्तान बांग्लादेश वाले स्टूडेंट्स भी सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देना, जो इंडिया आके नहीं पढ़ सकते हैं ना वहीं से पढ़ लेना। ओके चलो अब मुझे बताओ, आई डोंट हैव मच या मेनी टाइम, यहाँ टाइम का मतलब क्या चल रहा है? मेरे पास ना बहुत सारा समय नहीं है, मेरे पास बहुत सारा समय नहीं है। ये जो टाइम है ना, हम समय को नहीं गिन सकते बट हम मिनट्स को गिन सकते हैं। मिनट का प्लूरल मिनट्स होता है, ठीक है, सेकेंड का प्लूरल सेकेंड्स होता है, आर का प्लूरल आज होता है। तो हम मिनट्स सेकेंड्स और अगर हम समय के सेंस में देखें तो हम मिनट्स को सेकेंड्स को आज को गिन सकते हैं, बट टाइम इज अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ मच मच। ओके हाँ अनकाउंटेबल के साथ मच लगाना। लेकिन यहाँ पे बताओ, यहाँ पे यहाँ तो मैंने टाइम के साथ, यहाँ तो मैंने टाइम का प्लूरल नहीं बनाया क्योंकि टाइम का प्लूरल नहीं होता है, मिनट सेकेंड एंड आवर्स का होता है, ठीक है, बट टाइम का प्लूरल नहीं होता है तो मैंने यहाँ पे मच लगाया। लेकिन यहाँ पे मैंने टाइम का प्लूरल भी बनाया, अभी तो मैंने बोला टाइम का प्लूरल नहीं होता है तो ऐसे नहीं लगना चाहिए था, मैंने यहाँ लगाया भी और साथ में मैनी भी यूज किया। क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ ना टाइम समय नहीं बता रहा है, यहाँ का टाइम ना फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कोई भी काम कितनी बार हुआ। आपने किसी मूवी को 2 टाइम्स देखा, 3 टाइम्स देखा, 4 बार, जो बार का सेंस आता है ना, 3 बार 4 बार 5 बार, तो यहाँ हाउ मेनी टाइम्स, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आप कितनी बार यहाँ इस जगह पे गए हो, आप कितनी बार इस जगह पे गए हो, हाउ मेनी टाइम्स। तो यहाँ पे टाइम्स ना समय नहीं बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। जब टाइम फ्रीक्वेंसी बता है तो वहां पे लगा दें, लगा दें। तो चलो अब बैक टू द सेंटेंसेस, आई डोंट हैव मच टाइम, तो यहाँ टाइम के साथ एस मत लगाना, यहाँ का टाइम अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ मच लगाना। बट यहाँ का टाइम्स जो है ना, कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यहाँ काउंटेबल है तो यहाँ पे मैनी लगा, काउंटेबल के साथ हम मैनी लगाते हैं, अनकाउंटेबल के साथ मच लगाते हैं। हाँ 24 आवर्स फास्टिंग, इट्स नॉट 24 आवर्स, इट्स मोर देन 24 आवर्स, इट्स 36 आवर्स। ओके इस वीक तो पूरा होगा, इस वीक आपका वेडनेसडे होगा, वेंसडे होगा, आपका थर्सडे होगा, आपका फ्राइडे होगा, और सैटरडे भी मैं देखती हूँ, सैटरडे भी कर दूंगी। हाँ मैं बिहार से ही हूँ। चलो ही हैज स्पेंड द लिटिल मनी ही हैड, हम मनी को नहीं गिन सकते, हम मनी को नहीं गिन सकते हैं, बट मनी के अंदर हम करेंसीज को गिन सकते हैं, हम रुपीज को गिन सकते हैं, हम कॉइन्स को गिन सकते हैं, हम डॉलर्स को गिन सकते हैं। करेंसीज काउंटेबल है बट मनी इज अनकाउंटेबल, तो मनी के साथ हम लिटिल लगाएंगे, लिटिल भी अनकाउंटेबल के साथ। बट ही हैड स्पेंड द लिटिल रुपीज ही हैड नहीं होगा, क्या होगा, क्या होगा? क्या है, रुपीस तो काउंटेबल है ना, रुपीस काउंटेबल है, और काउंटेबल चीजों के साथ फ्यू लगता है, अनकाउंटेबल चीजों के साथ ये लगता है, ठीक है। हाँ लिख लिया है सबने, पता नहीं हम नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो।
नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो? सबका कॉपी चेक करूंगी मैं, नेक्स्ट क्लास सबका कॉपी चेक होगा। चलो ये हो गया, अब नेक्स्ट पे आओ। 45 मिनट्स बोल के ना मैं ज्यादा ही टाइम ले लेती। अरे एक, हाँ ये तो आपने नाउन का पढ़ा, ठीक है, नाउन का आपको पढ़ा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें। नाउन को आइडेंटिफाई करने का बहुत सारा तरीका है। कैसे पता करें कि वाक्य में कौन सा वर्ड नाउन है? ये तो बहुत इजी वाला तरीका है। जब भी वाक्य में हु का, हुम का, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब है वो नाउन है। लेकिन मैं इसको ज्यादा नहीं मानती हूँ। कौन जाके एग्जामिनेशन हॉल में ना सेंटेंस पढ़ पढ़ के व्हाट, हु और हुम कर रहा है? नाउन को आइडेंटिफाई करने का एक और भी तरीका है कि वाक्य में नाउन या तो सब्जेक्ट का काम करता है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। सब्जेक्ट इज द कर्ता। किसी भी वाक्य में किसी भी वर्ड को कर्ता का काम करने के लिए उसको या तो नाउन होना होगा या तो प्रोनाउन होना होगा। जो जो काम नाउन करता है वो काम प्रोनाउन भी करता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, ओके। तो नाउन का काम होता है वाक्य में सब्जेक्ट बनना या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। नाउन का काम होता है वाक्य में ऑब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट बनने के लिए नाउन होना होता है। नाउन 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 है। और कभी कभी हम, ये मैं बताऊंगी इसको जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, जब वर्ब पढ़ाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे पहले ना ये सब पढ़ाया नहीं है, जीरेंड वगैरह, लेकिन यही सोच के पढ़ा रही हूँ कि नए नए बच्चे आए हैं। जीरेंड भी नाउन का काम करता है। जीरेंड किसको बोलते हैं? जब वर्ब का ing फॉर्म नाउन का काम करने लगे जीरेंड होता है। और इन्फिनिटिव भी नाउन का काम करता है। तो ये तो मैंने बहुत सजा के अच्छे से लिख दिया है। होती है कि आपको समझाना कि आखिर ये सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ये कैसे नाउन का काम करता है। ओके, कैसे नाउन का काम करता है, सेंटेंस देखो। हाँ, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब बच्चों ने दिमाग में रखा है कि पहले वाक्य में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। देखो, वाक्य में ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आए ही, सब्जेक्ट और वर्ब का आना जरूरी है, तभी तो वाक्य मीनिंगफुल सेंस देता। कभी कभी हमारे वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं भी आया फिर भी सही है। कभी कभी हमारे वाक्य में ना सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आकर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। पहले ये देखो, इस सेंटेंस में राम क्या है? राम नाउन है। कैसे पता चला राम नाउन? राम कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, एक व्यक्ति का नाम है, राम नाउन है। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, बॉय भी नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है, ठीक है, बॉय इज कॉमन नाउन। और राम किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब मुझे बताओ कि राम वाक्य में किसका काम कर रहा है? राम वाक्य में किसका काम कर रहा है? राम 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 हमारे वाक्य में सब्जेक्ट है, ठीक है। राम हमारे वाक्य में सब्जेक्ट है, इसका मतलब है राम काम कर रहा है नाउन का। तो नाउन, राम नाउन है, इसका मतलब है नाउन भी हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। अब बताओ कि ये बॉय क्या है? बॉय क्या है? व्हाट इज बॉय? क्या बॉय ऑब्जेक्ट है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट पूरक, सब्जेक्ट के बारे में ही अतिरिक्त जानकारी देने वाले वर्ड को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये राम ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि कर्ता कोई काम करता है, कर्ता, ओके, कर्ता मतलब द सब्जेक्ट, कोई क्रिया करता है और उसका इफेक्ट कर्म पे पड़ता है, ठीक है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट कोई काम करता है और उसका इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है। बट यहाँ ऐसा थोड़ी है कि राम ने कोई काम किया और उसका इफेक्ट जाके बॉय पे पड़ा। राम ही तो वो इंटेलिजेंट लड़का है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि राम ने कोई काम किया, इफेक्ट जाके किसी दूसरे लड़के पे पड़ा। तो यहाँ राम ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ राम क्या है, सॉरी, यहाँ बॉय ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ बॉय सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। यहाँ पे बॉय सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, PLE वाला ना, ओके, ऑब्जेक्ट मत मानना। अगर अगर ऐसा रहता ना, राम किल्ड द बॉय,
राम किल्ड द बॉय, राम ने काम किया किल करने का, बट मरा कौन जाके, बॉय, तो बॉय इज द ऑब्जेक्ट, राम के द्वारा कोई काम किया गया बट उसका प्रभाव तो जाके उस लड़के पे पड़ा ना, तो यहाँ यहाँ पे किसी दूसरे लड़के को राम ने किल किया, तो ये ऑब्जेक्ट, बट यहाँ बॉय इज नॉट ऑब्जेक्ट, यहाँ बॉय इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो हमारा जो नाउन है ना वो सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी कर सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला, ही कॉल्ड द मैन अ लायर, ठीक है, थोड़ा सा इसको, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो यहाँ का जो राम नाउन है ना, नाउन का काम ही होता है या तो वाक्य में सब्जेक्ट बन जाओ या तो वाक्य में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाओ, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है। चलो बताओ इसमें नाउन कौन सा है, अरे नाम लीजिए नाम लीजिए, अभी ना तुरंत ब्लॉक करवा दूंगी ना, तुरंत ब्लॉक करवा दूंगी तो नाम नाम करते रह जाओगे, मेरा नाम लीजिए, कुछ ऐसा करो, कोई महान काम करो कि मैं आपका नाम लूं। चलो कौन सा है, यहाँ पे कौन सा नाउन है, द लगा है, द लगा है, आर्टिकल लगा है, इसका मतलब है ये नाउन है, ये भी नाउन है, और लायर अ लगा है, झूठा आदमी, अ लगा है, आर्टिकल लगा है, ये भी नाउन है। अब मुझे बताओ ऊपर वाले सेंटेंस में एक जगह नाउन सब्जेक्ट था, दूसरा जगह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, अब मुझे बताओ कि यहाँ का नाउन क्या है, नाम ले लीजिए नाम ले लीजिए, सेशंस को लाइक भी करते जाना है, बहुत ज्यादा हो गया, 45 मिनट्स बोल के एक घंटा हो गया, यहीं पे खत्म करूंगी। हाँ बताओ, ही कॉल्ड द मैन, ही एक सब्जेक्ट है, ठीक है, ही एक सब्जेक्ट है, ही ने किसको लायर बुलाया, इस मैन को, तो ये मैन एक ऑब्जेक्ट है, और आपको जब भी ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत हो ना तो पैसिव बना के देखना, ही कॉल्ड द मैन वॉज कॉल्ड बाय हिम, पैसिव बन रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, तो नाउन ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा। अब मुझे बताओ कि ये क्या है, ये क्या है, ये जो है ना ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मैन ही तो वो झूठा आदमी है, उसने उस मैन को झूठा कर झूठा कह के बुलाया, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है, मैन ही झूठा है, उस मैन को ही झूठा कह के बुलाया, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दिया जाए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो नाउन जो होता है ना वाक्य में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ये मैन और लायर दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, उस मैन को ही उन्होंने लायर झूठा कह के बुलाया है, तो दोनों सेम, ठीक है। ये क्लास ना डेली बेसिस पे होगा, मत पूछना। आई गेव प्रिया रिंग, मैंने किसको रिंग दिया, प्रिया को, देने का काम मैंने किया, रिंग पहुंचा प्रिया के साथ। अब मुझे बताओ कि ये रिंग क्या है, रिंग क्या है, रिंग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, रिंग को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मत मानना। ही गेव, उसने प्रिया को रिंग दिया है, प्रिया वो रिंग थोड़ी है, प्रिया अलग है रिंग अलग है, इसका मतलब है इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है और दोनों अलग अलग है। कभी कभी हमारे वाक्य में जैसा दो सब्जेक्ट आता है ना वैसे वाक्य में दो ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आया, प्रिया को रिंग मिला, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, मैन ही तो वो लायर है, ये मैन और लायर दोनों एक ही व्यक्ति है, तो इसको दो ऑब्जेक्ट नहीं मानना, ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे अलग अलग। तो देखो प्रिया भी नाउन है, किसी पर्सन का नाम भी नाउन है और किसी चीज है रिंग नाउन है, तो नाउन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट तो होता ही। नेक्स्ट वाला, ही इज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। अब आपको लगेगा अरे कहाँ पे नाउन है, यहाँ तो कुछ नाउन वाउन दिख नहीं रहा है, कहाँ पे नाउन है, ये क्लास ना पर डे चलेगा, मत पूछना बार बार। यहाँ पे देखो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन का क्या होता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट भी तो नाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी तो नाउन होता है,
ऑब्जेक्ट भी तो नाउन होता है, तो ये जो पेंटिंग है ना ये भी नाउन है। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम ये आईएनजी नाउन कहाँ से हो गया, आईएनजी नाउन कहाँ से हो गया। कभी कभी ना, कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी नाउन का काम करता है, जिसको जेरंड बोलते हैं, जिसको जेरंड बोलते हैं। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग है ना जेरंड के रूप में, ये भी नाउन, ये भी नाउन। अब खत्म कर रही हूँ। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब देखो ये इज क्या है, वर्ब, और सदियों पहले, ओके लॉन्ग बैक, वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किया था सब्जेक्ट से। जब भी कोई वर्ब लगता है ना सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्विमिंग है ना सब्जेक्ट का काम कर रहा, और सब्जेक्ट ही तो नाउन होता है। अब आप मुझे बोलोगे आईएनजी नाउन कैसे हो गया मैम, जेरंड के रूप में, जेरंड आईएनजी फॉर्म में भी नाउन का काम करता है, नाउन का। क्योंकि ना देखो वो बच्चों को बता देना ना, बता रही हूँ, एन ई डबल एस वाला, आई वी वाला वर्ड्स, ये सब नाउन होता है, ये होता है, वो सब में दिक्कत हो जाती है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, न्यू लैंग्वेज लर्न करना डिफिकल्ट है। अब देखो ये इज, ये इज किसके लिए लगा है, ये इज किसके लिए लगा है, न्यू लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं है, न्यू लैंग्वेज लर्न करना डिफिकल्ट है। तो 2+V1 इन्फिनिटिव होता है, ठीक है, और इन्फिनिटिव भी वाक्य में नाउन का काम कर सकता है, फॉन्ड एडजेक्टिव। देखो यहाँ पे लिखा है ना, देखो वाक्य में 2+V1 इन्फिनिटिव फॉर्म में नाउन का काम करता है, और जीरेंड भी नाउन का काम करता है। ये सब मैं आपको वर्ब में पढ़ाऊंगी कि ये सब होता तो वर्ब है बट काम करता है वाक्य में नाउन। ओके ये बता देना ना, जैसे बहुत बार ये बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन क्रिएट करना है, ठीक है, कि एस आई ओ एन वाले वर्ड, टी आई ओ एन वाले वर्ड, ऐसा ऐसा कर देना, नेस वाले वर्ड, ये सब बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, ये सब नाउन होता है। और आई वी, जो भी वर्ड आई वी से ख़त्म हो ना वो एडजेक्टिव होता है, बट ऐसा थोड़ी होता है। जैसे मैंने लिखा विच इज़ द ऑल्टरनेटिव रूट, एक ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्पिक, ठीक है, विच इज द ऑल्टरनेटिव्स। और फिर मैंने लिखा यू हैव टू ऑल्टरनेटिव्स, आपके पास दो चॉइसेस है। तो ये बच्चों को सिखा देना ना कि आई वी वाले वर्ड्स हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, ऐसा नहीं है, वो तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। कभी कभी आई वी वाले वर्ड्स ना नाउन का भी काम कर जाता है, नाउन का भी काम कर जाता है। देखो ये सब ऐसे नहीं सीखना है। नाउन का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जीरेंड इन्फिनेटिव, ये सब पे जाना। ओके अब मुझे बताओ कि रूट क्या है, रूट नाउन है। स्टेशन पे पहुंचने का, पे पहुंचने के लिए कौन सा विकल्पिक रूट है, रूट नाउन है। कैसा है रूट, ऑल्टरनेटिव। चलो यहाँ का ऑल्टरनेटिव तो एडजेक्टिव है, ठीक है, यहाँ तो अल्टरनेटिव एडजेक्टिव हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ का अल्टरनेटिव्स ना, यहाँ पे टू डिटरमिनर एडजेक्टिव है, कितने अल्टरनेटिव्स, नाउन, और एस लगा है ना, एस एस लगाकर हम नाउन का प्लूरल बनाते हैं ना, तो आपने देखा अल्टरनेटिव एडजेक्टिव भी हो जाता है, नाउन भी हो जाता है। ऐसे नहीं रटना है, ऐसे नहीं रटना है। ओके तो चलो लेट्स स्टार्ट। कल मैंने नाउन का बेसिक पढ़ाया था, अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम नाउन से एरर्स कहाँ कहाँ से आता है, ठीक है, नाउन से एरर्स कहाँ कहाँ से आता है। एक तो नाउन्स एंड नंबर्स से आता है, दूसरा नाउन्स एंड जेंडर से आता है, तीसरा नाउन्स एंड केसेस से आता है। नाउन्स एंड नंबर्स में क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है नाउन्स एंड नंबर्स में पढ़ना है एक वचन बहुवचन, मतलब कौन सा नाउन सिंगुलर होता है, कौन सा नाउन्स प्लूरल होता है। अब और बॉय और बॉयज वाला तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि हर बच्चे को वो तो पता है। कुछ नाउन्स ना देखने में सिंगुलर लगता है बट वो होता प्लूरल है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो प्लूरल लगता है बट होता सिंगुलर है, वैसे वाले कलेक्टिव नाउन्स हमें पढ़ने हैं। और नाउन्स एंड जेंडर्स में ना हम मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर पढ़ेंगे, पुलिंग और स्त्रीलिंग, और नाउन्स एंड केसेस में नाउन और कारक पढ़ेंगे, ठीक है, कारक मतलब नाउन्स के क्या क्या केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव, वो सब पढ़ने वाले, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे नाउन्स एंड नंबर से, एग्जाम में कैसे कैसे नाउन्स एंड नंबर से आपका एरर्स आने वाला है, ठीक है। हाँ, फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस है, दिस वीडियो इज फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस, सो डोंट बी इन अ हरी, हरी में नहीं रहना है, एकदम आराम से बैठ जाएगा।
स्टेनो के लिए सफिशियंट है, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे आए हैं ना सब स्टेनो वाले ही है, सब स्टेनो वाले ही है। चलो आज हम नाउन से नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन क्या आता है, ये हंड्रेड्स का स्पेलिंग रॉन्ग है, हंड्रेड्स में ई लगेगा, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। जब भी एग्जाम्स में हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस वाले एरर्स आते हैं ना मैम, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कहाँ कहाँ डजन के पहले से एस हटाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, ये सब में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये थोड़ा सा मैम क्लियर कर दीजिए। तो आज हम बहुत क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे कहाँ डजन के साथ। ये जो डजन होता है ना, ये जो डजन मिलियंस है, हमारे वाक्य में नाउन का काम भी करता है, और ये जो डजन्स मिलियंस है, ये वाक्य में डिटर्मिनर का काम भी करता है। डिटर्मिनर एडजेक्टिव का ही एक फॉर्म है, डिटर्मिनर्स डिटरमाइन करता है। डिटरमिनर्स को हम एडजेक्टिव के अंदर ही पढ़ते हैं। तो याद रखना है कि जब वाक्य में डजन्स, मिलियंस, थाउजेंड्स, ये सब सारे वर्ड्स है ना, थाउजेंड्स, मिलियंस, हंड्रेड, जब वाक्य में नाउन का काम करे तो हम उसका प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन जब ये वाक्य में डिटरमिनर का काम करना है तब उसका प्लूरल नहीं बनेगा, क्योंकि डिटरमिनर एडजेक्टिव्स है और एडजेक्टिव्स का प्लूरल नहीं बनता है। हमारे ग्रामर में तीन ही चीज का प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल बनता है, एक नाउन का बनता है, एक प्रोनाउन का बनता है, और दूसरा वर्ब का बनता है, एडजेक्टिव्स का नहीं बनता है, एडजेक्टिव का नहीं बनता है। नेक्स्ट वाला देखो भाई, मैंने हाँ, इधर उधर के कॉमेंट्स आएंगे ना, तो फिर आप बोलोगे मैम आपने मुझे क्यों ब्लॉक करवा दिया है, मैं बीच बीच में आपके कॉमेंट्स भी देख रही हूँ, अननेसेसरी ब्लॉक हो जाओगे। ओके, ब्लॉक हो जाओगे, रिपोर्टेड हो जाओगे, बैन हो जाओगे, देख नहीं करो, देख नहीं पाओगे, फिर से नया आईडी बनाना होगा। तो अननेसेसरी का कमेंट्स मत करिए। ठीक है, चलिए पहला वाला सेंटेंस पे आते हैं। कब इसमें एस लगाया जाता है, कब इसमें से एस हटाया जाता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ये। देखो अब मुझे बताओ, शी इज 6 ईयर ओल्ड या सी इज 6 ईयर्स ओल्ड। क्योंकि कई जगह मैंने देखा है, कई जगह आप ये पढ़ लेते हो ना, कई जगह आप ये पढ़ लेते हो, कोई न्यूमरल लगा हो, कोई नंबर लगा रहे, ठीक है, कोई नंबर लगा रहे और नंबर के बाद कोई एडजेक्टिव आ गया, तो उसके बाद ना नंबर के बाद कोई भी, ऐसा मैंने देखा है बहुत जगह पढ़ाते हुए, कोई भी नंबर के बाद कोई भी एडजेक्टिव या नाउन आ गया उसको सिंगुलर रखना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नंबर के बाद कोई भी एडजेक्टिव या नाउन आ गया उसको सिंगुलर रखना है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबको मानना ही नहीं है। चलो अब मुझे बताओ पहला वाला का आंसर क्या होगा। पहला वाला का आंसर, शी इज 6 ईयर्स ओल्ड। अब आपके दिमाग में आया कि मैम हमने तो पढ़ा है ना कि 6, 7, 8 के बाद जो भी वर्ड आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, तो आप बोलोगे ना, देखो आ भी रहा है, मुझे बहुतों का आंसर आ भी रहा है। देखो अक्षय बोल रहे हैं शी इज 6, क्योंकि 6, 7 के बाद ना जो भी नाउन आता है सिंगुलर होता है। वैसा वैसा नहीं है, ठीक है, वैसा वैसा कुछ नहीं है, जो भी नाउन एडजेक्ट कोई भी वर्ड आएगा सिंगुलर होगा। अब देखो यहाँ पे शी इज 6 ईयर ओल्ड नहीं होगा, शी इज 6 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, और यहाँ पे शी इज अ 6 ईयर ओल्ड गर्ल, यहाँ पे ईयर्स नहीं होगा, यहाँ पे ईयर होगा। अब बताओ क्यों, ऐसा क्यों, ये वाला क्वेश्चन में बहुत ज्यादा रॉन्ग करते हो, ऐसा क्यों, जल्दी से बताना है। क्योंकि क्योंकि यहां भी 6 है और आपने रट रखा है कि 6 के साथ प्लूरल नहीं होता, लेकिन मैंने यहाँ 6 के साथ प्लूरल लगाया है, बट यहाँ 6 के साथ प्लूरल ना लगा के सिंगुलर लगाया है। क्यों बताओ, बताओ ऐसा क्यों। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे शी इज अ 6 ईयर ओल्ड गर्ल, ये गर्ल क्या है, गर्ल नाउन है, गर्ल इज अ नाउन, गर्ल इज अ नाउन, और ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा है ये एडजेक्टिव है, पूरा ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में एस नहीं लगता है, तो आंसर ये हो गया, आंसर ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो 6 है ना, ओल्ड तो एब्जेक्टिव है, ठीक है, ओल्ड यहाँ पे एब्जेक्टिव है, लेकिन शी इज 6 ईयर्स ओल्ड, वो 6 साल की है, तो यहाँ पे जो ईयर्स है ना, इट इज एक्टिंग एज अ नाउन, इट इज एक्टिंग एज अ नाउन, ठीक है, और ये ओल्ड एब्जेक्ट, इसके बाद कोई नाउन रहता ना, जैसे गर्ल, इसके बाद कोई नाउन रहता तो मैं पूरा इसको एब्जेक्टिव मानती, बट यहाँ पे ओल्ड एब्जेक्टिव है, 6 भी डिटर्मिनर है, ठीक है, 6 भी डिटर्मिनर है, उसके बाद एक नाउन चाहिए, तो नाउन का फॉर्म है तो एस लगाना, अगर एडजेक्टिव है तो नहीं लगाना, एडजेक्टिव है नहीं लगाना।
ठीक है, अ उससे कुछ नहीं है वर्षा, उससे अ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, अ से कोई लेना देना नहीं है, शी इज 6 ईयर्स ओल्ड, यहाँ भी शी की ही बात हो रही है, एक ही पर्सन है और यहाँ भी एक ही पर्सन है, तो इसको रॉन्ग नहीं करना। दे आर 20 ईयर या 20 ईयर्स ऑफ एज, चल बताओ। दे आर 20 ईयर ऑफ एज या 20 ईयर्स ऑफ एज, ये देखो ये तो ऑफ है, चलो ऑफ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जो एज आया है ये तो नाउन है, ये तो नाउन है। अब मुझे बताओ कि ये क्या है 20, यहाँ पे 20 डिटर्मिनर है, ठीक है, 20 यहाँ पे डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, न्यूमरल एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन की। तो यहाँ यहाँ जो नाउन है ना, 20 के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, प्लूरल आएगा, प्लूरल प्लूरल, शी इज 20 ईयर्स होगा, आंसर सही आ रहा है, शी इज 20 ईयर्स। तो यहाँ का जो ईयर था ना, यहाँ का ईयर वॉज नाउन, ठीक है, 6 ईयर्स, अगर 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 ऐसा रहेगा ना, जैसे 6 ईयर्स, अकेला 6 ईयर्स है, अकेला 6 ईयर्स है, तो 6 के बाद, क्योंकि 6 एक प्लूरल वर्ड है, तो 6 के बाद जो भी नाउन आएगा ना वो प्लूरल ही रहेगा, वो प्लूरल प्लूरल ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा रहता, 6 ईयर्स ओल्ड गर्ल, 6 साल की एक लड़की, ठीक है, और 6 ईयर्स ओल्ड गर्ल मतलब 6 साल की एक लड़की, तो यहाँ पे ये नाउन हो गया, ये नाउन हो गया और ये पूरे एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव में एस नहीं लगा, नहीं लगा। नेक्स्ट वाला, अब बताओ, 6 ईयर या इयर्स हैज या हैव पास्ट सिंस आई मेट हिम, मेरे को उससे मिले हुए 6 साल हो गए। देखो देखो एक चीज ना यहाँ पे ध्यान, ये देखो रुको, मैंने लिखा शी इज 6 ईयर्स, शी इज 6 ईयर्स ऑफ एज, 6 साल के एज की है, और मैंने लिखा शी इज अ 6 ईयर्स ओल्ड गर्ल, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ना, मैम कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे एडजेक्टिव है और कहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। आप थोड़ा सा सेंटेंस देखो, सेंटेंस में क्या ध्यान देना है कि अगर वाक्य में 6 7 के बाद कोई नाउन आए तो उसको प्लूरल लिखना है, लेकिन अगर आपको 6 7 के बाद कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो वहां पे सिंगुलर करना, क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता। आप सेंटेंस में ध्यान दो, सेंटेंस में ध्यान दो कि ये जो है ना, यहाँ ये नाउन हो गया, ये नाउन है, अब यहाँ 6 ईयर्स के बाद ना कोई नाउन नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ 6 ईयर्स के बाद एक नाउन आ रहा है, ठीक है, यहाँ यहाँ जो 6 ईयर्स है ना, इसके बाद एक नाउन आ रहा है, इसका मतलब है कि ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, उसमें ईयर लगा देना। बट यहाँ पे ना इसके बाद तुरंत बाद कोई नाउन वगैरह नहीं आ रहा है, इसका मतलब है नाउन वगैरह नहीं आ रहा है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये यहाँ नाउन का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है तो 6 के बाद प्लूरल लगाना, बट यहाँ 6 के बाद ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मत लगाना मत लगाना मत लगाना, ओके। अब नेक्स्ट वाला बताओ, 6 ईयर, यहाँ ईयर किसका काम कर रहा है, देखो इसके बाद कोई नाउन वगैरह नहीं आ रहा है ना, ये देखो यहाँ पे वर्ब लगा है, यहाँ पे वर्ब लगा है, और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है, वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किया है सब्जेक्ट से, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है। इसका मतलब है कि मेरे को यहाँ पे कुछ नाउन प्रोनाउन चाहिए ना, कुछ जो भी नाउन प्रोनाउन यहाँ पे चाहिए, उसी के लिए तो मैं इसका वर्ब लगाऊंगी, ठीक है, उसी लिए तो मैं इसका वर्ब लगाऊंगी। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि मुझे नाउन चाहिए, और यहाँ पे कोई अलग से नाउन वगैरह नहीं है, इसका मतलब है कि ये ईयर्स को मैंने नाउन माना, और 6 एडजेक्टिव है, 6 के बाद जो भी नाउन आएगा प्लूरल आएगा, और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा, प्लूरल आएगा, प्लूरल, 6 ईयर्स बीत गए हैं, 6 ईयर्स बीत गए। तो ये सब क्वेश्चंस ना मुझे ज्यादा सेंटेंस अरेंजमेंट में देखने को मिलता है, जहां बच्चे रॉन्ग कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ओके, 6 ईयर नहीं होगा, 6 ईयर्स, यहाँ पे 6 एडजेक्टिव है, इसके बगल पर आप सिंपल ही देखो ना, सिंपल देखो, यहाँ ईयर के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, क्योंकि ईयर ही नाउन है तो प्लूरल रखो, लेकिन यहाँ ईयर के बाद तो नाउन आ रहा है, इसका मतलब है ईयर एडजेक्टिव है, उसका प्लूरल मत बनाओ। यहाँ भी ईयर के बाद कोई नाउन वगैरह नहीं आ रहा है डायरेक्टली,
ईयर खुद ही नाउन है तो नाउन का प्लूरल बनाओ, 20 के बाद जो भी नाउन आएगा प्लूरल आए, प्लूरल आए, ठीक है। नेक्स्ट वाला, शी बॉट 2 dozens एग्स। पहले मुझे बताओ ये करेक्ट है, शी बॉट 2 dozens एग्स। आंसर बताते जाना, सेशन अच्छा लगे लाइक भी कर देना है। शी बॉट 2 dozens एग्स, dozens, millions, hundreds, उसके बाद का वर्ड देखो, ये एग्स है, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना कि ये जो डजन है ये वाक्य में नाउन का भी काम करता है, नाउन का काम करता है ना, तो उसका प्लूरल बना दो dozens, dozens प्लूरल बना दो, बट अगर ये डिटरमिनर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उसमें एस मत लगाना। अब देखो यहाँ डजन के बाद एक नाउन आ रहा है, एग्स, एग्स नाउन है, कितना एग्स, 2 dozen एग्स, तो ये 2 dozen पूरे एडजेक्टिव हो, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, नहीं बनता, नहीं बनता। नेक्स्ट वाला, शी बॉट dozen ऑफ एग्स। अब यहाँ पे मुझे बताओ, शी बॉट dozen ऑफ एग्स, यहाँ पे क्या, यहाँ पे dozen तो गलत था क्योंकि यहाँ का dozen काम कर रहा था एडजेक्टिव का, क्या यहाँ का dozen एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव, क्योंकि ऑफ क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है एग्स, एग्स भी नाउन। बाद का वर्ड देखो, बाद का वर्ड देखो कि इसके बाद कोई भी नाउन वगैरह नहीं आ रहा है, कोई भी नाउन वगैरह नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये खुद ही नाउन है और नाउन का प्लूरल बनता है, उसने दर्जनों एग्स खरीदे, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, शी बॉट dozens ऑफ एग्स, दर्जनों एग्स खरीदे, तो यहाँ पे ये करेक्ट है, बट यहाँ नाउन का काम कर रहा था तो उसमें एस लगा दो, बट यहाँ तो नाउन का काम नहीं कर रहा, एडजेक्टिव है, इसमें एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट, अब मुझे इस सेंटेंस का आप करेक्ट आंसर बताना, ये एग्जाम का ही आया हुआ सेंटेंस है, आई बॉट 4 dozen मैंगोज, आई बॉट 4 dozen ऑफ मैंगो, आई बॉट 4 dozen मैंगोज, आई वॉन्ट 4 dozen ऑफ मैंगोज। आंसर बताओ, आंसर बताओ मेरे को। अरे वर्षा, गलत आंसर दे रहे हो। आंसर बताना, 4 dozen ऑफ मैंगोज। सबसे पहले ए आंसर है, अच्छा चलो चलो एक मिनट, पहले पहले तो मुझे बताओ कि ये वाला रॉन्ग है, 4 dozen मैंगोज, मैंगोज क्या है, मैंगोज नाउन है, कितने, 4 dozen, और ये 4 dozen इसके बाद देखो यहाँ dozen के बाद नाउन आ गया, इसका मतलब है कि ये नाउन नहीं है और इसका प्लूरल नहीं बनेगा, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। अब यहाँ देखो, शी बॉट 4 dozen ऑफ मैंगो नहीं होगा, ओके, बहुत सारे मैंगोज है ना, बहुत सारे मैंगोज में से उसने 4 dozen खरीदा, तो ES लगना चाहिए था, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, आई वॉन्ट 4 dozen ऑफ मैंगोज, और आई वॉन्ट, आई बॉट 4 dozen मैंगोज। अब आपके अगर ग्रामेटिकली देखा जाए ना, अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये भी रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ dozen नाउन का काम कर रहा है और नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है, और ये भी सही है क्योंकि मैंगोज नाउन है, मैंगोज नाउन है, कैसा कैसा, 4, तो ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ये भी सही है, और आपको लगेगा ग्रामेटिकली ये भी तो सही है। जब ऐसा आ गया ना, तो हमें दोनों में से सबसे अप्रोप्रिएट ढूंढना है, सबसे अप्रोप्रिएट कौन है, वो dozen ना, देखो देखो 4, ये जो dozen है ना, ये dozen अपने आप में प्लूरल है, ठीक है, ये dozen अपने आप में प्लूरल है, तो ये 3-4 के साथ लगाओगे ना, तो फिर से प्लूरल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम अ लिखते हैं, अ dozens कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है, अ dozens कभी नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं अ dozen, और आप बोलोगे कि मैम dozen में तो 12 आते हैं, dozen तो प्लूरल है, तो आपको एस लगाना चाहिए था ना, एक तो अ के बाद सिंगुलर आता है और dozen अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, तो dozen वर्ड जब भी 3-4 वर्ड के साथ आ गया ना, ठीक है, तो 3-4 यहाँ पर ऑलरेडी प्लूरल बता रहा है, तो फिर से इसमें प्लूरल नहीं लगाना। आंसर इज डी, डी 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 आंसर इज डी, ये एग्जाम्स का ही आया। नेक्स्ट, 2000 पीपल, ये सब ना ये सेंटेंस का कोई थ्योरी नहीं होता है, ठीक
ठीक है, ये ध्यान रखो, ये जो मैं एक एक का कमेंट देख रही हूँ मैम, पहले ना इसका थ्योरी पढ़ा दीजिए। ये सेंटेंस का कोई थ्योरी नहीं होता, इसको हम एग्जाम्स में मतलब एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझते हैं। इसका कोई थ्योरी नहीं है, अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना आशु। चलिए बताइए नेक्स्ट। 2000 पीपल वर प्रेजेंट। पीपल वर प्रेजेंट। यहां पे देखो, पीपल क्या है? पीपल नाउन है। कितने पीपल? ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए डिटेल में इसको क्वेश्चन है, डिटेल में करो। कितने पीपल? 2000। नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स, एडजेक्टिव्स, डिटरमिनर्स, और डिटरमिनर्स में एस मत लगाना, बट यहाँ लगा सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट, तो यहाँ थाउजेंड्स एज अ नाउन यूज हो सकता है, एज अ नाउन यूज हो रहा है, एज अ नाउन यूज हो रहा है, प्लूरल लग रहा है। एज अ नाउन तो एस लगा सकते हो ना, बट एज एन एडजेक्टिव नहीं लगा सकते, एज एन एडजेक्टिव नहीं लगा। उसी तरह 100 रुपीज नोट वॉज या वर लाइंग ऑन द ग्राउंड। बताना 100 रुपीज नोट वॉज या वर लाइंग ऑन द ग्राउंड। नाइन्थ वाला करेक्ट है, क्योंकि 2000 वाला में तो 1000 एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव में एस नहीं लगाओगे, बट नाउन है तो लगा दो। 100 रुपीज नोट वॉज लाइंग, 100 रुपी की एक नोट। देखो यहाँ, यहाँ इसके बाद एक नाउन आया है। जब ये नाउन आ गया है ना, इसका मतलब है ये नाउन नहीं है, इसका प्लूरल नहीं करोगे। कैसा नोट? 100 रुपये का एक नोट, तो ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में प्लूरल मत लगाना। और हमें जो वर्ब लगाना है ना, हमें जो वर्ब लगाना है किसको देख के लगाना है? अपने नाउन को देख के लगाना, सब्जेक्ट को। 100 रुपये को नहीं देखा, 100 रुपये का एक नोट देखा। बॉस 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 बॉस, यस। हाँ देखो, इसका मैंने बहुत, पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो ये क्लियर हो गया है, ये आगे से ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है? थाउजेंड बस याद रखना है, क्वेश्चन देख के आपको पता कर लेना है कहाँ का थाउजेंड, कहाँ का मिलियन। नाउन का काम कर रहा है ना, नाउन का काम कर रहा है तो उसमें एस लगा देना, अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो एस नहीं लगाना। वो तो सेंटेंस देख के पहचानना होगा ना, सेंटेंस देख के पहचानना होगा। नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है? हाँ, क्योंकि दिमाग, बार बार मैं बोलती हूँ, इजी इजी चीजें नहीं पढ़ना है, जो चीजें में दिमाग लगाना पड़ता है वही एग्जाम में आता है। तो एक तो चलो मैंने बता दिया, अब आ जाओ नाउन्स एंड नंबर्स में। सेकेंड पॉइंट पे, कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं ना जो कि हमेशा सिंगुलर होता है। ओके, आपको याद रखना है, मैंने मेन मेन वाला वर्ड्स रखा है, जो ऐसे तो छापने का मैं यहां से यहां तक लिख दूँ, लेकिन मेन मेन एग्जाम्स में आता है। कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना जो सिंगुलर होता है और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेता है, जैसे कि एग्जाम का फेवरेट वर्ड है लगेज। लगेज, हम लगेज को नहीं गिन सकते हैं, लगेज के अंदर जो बैग्स होते हैं ना, जैसे बैग है, सूटकेस है, इसको गिन सकते हो। सूटकेस का प्लूरल सूटकेसेस बन सकता है, बैग का प्लूरल बैग्स बन सकता है, ठीक है? लेकिन लगेज का प्लूरल नहीं बनता है, क्योंकि लगेज अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। उसी तरह से फर्नीचर लिखा, फर्नीचर में टेबल चेयर ये सब आता है, तो टेबल चेयर का प्लूरल बन सकता है, टेबल का प्लूरल टेबल्स, चेयर का प्लूरल चेयर्स, इसका प्लूरल बन सकता है, बट फर्नीचर का प्लूरल नहीं बनता है। उसी तरह सीनरी का भी नहीं बनता है, एविडेंस मतलब सबूत, इसका नहीं बनता है। इन्फॉर्मेशन का भी नहीं बनता है प्लूरल, और मैं आगे आपको एग्जाम्पल्स में बताऊंगी कि अगर प्लूरल बनाना है ना तो क्या करना होगा। ओके, एविडेंस दो बार आ गया। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का भी प्लूरल नहीं बनता। न्यूज, इस न्यूज का एस देख के इसको प्लूरल मत समझना, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है। पोइट्री, पोएम का प्लूरल पोएम्स बनता है, ठीक है? पोएम का प्लूरल पोएम्स बनता है, बट बहुत सारे पोएम्स के कलेक्शन को हम पोइट्री बोलते हैं, तो पोइट्री का प्लूरल पोइट्रीज नहीं बनता है, ठीक है? नहीं बनता है। दूसरा वाला पॉटरी, पॉटरी किसको बोलते हैं? जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसको पॉटरी बोलते हैं। आप इसमें क्रॉकरी भी लिख सकते हो, शीशे के बर्तन को क्रॉकरी बोलते हैं, इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा। इनिंग में भी इनिंग वर्ड बगैर एस का होते ही नहीं, उसमें एस लगना जरूरी है। नॉलेज, ब्रेड, ब्रेड का भी प्लूरल ब्रेड्स नहीं बनता है। अगर ब्रेड को प्लूरल बनाना ही है ना, तो हम स्लाइसेस ऑफ ब्रेड लगा देंगे, बट ब्रेड में एस मत डालो। मशीन, हेयर, ये सब का प्लूरल नहीं बनता है, ये सिंगुलर रहता है, इसीलिए ये अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेगा, ठीक है? ये अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेगा। इसको फटाफट कॉपी करिए, अब ज्यादा क्लियर होगा एग्जाम्पल्स के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू। पहले आप इसको लिख लो,
लिखिए फटाफट, सब नहीं रट लेना है। देखो होता क्या है ना, छापने का मैं पूरा ऊपर से नीचे बुक छाप दूँ, बुक वाला उठा के, लेकिन आप ना वही याद रखो जो आपके एग्जाम्स में आता है, और कैसे कैसे एरर आता है ना उस पर ज़्यादा ध्यान दो। इनिंग कोई वर्ड नहीं होता है, अगर एक इनिंग भी है तो एस लगेगा, दो भी है तो एस लगेगा। इंग्लिश इज ऑल्सो अ नाउन, अभी अभी मैं बताती हूँ। चलो नेक्स्ट वाला, अब तो असली कहानी एग्जाम्पल में होगा। ही गेव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। पहले मुझे बताओ कि पहला पहला वाला क्वेश्चन इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है बताना, कौन सा करेक्ट है? हाँ, पोएट तो जो पोएम लिखते हैं उसको पोएट बोलते हैं। हाँ बताओ कौन सा करेक्ट है। दोनों रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग, दोनों रॉन्ग है। एक तो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, इंफॉर्मेशन का प्लूरल इंफॉर्मेशंस नहीं बनता है, जैसे एडवाइस, एडवाइसेस होता भी है ना, नहीं बनता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। तो ही गेव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। अब मुझे बोलोगे कि मैम ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, तो चलो इंफॉर्मेशन में एस नहीं लगता और आपने एस हटा भी दिया है, तो ये तो सही होना चाहिए ना, क्योंकि जनरली हम एन और अ लगाते हैं, जनरली एन और अ लगाते हैं काउंटेबल चीज़ों के लिए, काउंटेबल चीज़ों के लिए अ और एन लगाते हैं, बट इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तभी तो आपने एस हटाया है ना, यहाँ से एस हटाया है क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, तो क्या करोगे इसको काउंटेबल बनाने के लिए, क्या करोगे? बोथ आर रॉन्ग। यस, इंफॉर्मेशन वैसे तो अनकाउंटेबल होता है, बट इसको काउंटेबल बनाने के लिए ना आप क्या करो, इसको कैसे इंप्रूव करोगे? ही गेव मी एन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब एन इंफॉर्मेशन नहीं होगा, एन इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इसको काट के कर लो, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपने अ पीस लगाकर इसको काउंटेबल बना दिया, अ पीस लगाकर काउंटेबल बना दिया। ठीक है, दूसरे वाले में देखो, ही गेव मी टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आपको लगेगा अरे मैम टू पीसेज लगाया, टू पीसेज लगा के मैंने प्लूरल बनाया, तो इन्फॉर्मेशन में भी तो एस लगना चाहिए, इन्फॉर्मेशन सिंगुलर हो ठीक है फिर भी एस नहीं लगेगा, अगर इन्फॉर्मेशन को प्लूरल बना रहे हो तो टू पीसेज लगाकर, यहाँ तो अ पीस लगाकर भी सिंगुलर था, लेकिन टू पीस लगाकर आपने प्लूरल बनाया, बट इन्फॉर्मेशन में एस नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। हाँ, और ही गेव मी सम इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है। अब मुझे बताओ, जैसे एविडेंस, एविडेंस का प्लूरल भी एविडेंसेस नहीं होता है, एविडेंसेस नहीं होता। अब मुझे बताओ कि इसमें क्या लगाओगे, ऑल द एविडेंस वॉज होगा या वर, ऑल द एविडेंस वॉज या वर, पीसेस भी लगा सकते हो, ही गेव मी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो भी सही है, टू पीसेस भी लगा दिया। हाँ बताना, ऑल द एविडेंस, एविडेंस अनकाउंटेबल है ना, ये जो ऑल है ना, ये जो ऑल है ये अपने साथ सिंगुलर भी लेता है, अपने साथ प्लूरल भी लेता है, अगर ऑल के साथ कोई काउंटेबल नाउन आ गया, ये देखो ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को तो गिन सकते हैं, ऑल के साथ अगर काउंटेबल आ गया ना तो आर लगाना, लेकिन लेकिन एविडेंस तो अनकाउंटेबल है तो हम सिंगुलर लगाएंगे, वॉज वॉज वॉज। आई वॉन्ट टू बाय सम फर्नीचर्स, क्या ये सही है? आई वॉन्ट टू बाय सम फर्नीचर, ऑल सिंगुलर भी लेता है, ऑल प्लूरल भी लेता है, देख लेना बाद में कैसा नाउन आ रहा है, काउंटेबल नाउन आ गया तो प्लूरल लगाना, अगर अनकाउंटेबल आ गया तो सिंगुलर लगाना। हाँ हाँ, आई वॉन्ट टू बाय सम फर्नीचर्स मत लगाना, आई वॉन्ट टू बाय सम फर्नीचर, सम भी लगा सकते हो, या आपको काउंटेबल बनाना है सम पीसेज ऑफ फर्नीचर भी लगाओगे, बट फर्नीचर में एस मत लगाना। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, ईच फर्नीचर वॉज डैमेज्ड। अब ये करेक्ट है या गलत है आप मुझे बताओ, ये भी आपके एग्जाम में ही आया हुआ है, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है बताओगे? टू पीसेस भी लगा सकते हो, यस, सम आइटम्स ऑफ फर्नीचर, सम पीसेस ऑफ फर्नीचर, ये भी लगा सकते हो, ईच ऑफ द लगेगा। अच्छा, नो एरर है, ना ना एरर है, एरर है इसमें,
एरर है, नो एरर नहीं है, दिमाग लगाओ, कुछ के तो दिमाग में आएगा ना कि मैम ईच तो सिंगुलर होता है, ईच सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी तो सिंगुलर लगाया और नो एरर करके आ जाएंगे, बट एरर है इसमें, बताओ क्या एरर है। नहीं, रॉन्ग है, रॉन्ग है। हाँ तो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है नहीं बोलना है, करेक्ट वाला बताता है, बताना भी है। ईच का हिंदी होता है प्रत्येक, और ये ईच क्या है, ईच काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है बताना, ये आपके एग्जाम के सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया होगा, सारा सेंटेंस एग्जाम से ही उठा है, ईच काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। इतना पीटूंगी ना जो फर्नीचर्स फर्नीचर्स कर रहे हैं, फर्नीचर्स फर्नीचर्स वाले को ना ब्लॉक कर दूंगी। अभी बार बार बता रही हूँ कि फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर अनकाउंटेबल है उसका फर्नीचर होता है, बट फर्नीचर के अंदर जो सूटकेस बैग आता है उसका प्लूरल बनता है, काउंटेबल है। हाँ, ईच इज काउंटेबल, ईच तो हमारा काउंटेबल होता है, ईच इज यूज फॉर काउंटेबल, और फर्नीचर तो अनकाउंटेबल है, फर्नीचर तो अनकाउंटेबल है, तो इसको काउंटेबल बनाने के लिए कुछ तो करना होगा, तो यहाँ पे ना ईच पीस ऑफ फर्नीचर लगाना, काउंटेबल बनाने के लिए पीस लगाना, पीस पीस, ईच पीस ऑफ फर्नीचर। आपके एग्जाम में एक ऐसा सेंटेंस आया, ऐसा था, दोनों में से आपको चुनना था, इम्प्रूवमेंट में आया था, एक था ईच पीस ऑफ फर्नीचर वॉज डैमेज्ड, एक ऑप्शन में ये था, और एक ऑप्शन में था ईच फर्नीचर वॉज डैमेज्ड, और भी ऑप्शंस थे, इनवैलिड थे। अब दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, वैसे ईच तो सिंगुलर होता है, ठीक है, ईच तो सिंगुलर है, दोनों जगह मैंने सिंगुलर लगाया भी है, बट ये गलत है क्योंकि ईच तो काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, बट फर्नीचर, ईच तो काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, फर्नीचर तो अनकाउंटेबल है, तो फर्नीचर को काउंटेबल बनाने के लिए ना पीस लगा दो, पीसेस मत लगाना, क्योंकि ईच के साथ हमेशा सिंगुलर आता है, आगे जाके वर्ब भी सिंगुलर, सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, पोइट्रीज ऑफ वर्ड्सवर्थ आर वेरी इंटरेस्टिंग। चलो बताओ, जल्दी 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 बताना है, एवरी ग्रुप के लिए होता है तो हम एवरी क्यों करेंगे, वहां पे ईच सही है, लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान स्टूडेंट्स विल शेयर द वीडियो अमंग द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। पोइट्रीज कोई वर्ड होता ही नहीं, ठीक है, पोएम का प्लूरल, पोएम का प्लूरल पोएम्स होता है, और बहुत सारे पोएम्स के कलेक्शन को हम पोइट्री बोलते हैं, पोइट्री का प्लूरल पोइट्रीज नहीं होता, एग्जाम का फेवरेट पोइट्री हो, और भी कहीं एरर दिख रहा है, पोइट्री, पोइट्री सिंगुलर भी तो होता है, ये ना एवर एवरग्रीन, ठीक है, सदाबहार क्वेश्चन है, सीन का प्लूरल, सीन का प्लूरल सीन्स होता है, बट बहुत सारे सीन्स मिलके सीनरी ही बनाते हैं, तो सीन का प्लूरल तो सीन्स होता है, बट सीनरी का प्लूरल सीनरीज नहीं होता, ये मिल जाता है, सीनरी, देयर इज नो सच वर्ड लाइक सीनरी, और सीनरी सिंगुलर होता है, और वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। बताओ, सम ऑफ द लगेजेस वर लाइंग एट द स्टेशन, आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हो और आके कुली पूछते हैं कि कितना लगेज है आपके पास, अब शुरू हो जाते हैं, एक लगेज, दो लगेज, तीन लगेज, वो रॉन्ग है, लगेज अनकाउंटेबल है, ठीक है, लगेज को काउंटेबल बनाने के लिए पीसेज ऑफ लगेज, आइटम्स ऑफ लगेज लगा दोगे, बट लगेज में एस कभी मत लगा, तो सम ऑफ द लगेजेस नहीं होगा, सम ऑफ द लगेज, लगेज, लगेज में एस मत लगाना। अब बताओ कि वॉज होगा या वॉर होगा, वॉज होगा या वॉर, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटिफुल, जैसे मैंने ऑल वाला बताया ना, ऑल के बाद काउंटेबल भी आ सकता है, अगर ऑल के बाद काउंटेबल आता है ना तो वो प्लूरल होगा, लेकिन लगेज तो उसी तरह सम के बाद, सम ऑफ द बॉयज आर होगा, बट यहाँ तो सम के बाद लगेज अनकाउंटेबल है, तो सिंगुलर, 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 यस। अब आ जाओ, ये हेयर, हम हेयर को नहीं गिन सकते हैं, ठीक है, हेयर इज अनकाउंटेबल, हेयर इज अनकाउंटेबल, लेकिन जो हेयर टूट के गिरते हैं उसको तो गिन सकते हो, हमारे गर्ल्स अगर क्लास में है तो आप जाते होगे पार्लर में जाके हेयर
आपको अपना हेयर का स्ट्रीक्स, अगर आपको बाल का कलर करवाना होता है तो कुछ तो पूरा कलर करवाते हैं और कुछ तो स्ट्रीक्स में करवाते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं ना पार्लर वाले कि एक स्ट्रीक का 250 रुपया है, तो अलग अलग स्ट्रीक्स में करते हैं, तो वो तो काउंट कर सकते हो ना। जो हेयर स्ट्रैंड टूट के गिरता है वो तो काउंट कर सकते हो। तो हेयर इज अनकाउंटेबल, हेयर इज अनकाउंटेबल, बट अगर हेयर को काउंटेबल बनाना है ना, तो आप ऐसा लिख सकते हो ट्रू स्ट्रैंड। स्ट्रैंड का मतलब है हेयर का अलग अलग जो टूट के गिरता है, कलर करवाते हो। तो हेयर को काउंटेबल बनाने के लिए ना, जैसे टू स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर या बहुत सारे स्ट्रैंड्स है, स्ट्रैंड्स का मतलब है वो एक एक है, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। लेकिन आपने स्ट्रैंड्स लगाकर प्लूरल बना दिया, गलती से भी हेयर में एस मत लगा, हेयर में एस मत लगाना, नहीं लगाना। लड़कियों को पता होगा पार्लर जाते हैं वो, हाँ अलग अलग, मैं मुझे लग रहा है ना, मैंने तो वैसे करवाया नहीं है, लेकिन हो सकता है गर्ल्स सही बताएंगे, हो सकता है ज़्यादा भी हो, 500 रुपीज़ का भी एक स्ट्रैंड हो, लंबे बाल, बाल के साइज पे डिपेंड करता है, वो 10-10 हज़ार लग जाते हैं, 10-10 हज़ार का करवा के आते हैं। भाई उनका अधिकार है, गर्ल्स का मेकअप करना, स्टाइलिश होना, ये उनका फंडामेंटल राइट है। एक माँ बनाती है अपनी बेटी को स्ट्रांग, कभी कभी बेटी खुद स्ट्रांग बन जाती है, कभी कभी बेटियाँ भी माँ को स्ट्रांग बना देती हैं। एक्सपेंसिव है और ज़्यादा है ना, 15 हज़ार का तो एक नहीं है। तो कितना खुशी आ रही है ना, भर भर के सब अपना कमेंट्स दे रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कितना इंटरेस्टिंग लगते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। थोड़ा सा टॉपिक से इधर उधर बात कर लो ना, एकदम स्माइल, लव इन द एयर, स्माइल्स, और एकदम कमेंट्स भर भर के आएंगे, इमोटिकॉन्स। 250 रुपीज़ लगता है, अच्छा हाफ हेयर का 250 से 500 रुपीज़ लगता है, चलो स्टार्ट किया जाए। तो हेयर इज अनकाउंटेबल, तो ऑल हिज हेयर्स मत करना, ऑल हिज हेयर, हेयर करना, हेयर अनकाउंटेबल है, ठीक है। और इसको काउंटेबल बनाने के लिए इसको स्ट्रैंड्स लगाते, स्ट्रैंड्स, ये एक हो गया। हाँ अब बताओ, इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड बाय 1 इनिंग्स और इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड बाय 2 इनिंग्स, यहाँ पे दोनों करेक्ट है। कुछ को लगेगा ना, अरे वन के बाद तो सिंगुलर आता है, जैसे हम वन के साथ तो बॉय लगाते हैं और टू के साथ बॉयज़ लगाते हैं, ठीक है, प्लूरल के साथ प्लूरल, टू के साथ बॉयज़ लगाते हैं, बट इनिंग एक ऐसा वर्ड है ना, ये बगैर एस का होता ही नहीं, इसमें एस जरूरी है। वन भी है तो इनिंग्स ही करोगे, अगर टू भी है ना, ये मत सोचना कि टू के साथ एस लगा, वन के साथ हटा दो, दोनों के साथ एस लगेगा, सही है, लगेगा। बॉयज़ का 250 रुपीज़ में पूरा कलर हो जाता है, वही वाला कर देते होंगे जो 3 दिन बाद गायब हो जाता है, जो गर्ल्स ट्रिक्स करवाते हैं ना, उनका 3-4 मंथ्स चला हो जाता है, काम चल जाता है। दीज डेज न्यूज़ का एस देख के ना इसको प्लूरल मत समझना, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो फिर लगा न्यूज़ वाला के साथ आर लगा दो। हमने सिंगुलर वाला कर लिया, अब हम चलते हैं प्लूरल। अभी तक हमने क्या किया, कुछ नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर होता है, अब हम चलेंगे कुछ नाउन्स जो कि हमेशा और हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। सब कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल होता है, जिसमें से ना सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें ना एक दो और लिख लो, टाइडिंग्स का मतलब होता है न्यूज़ के सेंस में जाता है, देख रहे हो, यहाँ देखो न्यूज़ सिंगुलर होता है, न्यूज़ तो सिंगुलर होता है, बट ये टाइडिंग्स है ना, इसका मतलब भी न्यूज़ ही होता है, बट ये प्लूरल होता है। जिसमें से ना आप उसमें से एक और वर्ड लिख लो, इसमें से लिख लो कैवलरी, सबका मतलब बताती, कैवलरी भी लिखो, इन्फेंट्री भी लिखो और क्लर्जी भी लिखो, पहले आप लिख लो उसको, ये सारे नाउन्स प्लूरल होते हैं, सेविंग्स में इस डाल देना, प्लूरल होते हैं। एंड भी है तो इनिंग्स ही होगा, महाकाल, इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड बाय एन इनिंग्स, क्योंकि इनिंग कोई वर्ड नहीं होता, एक भी है तो एस, दो भी है तो एन इनिंग्स। न्यूज में नॉर्थ पहले क्यों आता है, इसके बारे में ना हम जूम मीटिंग करेंगे। जेंट्री भी लिख लो, हाँ जेंट्री नहीं डाला है, जेंट्री भी लिख लो, 3-4 और ऐड कर लीजिए, मेन मेन जो आता है।
ये प्लूरल होता है, 45 मिनट्स हो गए हैं ना. नहीं नहीं ऑर्डर्स का अलग से करेंगे, वो तो आप ऐसे ही बना रहे हो प्लूरल. सेशंस को लाइक भी कर देना है, हर चीज़ का नहीं बनाने लगोगे ना. अच्छा चलो, ट्राउजर्स तो पता ही है. एक एक चीज़ समझ जाओ ना कि एक ट्राउजर है तो ट्राउजर मत लगाना. सो ट्राउजर जो पैंट्स आप लोग पहनते हो तो मत सोचना एक है तो ट्राउजर और एक से ज्यादा है तो ट्राउजर. ये वर्ड ना बगैर एस का कोई वर्ड होता ही नहीं, एस के साथ ही बना है. सीजर, सीजर में भी एक कैंची है तो ये मत सोचना कि सीजर लगा दो और बहुत सारा है तो एस लगा दो. सीजर कोई वर्ड नहीं होता, एस से बना है. बाइनोक्युलर इज दूरबीन, ये भी एस के साथ बना है. टाइडिंग्स का मतलब भी होता है न्यूज, ठीक है. और ये देखो जेंट्री, जेंट्री का प्लूरल बना के दे देते हैं क्योंकि ऐसा जेंट्रीज लगा देंगे, ये गलत है क्योंकि ये जेंट्री जो है ना, जेंट्री मतलब जेंटलमैन लोगों का ग्रुप, सभ्य लोगों का समूह, सभ्य लोगों का जो समूह है उसको हम जेंट्री बोलते हैं. तो जेंट्री अपने आप में प्लूरल है, ये जेंट्री अपने आप में प्लूरल में, इसको ऐसा लगा के प्लूरल मत करना. शैम्बल्स, देयर इज नो सच वर्ड लाइक शैम्बल, शैम्बल नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है. ये वर्ड एस के साथ बना है. शैम्बल्स का मतलब होता है दुविध, मतलब कंफ्यूजन है, अस्त व्यस्त. स्पेक्टिकल्स इज चश्मा, एस के साथ बना है. ये एग्जाम का फेवरेट है, एग्जाम का फेवरेट है. आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा, दान, चैरिटी, ये फेवरेट है और ये प्लूरल होता है, हमेशा प्लूरल. वर्मिन इज ए टाइप ऑफ इंसेक्ट, वर्मिन एक कीड़े का नाम है, ये आपके CHSL में आया हुआ है. वर्मिन एक कीड़ा का नाम है और ये कीड़ा इकट्ठे एक साथ रहता है. तो इस कीड़े को हमने, आप बोलोगे मैम एक ही कीड़ा का नाम है तो सिंगुलर होना चाहिए था ना, बट ये इकट्ठे झुंड में रहता है. टोंग्स चिमटा को बोलते हैं, ठीक है. पोल्ट्री, पोल्ट्री फॉर्म होता है जानते ही, मुर्गी फॉर्म एंड ऑल. कैटल इज मवेशी, कभी कभी ना कैटल में, कैटल में एस लगा देते हैं बट कैटल अपने आप में प्लूरल है, एस नहीं लगाना है, एस नहीं लगाना है, ओके. फायरवर्क्स, फायरवर्क्स हम पटाखे को बोलते हैं, वो भी प्लूरल होता है. फायर वर्क नहीं होता है, फायर वर्क्स और प्लूरल होता है. रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष, ओके, रेसिड्यू, अवशेष को बोलते हैं, बचा हुआ भाग. सेविंग्स आपकी बचत, गुड सामान, गॉगल, शॉर्ट्स, पार्ट्स नहीं है ये, पैंट्स है, ये सब प्लूरल होता है और वर्क भी प्लूरल है. अब ये बोलोगे मैम क्लर्जी किसको बोलते हैं, जो जो चर्च में पादरी होते हैं ना, जो सारे उनका जो समूह होता है, ओके, पादरी पुजारी जो होते हैं, क्लर्जी, वो प्लूरल है. वो जो युद्ध में घोड़े पे लड़ते हैं वो कैवलरी है, और जो पैदल रहते हैं और युद्ध में लड़ने जाते हैं, पैदल वाला सेना जो है और ये घोड़े वाला सेना है, और सारे प्लूरल, सारे प्लूरल. देख लो इसको, नहीं नहीं शर्ट का नहीं होगा, शर्ट सिंगुलर होता है, शर्ट और उसका प्लूरल शर्ट्स. प्लाजो भी आ गए, लिख लिया. नेक्स्ट वर्ड, चलो. स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स का मतलब है चश्मा. स्पेक्टिकल्स इज होगा या आर होगा बताओ. जैसे जैसे लगेज, और लगेज तो सिंगुलर था, लगेज को प्लूरल करने के लिए ना उसमें एस नहीं लगाएंगे, उसको पीसेस ऑफ लगेज लगा के करेंगे. और अब मुझे बताओ, हाँ स्पेक्टिकल्स अपने आप में प्लूरल है, प्लूरल है. तो आप बोलोगे मैम जैसे आपने पिछले वाला बताया था कि सब सिंगुलर है, उसका प्लूरल आपने पीसेस लगा के बनाया था, ठीक है, तो ये तो प्लूरल है तो इसका भी तो सिंगुलर बनता होगा. चश्मा तो प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर बनाने के लिए ना हम इसमें अ पेयर लगा देंगे, ये होता प्लूरल है, ठीक है. स्पेक्टिकल्स अकेला स्पेक्टिकल्स रहे, अकेला सीजर्स रहे, तो ये सब में आर लगाना, ये सब, क्योंकि ये सब प्लूरल होता है, चश्मा, दूरबीन, ये सब प्लूरल है, और इसको सिंगुलर करने के लिए इसमें अ पेयर लगा देना. अ पेयर लगा दिया तो सिंगुलर हो गया, सिंगुलर. अगर मैं ऐसा लिखूं एक पेयर है तो सिंगुलर और बहुत सारे पेयर्स हैं, पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, तब आर लगाना, क्योंकि आपने पेयर्स लगाकर प्लूरल किया इसको, और वो भी प्लूरल किया और अ पेयर सिंगुलर था. अब मुझे बताओ आई वॉन्ट अनदर स्पेक्टिकल्स, थर्ड वाला रॉन्ग कैसे है, मतलब थर्ड वाला राइट है कि रॉन्ग है मुझे बताओ. थर्ड वाला करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी करते जाना है. ये देखो स्पेक्टिकल्स अनकाउंटेबल है, ठीक है.
ठीक है, स्पेक्टिकल्स अनकाउंटेबल है, और ये जो अनदर है ना, अनदर काउंटेबल के लिए होता है। हम स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, बाइनोकुलर्स अनकाउंटेबल होता है, इसको काउंटेबल बनाने के लिए पेयर लगाते हैं, ठीक है, तो ये काउंटेबल है और स्पेक्टिकल्स तो अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो हमें इसे काउंटेबल बनाना है। काउंटेबल बनाने के लिए लगा दो, आई वॉन्ट अनदर स्पेक्टिकल्स नहीं होगा, काउंटेबल बनाने के लिए आई वॉन्ट अनदर पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अनदर पेयर ऑफ यस पेयर लगा देना, ठीक है। अनदर सिंगुलर होता है, एम्स, एम्स का मतलब होता है दान, भिक्षा, और ये जो एम्स है ना, भिक्षा दान, ये प्लूरल होता है, तो इसलिए वर लगाना। ये वर्मिन एक इंसेक्ट का नाम है जो झुंड में रहता है और प्लूरल होता है, डू लगाना। वेयर इज और आर माई ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स सिंगुलर होता है, बट अकेला ट्राउजर्स, अकेला ट्राउजर्स प्लूरल है, प्लूरल है। वेयर आर माई ट्राउजर्स, आर माई ट्राउजर्स, ठीक है, ये सब तो आता ही है, वेयर आर माई ट्राउजर्स, ये सब तो होता ही है, ये सब तो सबको आपको पता है। अब बताओ, ये इंपॉर्टेंट हम लोग करेंगे, इसके बाद करके एंड करूंगी। कैटल और कैटल्स इज और आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये जो कैटल है ना, ये मवेशी होते हैं, मवेशियों का झुंड होता है, काउ, गोट, बफलो, शीप, पूरे झुंड में, और कैटल अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस लगाकर प्लूरल मत करना, क्योंकि ये अपने आप में प्लूरल है, और इसके साथ क्या लगाओगे, ये मत लगाना, आर आर, ओके। द पोल्ट्री, पोल्ट्री अपने आप में प्लूरल है, तो अपने आप में प्लूरल है तो एस लगाकर प्लूरल क्यों बनाओगे, और आपको लगेगा पोल्ट्री ये सिंगुलर है, इज लगा देते, बट पोल्ट्री प्लूरल है। नेक्स्ट वाला, हिज होल लाइफ वॉज इन शैम्बल, उसका पूरा लाइफ ना कंफ्यूजन में था। आंसर बताइए, कहाँ पे एरर है, एरर कहाँ पे है, पोल्ट्री आर होता है, देर इज नो सच वर्ड लाइक शैम्बल, शैम्बल का मतलब होता है कंफ्यूजन, ठीक है, शैम्बल जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, ये वर्ड बना ही है एस के साथ, ये वर्ड बना है एस के साथ, तो हिज होल लाइफ वॉज इन शैम्बल्स, ये गलत है, शैम्बल्स होगा, और ये जो इज लगा है, ये तो, ये जो वॉज लगा है तो लाइफ के लिए लगा है, लाइफ के लिए लगा है, हाँ। ये जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग है, चिल्ड्रेन को बोलते हैं, ब्रदरिन का मतलब है भाई बंधु, आपके ब्रदर्स भाई बंधु को बोलते हैं, ठीक है, और पर्सनल्स का मतलब है अधिकारी, सारे प्लूरल, प्लूरल फॉर्म में, शैम्बल में एरर है, हाँ, शैम्बल, इसका ना एस मत लगाना, ओके। ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, अगर हम इसका प्लूरल भी बनाए ना, ठीक है, तो प्लूरल भी बनाए तो खुद प्लूरल है, प्लूरल भी बनाए तो इसमें एस मत लगाना, एस नहीं लगाना है, ठीक है, एस नहीं लगा, नहीं इसमें तो एस लगेगा शैम्बल। अब देखो ये एग्जाम का सेंटेंस, हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग या ऑफस्प्रिंग डज अ लायन हैव, चलो बताओ। मैम प्लीज, आपके इस बैच की फीस कितनी है, और ये भी आप इस बैच का पूरा पढ़ाइएगा क्या, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना है, फीस के बारे में कुछ भी पूछना है ना, इस नंबर पे कॉल कर लेना, 9995835824। अभी एन अकेडमी पे ऑफर चल रहा है 20%, इसको फटाफट ले लीजिए, परसों तक का ऑफर है, 26 अगस्त तक का है, बहुत बड़ा 30% डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ, तो आपके दिमाग में आएगा कि मैनी, अरे मैनी के बाद तो प्लूरल आता है, हाउ मैनी बॉयज़, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी क्लासेस, हाउ मैनी गर्ल्स, मैनी के बाद तो प्लूरल आता है, तो आप सोचोगे ना कि चलो एस लगा देते हैं, नहीं, क्योंकि ऑफस्प्रिंग अपने आप में प्लूरल, एस मत लगाना, नहीं लगाना, नहीं लगा। हाउ टू परचेज द, ऊपर नंबर लिख दिया है 9995835834, वहाँ पूछना है, द ब्रेदरेंस ऑफ दिस लॉ, अच्छा लॉयल्टी लिख दिया है, भाई बंधु, इस लोकेलिटी के जो भाई बंधु है ना, सारे लोग हैं, सब में आर ऑलवेज एट डैगर्स ड्रोन, सब में ना, ये एग्जाम का ही सेंटेंस है, द ब्रेदरेंस, इस जगह के जो लोग हैं ना, हमेशा मतलब उन लोगों में डैगर्स ड्रॉन, उन लोगों में दुश्मनी है, बिना किसी कारण के इन लोगों में दुश्मनी है। हाँ, तो बताओ, कुछ बच्चे हो सकता है इसको नो एरर करके आए, उन्हें लगेगा ना ब्रेदरेन, ब्रेदरेन तो प्लूरल है,
यहाँ पे आर भी लगा है, चलो नो एरर कर देते हैं, लेकिन ये जो ब्रेदरेन है ना, ये अपने आप में प्लूरल है, ठीक है, अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, एस लगाने की ज़रूरत नहीं है भाई बंधु। और लगेगा कि अरे ब्रेदरिन में से एस हटा दिया मैम ने, चलो यहाँ इज लगा देते, नहीं, ये बगैर एस का ही, इसमें एस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, एस वाला होता ही नहीं है, ये अपने बगैर एस का ही प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल लेगा, सब्जेक्ट में गड़बड़ी, सब्जेक्ट। द ट्रेन विच मेट विथ एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल या पर्सनल, हाँ पर्सनल्स का मतलब होता है अधिकारी, बता, पर्सनल का मतलब है अधिकारी, आपको लगेगा सम के बाद तो प्लूरल आता है तो प्लूरल लगा देते हैं, बट ये जो एक तो ये पर्सनल होता है, ये पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, ये एडजेक्टिव है, ओके, ये पर्सनल का मतलब पर्सनल प्रॉब्लम, व्यक्तिगत प्रॉब्लम ये, बट ये पर्सनल अपने आप में प्लूरल है, इसमें ना एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने डील किया कि कुछ ऐसे वर्ड्स है, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स है जो सिंगुलर भी होता है, जो प्लूरल भी होता है। अब मैं एंड करूँगी, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे ना, कि नेक्स्ट क्लास करेंगे कुछ ऐसे नाउन्स जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ठीक है, पुलिस वगैरह वाला भी करेंगे, डिपार्टमेंट है तो सिंगुलर, ये सब का हम लोग अलग से कर, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, ओके, देयर आर सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दैट कैन एक्ट एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। वी हैव द एग्जांपल्स, ज्यूरी, ज्यूरी इज अ ग्रुप ऑफ जजेस, इसी ग्रुप ऑफ जजेस को कोर्ट में बेंच बोलते हैं, इसी ग्रुप ऑफ जजेस को इंटरव्यू में पैनल बोलते हैं, ये सिविक्स है, सिविक्स है, ये लग गया, ओके, इसी मैं बता दूंगी कौन कौन से रॉन्ग क्वेश्चन है, मैं बता दूंगी, ओके, टीम भी पता है, काउंसिल इज परिषद, ऑडियंस दर्शक, कमिटी, वेजेस, ये वेजेस का दो मतलब है, इसका मैं बताऊंगी कहाँ का वेजेस सिंगुलर होगा, कहाँ का प्लूरल होगा। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का भी दो मतलब होता है, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पुलिस, बेंच, ऑल दिस कैन एक्ट एज सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउ लेट अस सी कहाँ पे सिंगुलर एक्ट होगा और कहाँ पे प्लूरल एक्ट होगा, ठीक है, तो चलो सेंटेंस देखा जाए। देखो, दिस पुलिस ना, दिस पुलिस कैन एक्ट एज सिंगुलर ऑल्सो, दिस पुलिस कैन एक्ट एज प्लूरल ऑल्सो। अगर वाक्य में पुलिस किसी डिपार्टमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन को रेफर कर रहा है ना, तो वहां पर सिंगुलर लगाना, ठीक है, लेकिन वाक्य में अगर पुलिस कर्मचारी, पुलिस ऑफिसर्स की बात हो रही है, तो वहां पे प्लूरल लगाना। सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू डिसाइड वेदर दिस पुलिस विल एक्ट एज सिंगुलर और प्लूरल। जहां ऑर्गेनाइजेशन किसी संस्था या डिपार्टमेंट के रूप में यूज हो रहा है, सिंगुलर, जहां हमारे पुलिस ऑफिसर्स की बात हो रही है, प्लूरल। अमित का 185 आया, वेरी गुड। तो अब सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना है, लाइक भी कर देना है। नेक्स्ट, चलो बताओ, द पुलिस इज और आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, चलो बताओ यहां पे क्या होगा, हाँ चलो बताओ, द पुलिस, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं केस को। नो कमेंट्स, अभी कोई कमेंट्स वगैरह नहीं करेगा, एक बार पढ़ाई शुरू हो गई है ना, तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, कमेंट्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, यहाँ पुलिस एज एन ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस डिपार्टमेंट केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, हियर पुलिस इज एक्टिंग एज अ डिपार्टमेंट, यस, बट द पुलिस इज और आर पेट्रोलिंग इन द सिटी, जो पुलिस है ना सिटी में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आके पेट्रोलिंग नहीं कर रहा है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आके पेट्रोलिंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आर हो जाए, आर 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 आर, ठीक है, हाँ नोट करने का टाइम दिया करो, थोड़ा जल्दी किया दिया, नोट किया करो। ये तो पुलिस हो गया, पुलिस सिंगुलर भी हो सकता है, पुलिस प्लूरल भी हो सकता है। अगर डिपार्टमेंट संस्थान का सेंस आए तो सिंगुलर लगाना, पुलिस ऑफिसर्स का आए तो आर लगाना, पूरा डिपार्टमेंट मिलके थोड़ी सिटी में पेट्रोलिंग कर रहा है। अगर अगर पुलिस में से अगर एक पुलिस मैन की बात हो रही है ना, MAN, तो इज लगाना, पुलिस मैन। अगर पुलिस मैन है, पुलिस MEN मैन, तो आर लगाना, MEN मैन के लिए आर लगाना और मैन के लिए इज लगाना। चलो अब बताओ, आई सॉ 5 पुलिस नियर द हाउस,
ये बात सीपीओ सबके लिए, बार बार नहीं पूछना है, ये बात सबके लिए। अमित कुमार का 185 आया है, बहुत बहुत अच्छा नंबर है। चलो बताओ। हाँ, आई सॉ 5 पुलिस। देखो यहाँ पे 5 है, 5 आपने पुलिस में से उस 5 कर्मचारी को देखा, तो 5 पुलिस नहीं होगा, 5 पुलिस मैन होगा, 5 पुलिस ऑफिसर्स, MEN। एक पुलिस होता तो पुलिस मैन करती, एक पुलिस होता तो पुलिस मैन करती। नेक्स्ट, द टीम हैज और हैव रीच्ड इंग्लैंड। टीम सिंगुलर भी होता है, टीम प्लूरल भी होता है, तो पूरा इंडिया टीम, पूरा इंडियन टीम इंग्लैंड पहुंच गए हैं। सब अलग अलग नहीं पहुंचे, इकट्ठे टीम एक साथ इंडिया इंग्लैंड पहुंचे हैं। तो द टीम हैज ओके, सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला। बहुत देर तक वेट नहीं करना, बाद में अपना नोट्स बनाते रहना। द टीम हैज और हैव ट्राइड द यूनिफॉर्म्स। चलो बताओ, यहाँ तो पूरा टीम, इंडिया का पूरा टीम इकट्ठे इंग्लैंड पहुंच रहे हैं, तो यहाँ टीम को सिंगुलर माना है। ठीक है, इकट्ठे सब पहुंच रहे हैं, बट यहाँ टीम के जो मेंबर्स है ना, सब मिलके एक ही यूनिफॉर्म, इकट्ठे मिलके एक ही यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे। टीम के अलग अलग मेंबर्स अलग अलग अपना अपना यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, तो यहाँ का टीम इज प्लूरल। टीम ओवर हियर इज प्लूरल, प्लूरल प्लूरल है, प्लूरल। नेक्स्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पे तो अच्छा, चलो यहाँ पे इंडिया के लिए तो चलो इज लगाया, इंडिया हमारे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में से एक है। मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंडिया। इंडिया को कभी कभी हम इंडिया टीम के सेंस में भी लिख सकते हैं, और इंडिया एज अ कंट्री भी हो सकता है। इंडिया हैव 11 प्लेयर्स, यहां पे क्या करूं? ये सही है ना, बिगनर के लिए भी है। इंडिया, यहां पे इंडिया के साथ तो इज लगाया, क्योंकि यहां मैंने इंडिया को टीम नहीं माना, इंडिया को सिंगुलर माना, बट यहां इंडिया के साथ हैव लगा। कभी कभी आप क्रिकेट में सुनते हो ना कि इंडिया हैव वन द मैच, कभी कभी इंडिया, यहां इंडिया टीम के लिए, तो हैव लगा सकते हो, हैव लगा सकते हो। नेक्स्ट, द ऑडियंस इज, ऑडियंस सिंगुलर भी होता है, ऑडियंस प्लूरल भी होता है, तो ऑडियंस इज और आर, द ऑडियंस इज और आर, यहाँ पे है फ्रॉम, फ्रॉम लगा दो। द ऑडियंस इज और आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या होगा? जो ऑडियंस है वो शहर के, वो वर्ल्ड के विभिन्न पार्ट्स में से है। जो ऑडियंस है वो शहर के विभिन्न, वर्ल्ड के विभिन्न पार्ट में से, तो यहाँ का ऑडियंस प्लूरल है, द ऑडियंस आर। बट यहाँ देखो, द ऑडियंस आर डिवाइडेड, ऑडियंस के ओपिनियन में मतभेद है, ऑडियंस डिवाइडेड है, मतलब सब लोग का अलग अलग अपना अपना ओपिनियन है, तो यहाँ का ऑडियंस भी प्लूरल है। द ऑडियंस आर डिवाइडेड इन ओपिनियन, मतलब सारे ऑडियंस का ओपिनियन अलग अलग है, तो यहाँ पे ऑडियंस को प्लूरल माना है, और यहाँ भी ऑडियंस को प्लूरल माना है, क्योंकि ऑडियंस अलग अलग क्षेत्र से है, दोनों जगह आर ही होगा, बट कभी कभी ऑडियंस सिंगुलर भी हो सकता है। सेंटेंस देखो, द ऑडियंस इज और आर यूनानिमस इन ओपिनियन। यूनानिमस का मतलब होता है एकमत, ठीक है, एकमत का मतलब है, मतलब द ऑडियंस आर हैविंग अ यूनानिमस, यूनानिमस का मतलब है कलेक्टिव ओपिनियन है, यहाँ पे यूनानिमस है, एकमत है, एकजुट है, पूरे ऑडियंस का एक ही ओपिनियन है, तो यहाँ पे ऑडियंस इज सिंगुलर, 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 यूनानिमस। सेंटेंस देख के डिसाइड करोगे यहाँ का ऑडियंस इज सिंगुलर। नेक्स्ट आ जाओ, दिस वेजेस, ये जो वेजेस होता है ना, इस वेजेस का दो मतलब है, ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, लिख लो यहाँ पे वेजेस। एक वेजेस का मतलब होता है सैलरी, अगर वेजेस सैलरी के सेंस में है ना, डेली वाली जो सैलरी होती है, सैलरी के सेंस में है, तो प्लूरल लगाओ, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और एक वेजेस, एक वेजेस के सेंस में, एक वेजेस आपका पनिशमेंट के सेंस में, एक वेज का मतलब होता है दंड, दंड के सेंस में है, तो सिंगुलर लगा, ठीक है। वेजेस का बहुत सा दो मतलब होता है, एक वेजेस का मतलब है दंड, दंड के सेंस में है सिंगुलर लगाना, और सैलरी के सेंस में है प्लूरल लगाना, प्लूरल।
पनिशमेंट या रिजल्ट के सेंस में। हाँ तो चलो, द वेजेस ऑफ सिन इज, और द, हाँ पाप का, द वेजेस ऑफ पनिशमेंट ऑफ सिन रिजल्ट या पनिशमेंट के सेंस में है। सिन इज पाप, पाप का परिणाम, पाप का दंड क्या है? पाप का दंड इज पनिशमेंट, या पाप का दंड इज डेथ वाले सेंस में, रिजल्ट के सेंस में इज लगा, इज। और द वेजेस ऑफ द वर्कर्स, तो यहाँ वेजेस सैलरी के सेंस में है ना, सैलरी के सेंस में है तो आर लगा देना, ठीक है। पनिशमेंट, रिजल्ट, दंड के सेंस में इज लगा, इज। मैथमेटिक्स ऑल्सो हैज टू मीनिंग्स, मैथमेटिक्स का भी दो मतलब होता है। एक मैथमेटिक्स का मतलब होता है यह सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, और एक मैथमेटिक्स का मतलब होता है योर पावर ऑफ कैलकुलेशंस, गणना करने की क्षमता। थोड़ा स्लो कर दूं, लिख रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, लिख रहे हैं। चलो लिखो लिखो, फटाफट लिखिए लिखिए। मैथमेटिक्स का भी वेजेस, द वेजेस ऑफ द वर्कर्स, अगर सैलरी के सेंस में, उसी तरह से जैसे मैथमेटिक्स है, अगर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स अगर सब्जेक्ट के रूप में, तो सिंगुलर लगाना, सिंगुलर सिंगुलर, ओके, एज अ सब्जेक्ट। और एक मैथमेटिक्स का मतलब होता है कैलकुलेशंस, आपकी गणना करने की क्षमता जो है, कैलकुलेशंस के सेंस में हो तो प्लूरल लगा, प्लूरल लगा, प्लूरल। रिकॉर्डेड में लिख लेंगे, हाँ इतना वेट थोड़ी करना है। मैथमेटिक्स इज और आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो यहाँ मैथमेटिक्स को इन्होंने एज अ सब्जेक्ट माना है, और सब्जेक्ट माना है तो सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है। और द मैथमेटिक्स ऑफ द टैक्स रिटर्न्स, तो यहाँ मैथमेटिक्स का मतलब है जो टैक्स रिटर्न्स के कैलकुलेशंस है वो अवेलेबल है, तो यहाँ मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस के सेंस में इट शुड बी आर 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 आर। नेक्स्ट, उसी तरह ये डजन्स वाला तो करवा दिया था, ठीक है। तो ये कुछ नाउन जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ये मैंने कल आपको करवा दिया था। अब आ जाओ कंपाउंड नाउन, ठीक है। हाँ अब आ जाओ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड किसको बोलते हैं? आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ना, व्हाट इज अ कंपाउंड? अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। एक होता है नाउन और एक होता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन दो वर्ड से बना होता है। जैसे मैंने लिख दिया, जैसे देखो, एक मैंने लिख दिया मदर, मदर तो नाउन है, ठीक है, मदर इज नाउन। अब मैंने लिखा मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये भी नाउन है, ये भी तो एक ही रिलेशन बता रहा है, मदर भी रिलेशन है, मदर इन लॉ भी रिलेशन ही है, तो मदर इन लॉ भी नाउन ही है, बट ये नाउन तीन वर्ड से बना है ना। देखो, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, तो ये तीन वर्ड से बना है, तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड नाउन, ठीक है, कंपाउंड नाउन। और मदर तो सिंपली नाउन है, मदर तो सिंपली नाउन है, यस। तो आगे बढ़ो, अब देखो, द कंपाउंड नाउन इज अ नाउन विच इज मेड अप ऑफ मोर, टू और मोर वर्ड्स। और कंपाउंड नाउन को प्लूरल करने के लिए ना, अब जैसे मदर है, मदर है, या ब्रदर है, ब्रदर का प्लूरल मैंने एस लगाकर कर दिया, ठीक है। ब्रदर का प्लूरल जनरली एस लगाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए लास्ट वर्ड में एस लगा देते हैं, लेकिन मैंने लिखा ब्रदर इन लॉ। अब ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बनाने के लिए ना एग्जाम में इसमें लगा देंगे एस, लेकिन आपको कंपाउंड नाउन में देखना है ना कि कंपाउंड नाउन में मेन वर्ड कौन सा है। मेन वर्ड लॉ नहीं है, मेन वर्ड ब्रदर है, तो लॉ में एस नहीं लगाओ, ब्रदर में एस लगाओगे, ब्रदर में, ओके, ब्रदर इन लॉ। तो कभी कभी, कभी कभी ना, इन लॉज, इन लॉज के घर, आपके ससुराल, इन लॉज में एस एस लगा देते, इन लॉज में ना, इन लॉज, इन लॉज मतलब मदर इन लॉ, फादर इन लॉ का घर जो है उसमें एस लगा लेते हैं। बट जब भी ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ सब आ गया ना, प्लूरल करने के लिए लॉ में मत लगाना, ब्रदर मदर में लगेगा। तो चलो, अब कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम एस उसके रूट वर्ड पे लगाते हैं। अब देखते हैं, चलो अब मुझे बताओ, सन इन लॉ का रूट वर्ड वो क्या करेंगे ना एग्जाम में, इसमें लगा के दे देंगे, इसमें लगा के दे देंगे, सन इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, ये सब है, बट गलत है। ब्रदर इन लॉ का रूट वर्ड लॉ नहीं है, ब्रदर है, तो ब्रदर में एस लगाना। सन इन लॉ का रूट वर्ड लॉज नहीं है, सन है, सन में लगाना। उसी तरह कमांडर इन चीफ, अगर अकेला चीफ होता ना, अकेला चीफ होता तो मैं चीफ्स पे लगाती, लेकिन कमांडर इन चीफ में वो आपको यहाँ पे एस लगा के दे देंगे,
बट कमांडर इन चीफ का मेन वर्ड चीफ नहीं है, मेन वर्ड तो कमांडर्स है, कमांडर में एस लगाना। एग्जाम में ये पासर बाय वाला भी बहुत बार एग्जाम में आया है, पासर बाय राही को बोलते हैं, गुजरने वाले लोग को पासर बाय बोलते हैं, तो वो ये क्या करते हैं ना, पासर बाय में बायज में एस लगा के दे देंगे। पासर बाय का मेन वर्ड बाय नहीं है, मेन वर्ड पासर है, इसलिए पासर में लगा, पासर में, पासर में। 16 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ में भी होगा वो। थोड़ा सा स्पीड में चलो, कल हमें नाउन खत्म करना है और फिर परसों तो मैं वो कैप करवाऊंगी, फिर नया टॉपिक भी तो करना है। कमांडर्स इन चीफ, कमांडर अकेला चीफ होता तो चीफ, बाद में नोट्स बनाते रहना। ऑन लुकर, कुछ लोगों का काम लाइफ में कुछ नहीं होता, एक जगह बैठ जाएंगे और जो लोग वहां से गुजर रहे हैं ना सबको बैठ के देखते रहेंगे, घूरते रहेंगे, तो उसको ऑन लुकर बोलते हैं। तो ऑन लुकर में मेन वर्ड ऑन नहीं है, मेन वर्ड लुकर्स है, लुकर्स में एस लगाना। कभी कभी ऑन लुकर भी लगा देते हैं, कभी कभी लुकर ऑन भी लगा देते हैं, तो मेन वर्ड लुकर है, लुकर में एस डालो। लुकर पहले आ गया, इसमें एस डालना, बाद में आ गया। मेड सर्वेंट, अकेला मेड होता ना, अकेला मेड होती तो मैं मेड्स डालती। मेड सर्वेंट किसको बोलते हैं, फीमेल सर्वेंट को बोलते हैं, तो अकेला मेड होता तो मैं मेड में एस डालती, बट मेड सर्वेंट में मेन वर्ड मेड नहीं है, सर्वेंट है। कैसी सर्वेंट, मेड सर्वेंट। ये बैच हेल्पफुल है, हाँ तो पढ़िए ना, हेल्पफुल है तो रिजल्ट भी तो देना है, हेल्पफुल है तो रिजल्ट भी देना है। नोट्स अपने से बनाना है, प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मैं दूंगी। ओके, स्टेप डॉटर यहीं पे लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर इज सौतेली बेटी, और सौतेली बेटी में मेन वर्ड इज नॉट सौतेली, मेन वर्ड इज बेटी। कैसी बेटी, सौतेली, तो बेटी में ऐसे डालना, स्टेप में मत डाल, स्टेप में मत डाल। ओके, अगर अकेला बुक होता ना, अकेला बुक होता तो मैं बुक्स पे डालती। फेयर का मतलब है मेला, अकेला मेला होता तो मैं मेले में एस डालती, लेकिन बुक फेयर, बुक फेयर में मेन वर्ड क्या है बुक फेयर में मेन वर्ड क्या है, देखो आराम आराम से करोगे तो बैच थोड़ी खत्म होगा, थोड़ा सा स्पीड पकड़ो। चलो बताओ, बुक फेयर, बुक फेयर मतलब पुस्तक मेला, मेन वर्ड इज नॉट पुस्तक। आपके दिमाग में क्या करोगे ना, बुक फेयर में आप बुक फेयर लिखा हुआ आ जाए तो आपके दिमाग में आएगा अरे बुक मेन वर्ड है, ऐसे इसमें डाल दो, बट गलत है। मेन वर्ड यहाँ पे बुक नहीं है, किताबों की मेला, मेन वर्ड इज फेयर, फेयर में एस डालना, फेयर में एस, फेयर में, फेयर में। आप लुक वॉर्म वाटर लीजिए, मैं वही ले रही हूँ, एंड थैंक यू फॉर द कंसर्न, वही ले रही हूँ। नेक्स्ट वाला, स्पूनफुल, स्पूनफुल आता है या कपफुल आता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में मिलेगा। ऐसा ऐसा करेंगे, टू टू स्पूंस फुल, टू स्पूंस फुल ऑफ शुगर, दो चम्मच भरा हुआ शुगर, और एक जगह लगा देंगे टू स्पूनफुल्स। देखो एक जगह, एक जगह इन्होंने क्या किया है कि स्पून में एस लगाया है और एक जगह फुल में एस लगाएगा, तो आपको लगेगा स्पूनफुल मतलब चम्मच भरा हुआ, कप भरा हुआ, तो आपको लगेगा अरे मैम यहाँ तो मेन वर्ड चम्मच ही लग रहा है, जैसे स्पून में, चम्मच में, स्पून्स में लगाते हैं, बट यहाँ पे ये वाला मेन वर्ड स्पून और कप नहीं है, मेन वर्ड इज फुल, कप भरा हुआ, चम्मच भरा हुआ है, तो फुल में एस लगाना, फुल में एस लगाना, कप में मत लगाना, कप फुल्स में लगाना, कप फुल्स, कप फुल्स। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बात पार्लियामेंट की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पार्लियामेंट के मेंबर्स की, पार्लियामेंट तो एक ही है, मेंबर को प्लूरल करो, कहाँ गया, मेंबर को प्लूरल करो। उसी तरह चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इज मुख्यमंत्री, मेन वर्ड इज मंत्री, कैसे मंत्री, चीफ, तो यहाँ चीफ वगैरह ना एडजेक्टिव का काम कर जाएगा, एडजेक्टिव का प्लूरल मत लगाना, मिनिस्टर में लगाना, ठीक है। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड में भी कहाँ के लॉर्ड है, मालिक है लैंड के, तो लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स। टॉपिक वाइज सब है, अब ऐसा नहीं है ना कि मैं आपको सारा चीज ढूंढ ढूंढ के दूंगी, सारा वीडियोस है यहाँ पे। आप पटना में आए, आपका स्वागत करेंगे, अच्छा
बस मैं स्वागत करवाने के लिए पटना आऊँ, आप बोलो ना कि मैम हम सिलेक्शन लेके बैठे हुए हैं, आप हमसे आइए पटना मिलने, हम आपसे मिलने नहीं आ सकते हैं, आप हमसे पटना मिलने आइए, तब मैं आ जाऊंगी। स्वागत करवाने के लिए पटना पहुंच रही हूँ। लिख लिया है? हाँ अपना ईमेल आईडी दे देना, ठीक है मैं दे दूंगी, नोट सेंड कर देना। तो ध्यान रखना है ना कि एक स्पूनफुल और कपफुल, एक कप है जो भरा हुआ है, तो यहाँ पर हम एम्फोसिस किस पे डाल रहे हैं? कप पे नहीं डाल रहे, स्पून पे नहीं डाल रहे, भरा हुआ कप, भरा हुआ स्पून, तो फुल में एस डालो, ठीक है ये लिख लिया है। नेक्स्ट वाला, गर्ल स्टूडेंट। अब गर्ल स्टूडेंट में तो गड़बड़ कर दोगे, लेकिन अगर मैं एक वर्ड लिखूँ ना, इसको गड़बड़ नहीं करोगे। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा गर्ल फ्रेंड, गर्ल फ्रेंड को गलत करने में आपसे गलती नहीं होगी, लेकिन गर्ल स्टूडेंट को गलत करने में आप गलत कर सकते हो, क्योंकि ये वर्ड तो आप अक्सर सुनते हो। गर्ल फ्रेंड में मेन वर्ड क्या है? मेन वर्ड गर्ल नहीं है। अकेली गर्ल होती तो मैं गर्ल में एस लगाती, अकेला फ्रेंड होता तो मैं फ्रेंड में लगाती, बट गर्ल फ्रेंड में वॉट टाइप ऑफ फ्रेंड, शी इज बेसिकली योर फ्रेंड ना, बट कैसी फ्रेंड? गर्ल फ्रेंड, तो मेन वर्ड फ्रेंड्स पे होगा, तो गर्ल्स फ्रेंड नहीं होता, गर्ल फ्रेंड। उसी तरह गर्ल स्टूडेंट, कैसी स्टूडेंट है? गर्ल स्टूडेंट, तो मेन वर्ड गर्ल नहीं है, मेन वर्ड है तो वो स्टूडेंट है, गर्ल है, गर्ल गर्ल, वो रॉन्ग नहीं करते हो, बट जब भी मैं क्लास में गर्ल स्टूडेंट बोलती हूँ ना, तो बच्चे गर्ल में एस लगा देते हैं, बट गर्ल फ्रेंड में बच्चे फ्रेंड में एस लगाते हैं, वो वर्ड ज्यादा सुनते हो। हंसी भी आ रही है सबको। ओके अब देखो, मैन और विमेन वाला, थोड़ा सा इसने स्लाइड आज मुझे दिया नहीं है नया, चलो कोई बात नहीं है, मैं यहीं से ले लेती हूँ। मैन और विमेन, ठीक है, मैन और लिख लेना यहाँ पे, जैसे जब भी सेंटेंस में मैन और विमेन लगा के आ गया ना, ठीक है, जैसे मैन और विमेन लगा के आ गया, तो देखो यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पे, या मैन ऐसा कुछ बता देती हूँ, चलो लिख के यहीं पे बता देती हूँ। जैसे मैन सोल्जर है, ठीक है, मैन सोल्जर है, सोल्जर क्या है? सोल्जर एक कॉमन जेंडर है, और सोल्जर में ना आपके मैन भी आते हैं, विमेन भी आते हैं। जब भी मैन और विमेन वाला आ गया, इसके पहले आपने क्या देखा कि मैं हर जगह मैंने एक ही का प्लूरल बनाया, ठीक है, आपने देखा होगा ना कि मैंने एक ही का प्लूरल बनाया, यहाँ पे मेंबर का प्लूरल बनाया, यहाँ पे फुल का बनाया, मतलब दोनों कंपाउंड नाउन में किसी में एक ही में एस लगा कर प्लूरल बनाया जा रहा था, लेकिन मैन और विमेन में ना हम दोनों का प्लूरल बनाते हैं। मैंने लिखा मैन सोल्जर और एक जगह लिखा मैन विमेन सोल्जर, अब मुझे इसका प्लूरल बनाना है, इसका मुझे प्लूरल बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा ना, मैन और विमेन आ गया तो हमें दोनों का प्लूरल बनाना, शायद आपको इस साइड में नहीं दिखेगा, यहाँ पे लिख रही, यहाँ पे आई थिंक विजिबल है, कौन सा कलर यूज करूँ, रेड ही यूज करती हूँ, देखो यहाँ पे लिख रही मैन सोल्जर और विमेन सोल्जर। मैन और विमेन में क्या होता है कि हमें दोनों का प्लूरल बनाना है, मैन का प्लूरल मेन, और सोल्जर का भी प्लूरल सोल्जर्स, सोल्जर का भी प्लूरल सोल्जर्स, विमेन का प्लूरल विमेन, ई लगा दो, ई लगा के मैंने किया, मैंने दोनों का प्लूरल बनाया, ठीक है, दोनों का प्लूरल बनेगा, दोनों का, ठीक है। लेकिन लेकिन कभी कभी ऐसा होता, अभी मैं स्ट्रेटली बता दिया कि जब भी मैन और विमेन आ गया ना, तो दोनों का प्लूरल बनाना, बट कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि दोनों का प्लूरल नहीं बनाना, बता रही हूँ कब दोनों का बनेगा, कब एक का बनेगा। अब मैंने लिखा मैन हेटर और फिर मैंने लिखा विमेन हेटर, आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, विमेन हेटर। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने सिर्फ मैन का, सिर्फ हेटर का प्लूरल बनाया है, ठीक है, हेटर्स का, मैन का प्लूरल नहीं बनाया, और नीचे भी विमेन का प्लूरल नहीं बनाया, सिर्फ हेटर्स का बनाया। तो अब आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन आ रहा होगा, हाँ अब आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि मैम कैसे पता चलेगा कि जब भी मैं मैन और विमेन आ जाएगा तो कब कैसे पता चलेगा कि दोनों का प्लूरल बनाया जाए, ठीक है, कब दोनों का प्लूरल बनेगा और कब सिर्फ एक का प्लूरल बनेगा, यहाँ मैंने दोनों का नहीं बनाया, एक का बनाया, एक का, हाँ कैसे कैसे पता चलेगा। देखो
जब भी सोल्जर क्या है, सोल्जर एक प्रोफेशन है, सर्वेंट होना एक प्रोफेशन है, टीचर होना एक प्रोफेशन है, तो जब भी प्रोफेशन की बात होगी ना, लिख लेना कहीं साइड में, जब भी प्रोफेशन की बात होगी तो हम दोनों का प्लूरल बनाएंगे, वी विल मेक द प्लूरल ऑफ बोथ, दोनों का भरेंगे। सोल्जर क्या है, सोल्जर होना है, एथलीट होना ये सारा एक प्रोफेशन है, और जब भी प्रोफेशन की बात होगी तो दोनों का प्लूरल बनाना। बट हेटर होना, लवर होना, इट्स नॉट अ प्रोफेशन, तो वहां हम एक का बनाएंगे। मैन हेटर, किसका हेटर, मैन का, मतलब मेनली तो वो हेटर है ना, किसका, मैन का, तो सेकंड वाले का बनेगा, सेकंड वाले का। यस, लिख लिया होगा, अब मैं आपको यहां से करवाती हूँ। ये देखो, एथलीट क्या है, एथलीट भी एक प्रोफेशन है, एथलीट भी एक प्रोफेशन है, सर्वेंट भी तो एक प्रोफेशन ही है ना, और जब भी प्रोफेशन की बात हो रही है तो दोनों का बनाना, मेन का भी बनाना, एथलीट्स का भी बनाना, विमेन का भी प्लूरल बनाना और एथलीट्स का भी बनाना, और यहां भी देखो मैन सर्वेंट, मेन का भी प्लूरल और सर्वेंट का भी प्लूरल, सर्वेंट का भी प्लूरल। नेक्स्ट, टीचर होना भी प्रोफेशन है, हाँ, दोनों का बनाना। अब यहां पे देखो, हेटर, हेटर इज नॉट अ प्रोफेशन, हेटर होना इज नॉट अ प्रोफेशन है, किसी को हेट करना इज नॉट अ प्रोफेशन, तो यहाँ दोनों का नहीं बनेगा। यहाँ मेन वर्ड वो मैन नहीं है, मेन तो वो हेटर है, कैसा कैसा हेटर है, मैन को करने वाला, कैसा लवर है, लवर होना, हेटर होना, दे आर नॉट प्रोफेशन, तो यहाँ दोनों का नहीं बनेगा, सेकेंड वाले वर्ड का। ठीक है, तो ये सब जिस पे ध्यान देना। नेक्स्ट वाला, बेडरूम, बेडरूम में मेन बोर्ड इज नॉट बेड, अकेला बेड होता तो मैं बेड्स का लगाती, अकेला रूम होता तो रूम्स लगाती, बट यहाँ पे बात बेड की नहीं हो रही, बात तो हो रही है उस रूम की जिसमें बेड है, बेडरूम है, तो हम बेड में ना लगा के रूम्स में लगाएं। बुक शेल्फ मतलब किताबों की शेल्फ, तो यहाँ बात किताबों की नहीं हो रही है, बात हो रही है उस पूरे शेल्फ की जिसमें हम बुक्स रखते हैं, तो शेल्फ में एफ वाले का VES लगेगा, VES। Yes, man haters, women haters. Next वाला देखो, man of war. ये जो war में man की बात हो रही है, war में जो man fight करने जाते हैं, तो यहाँ पे बात war की थोड़ी हो रही है, यहाँ पे बात war की नहीं हो रही, बात हो रही है वो लोग जो war में लड़ने जाते हैं, man की बात हो रही है, तो man of war लग, war में s मत लगा। man eater में भी ना man में नहीं लगाना है तारीफ, ईटर्स में लगाना, क्योंकि ईटर इज नॉट अ प्रोफेशन। ओके, नेक्स्ट वाला, हाँ ये भी आपके एग्जाम का फेवरेट है, ये भी आपके एग्जाम का फेवरेट है। ओके, यहाँ पे ना कुछ हैव्स एंड हैव नॉट्स, देखो हैव्स किसको बोलते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ है, हैव्स, हैव्स मतलब जो लोग सक्षम है, ठीक है, हैव्स मतलब जिसके पास सब कुछ है, संपन्न है, द हैव्स आर द रिच पीपल। और अब इसमें तो चलो एस लग गया, अब आपके दिमाग में आएगा ना हैव नॉट, हैव नॉट मतलब जो लोग सक्षम नहीं है, तो आपके दिमाग में आएगा कि इसमें तो चलो एक ही वर्ड था तो यहाँ लगा दिया, अब हैव नॉट एक कंपाउंड नाउन है, अब आपके दिमाग में आएगा कि एस हैव्स में लगाया जाए या नॉट्स में लगाया जाए, किस में लगेगा, हैव नॉट, हैव नॉट, हैव्स में तो चलो हैव्स में एस लग गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब एक ही वर्ड है तो उसी के लास्ट में लगेगा, प्रॉब्लम तो तब है ना जब कंपाउंड नाउन आ गया और दोनों आ गया। हैव नॉट में मेन वर्ड क्या है, जो सक्षम नहीं है, तो हमें जोड़ना नहीं पे डालना है, ठीक है, इस पे नहीं डालना, इस पे भी नहीं डालना, इस पे डालना, हैव नॉट्स, हैव नॉट्स, हैव नॉट्स, नहीं पे जोड़ डालना है। हाँ, हैव्स का मतलब है जो लोग सक्षम है, और ये जो सक्षम नहीं है, नहीं पे डाल, नहीं, नहीं पे, नॉट्स पे, नॉट्स पे, वेरी गुड, वेरी गुड। वेयर अबाउट, ये भी एग्जाम्स में आ जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेयर अबाउट, वेयर अबाउट का, जैसे कल मैंने आपको एक वर्ड बताया था शैम्बल, शैम्बल कोई वर्ड होता ही नहीं है, सीजर कोई वर्ड होता ही नहीं है, ये वर्ड सब बना ही है एस के साथ, सीजर्स, शैम्बल्स, उसी तरह वेयर अबाउट का मतलब होता है लोकेशन, ठिकाना, पुलिस ने, अपने आप न्यूज पेपर पे अक्सर पढ़ते हो गए, पुलिस ने क्रिमिनल्स के वेयर अबाउट्स के बारे में पता लगा लिया, वेयर अबाउट्स मतलब ठिकाना, छुपने वाली जगह, लोकेशन, तो वेयर अबाउट नाम का कोई वर्ड नहीं है, ये वर्ड एस के साथ ही है,
मेन एग्जाम्स में आता है। मैं पटना नहीं आ रही ये माय गॉड पीछे पड़ गए। मैं नहीं आ रही हूँ, मैं पटना सेमिनार में नहीं आ रही। पता ठिकाना पुलिस ने उसके वेयर अबाउट्स के बारे में पता लगा लिया और लोकेशन के बारे में, लेकिन अगर किसी आपको किसी फ्रेंड से पूछना है ना कि तुम्हारा एड्रेस क्या है, तो ये मत पूछ देना कि तुम्हारा ठिकाना कहाँ है, तुम्हारा वेयर अबाउट्स कहाँ है, तुम कहाँ छुपे हुए हो। ये जनरली क्रिमिनल्स और चोर वगैरह का लोकेशन के बारे में है, आप अपने लिए मत यूज कर देना। अरे मेरे साइड से साउंड वगैरह ठीक है, अगर मेरे साउंड का प्रॉब्लम होता ना तो सारे बच्चों का कंप्लेन आता। मेरे साइड से साउंड वगैरह ठीक है, आप अपना चेक करो। वेयर अबाउट्स, देयर इज नो सच वर्ड लाइक वेयर अबाउट, ये वर्ड एस के साथ ही बना है। वैसे आपको जाना चाहिए। हाँ मैंने 10 से 15 को ब्लॉक कर डाला है। तो कैसे कर दिया है? क्या मैंने आपको ब्लॉक ब्लॉक करने का अथॉरिटी दिया है, क्या एक्सेस दिया है कि आपने ब्लॉक कर दिया? सारा हाँ किसी व्यक्ति से जाके नहीं बोलोगे अरे अरे दिल्ली मुखर्जी नगर में बताओ दिल्ली में तुम्हारा ठिकाना कहाँ है, कहाँ छुप के बैठे हुए हो मुखर्जी नगर में? तो वो चोर और वो सब के लिए यूपी आ जाओ। बट आई वुड लाइक टू, आई हैव नेवर विजिटेड हरियाणा, वंस आई वुड लाइक टू विजिट हरियाणा, कभी वहाँ मैं विजिट नहीं किया मैंने। हाँ तो अच्छा किया है ना, चलो ठीक है। कई बच्चे तो कल मुझे बहुत फोन आ रहे थे कि मैम मैं मुखर्जी नगर में ना अभी भी मेरा बोर्ड लगा हुआ होगा यूनिक क्लासेस का, मैं आपके मुखर्जी नगर में जहाँ बोर्ड लगा है ना वहाँ पे खड़ा हूँ, एड्रेस बताइए। अरे वो कोविड के पहले ही मैंने सब, मतलब कोविड के बाद से सब वहाँ से ख़त्म हो गया। अब मैंने डिसाइड किया है कि सारे क्लासेस सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन, ठीक है। अब जितना मैंने 10 साल 12 साल ऑफलाइन पढ़ा दिया है, अब अपने लाइफ का सेकेंड इनिंग्स ऑनलाइन, ठीक है, सेकेंड इनिंग्स लाइफ का ऑनलाइन आ गई। शुरू बहुत ऑफलाइन पढ़ा दिया। वो बेचारे खड़े हैं, मैम आपका इंस्टीट्यूट बंद दिख रहा है, क्या क्या बोल रहे हैं। मेरे ऑनलाइन बैचेस आते रहते हैं। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फटाफट कल मुझे नाउन खत्म करना है, ठीक है, कल मुझे नाउन खत्म करना है, तो फटाफट चलते हैं। चलो बताओ, ही रिफ्यूज टू डाइवल्ज, डाइवल्ज का मतलब होता है एक्सपोज करना, रिवील करना, उजागर करना, बताना। उसने रिफ्यूज कर दिया। आई विल नॉट डाइवल्ज एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हर वेयर अबाउट, मैं उसके बारे में कोई भी, तो यहाँ पे सही है, एग्जाम में ना वेयर अबाउट लगा के दे देंगे, वेयर अबाउट जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, इसको काट के वेयर अबाउट रखना। और द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस, एक तो हैव्स है और एक हैव नॉट्स है, तो नॉट्स में एस लगाना। अब आ जाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने सुबह वाले बैच में कुछ कुछ मीन्स का क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। मैं जो पढ़ा चुका उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा, मच और मैनी करवा रही थी, वो मैं आपके बैच में भी करवा दूंगी, मच और मैनी के बीच का डिफरेंस। ये आप मुझे मेंस वाले पेपर में कल के शीट में ये सब दिखा, मिस्चीफ वाला था। जो भी आपको उड़ीसा कब आइएगा? उड़ीसा में आऊंगी, मैंने 4-5 साल पहले मैं उड़ीसा गई थी, मैं फिर आ जाऊंगी। अभी रुको, पहले आपका एग्जाम क्लियर हो जाए ना, फिर मैं घूमने निकलूंगी। जो भी बैच के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं ना, इस नंबर पे कॉल करना, ठीक है, बीच बीच में नहीं, 9995835824 इस नंबर पे कॉल करोगे ना, उनका काम है बैच के बारे में इंफॉर्मेशन देना और मेरा काम है पढ़ाना। अच्छा मुझे स्टूडेंट से एक बात करनी थी, ठीक है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, ये यूसी लाइव? पहले मुझे बताओ जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, और यूसी लाइव मेरा एक और चैनल है जहाँ पे आपके पास टीचर्स मिलेंगे जीएस के, आपके पास टीचर्स हैं मैथ्स के, आपके पास टीचर है रीजनिंग के, आपके पास टीचर है इंग्लिश के, और वो भी फ्री है, उसमें भी कोई फीस वगैरह नहीं है, जहाँ यहाँ मैं फ्री कंटेंट दे रही हूँ ना। तो आप यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे इस चैनल का लिंक दिया है,
ठीक है, फटाफट सब्सक्राइब कर लो और वहां पढ़ो बहुत अच्छे से। टीचर अपना डिटेल में जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब है, हाँ तो उसको कर लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उसको जाओ, फटाफट जाना, क्लास खत्म होगा, ओके क्लास खत्म होगा फटाफट जाओगे, यूसी लाइव करोगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। ओके वहां पे अब सारे फ्री है, सारे फ्री कंटेंट है, देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ नहीं बोल रही हूँ भाई, कोई सब्सक्राइब देखने के लिए बोल रही हूँ। चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम नाउन्स एंड नंबर्स खत्म कर देंगे कल, और कल मैं पूरा नाउन चैप्टर ही खत्म कर दूंगी। ये वाला रूल क्या बताता है, इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय प्रेपोजिशन, अगर प्रेपोजिशन के आजू बाजू प्रेपोजिशन के दोनों साइड का नाउन सेम हो, ओके इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय प्रेपोजिशन, ठीक है, इफ टू नाउन्स में भी ना सेम नाउन्स बता रही हूँ, अगर दो नाउन प्रेपोजिशन से जुड़ा हुआ है तो उस नाउन को जो दोनों साइड का नाउन है उसको सिंगुलर होना है और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर हो, वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। ये सब सीजीएल के लिए सफिशियंट है सातेंद्र, आपको क्या लगता है कि ये कौन से एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रही हूं? एक भी क्वेश्चन क्लास में हमने ऐसा है जो नहीं किया है और जो मेंस में आया है, ठीक है, कुछ छूटा नहीं है। बच्चे बोल रहे हैं मैम डायरेक्टली जो क्वेश्चन हमने क्लास में किया है सारे क्वेश्चन तो छपा हुआ था मेंस में, बट क्या चीज नहीं आया है जो हमने पहले से किया है, सेम क्लोजेस नहीं आया है, सेम पैसेज नहीं आया है। तो मेंस के बच्चों को ना असली कहानी ये सब की है, ये सबको अच्छे से करना होगा। चलो विमेन आफ्टर विमेन स्पोक अगेंस्ट द क्रूएल प्रैक्टिस ऑफ डोरी, चलो एक के बाद एक विमेन आई है, एक के बाद एक विमेन आके और दहेज प्रथा के खिलाफ बोला है सबने। बताओ एसएससी के लिए हर दिन यही पूछते हैं, उनको पता नहीं कौन सा एग्जाम लगता। बताओ कौन सा प्रेपोजिशन है, यहाँ पे ये प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के साइड जो दोनों नाउन है सेम है, विमेन भी नाउन है और ये भी नाउन, और मैंने क्या बताया कि अगर प्रेपोजिशन के साइड का दोनों नाउन सेम है तो उस नाउन को सिंगुलर होना है, ई मत लगाना, डब्ल्यू ओ एम ए एन वुमेन आफ्टर वुमेन, एरर इसी में, ठीक है, इसी में अगेन डेज बाय डेज इज बिकमिंग वीकर, दिन प्रतिदिन वो वीकर हो जा रहा है, सेम नाउन रहना है। ये देखो ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के इस साइड भी एक नाउन है, प्रेपोजिशन के इस साइड भी एक नाउन है और दोनों नाउन को सिंगुलर होना है, तो डेज बाय डेज नहीं होगा, इट्स डे बाय डे, डे बाय डे, दोनों नाउन को सिंगुलर रखना। ओके दूसरा, पाइल्स ऑन पाइल्स ऑफ बुक्स वॉज या वर अरेंज्ड, किताबों की कतार पे कतार अरेंज की गई, अगेन यहां पे ये प्रेपोजिशन है, नोट्स बाद में बनाते रहना, और प्रेपोजिशन के दोनों साइड ना ये नाउन है और ये नाउन कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, तो अगर प्रेपोजिशन के अगल बगल का दोनों नाउन सेम है ना तो उस नाउन को सिंगुलर होना, आपको लगेगा किताबों की कतार पे कतार अरेंज की गई तो आप प्लूरल लगाओगे, बट नहीं, पाइल ऑन पाइल, और अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर, पेजेस आफ्टर पेजेस, पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द गीता वॉज या वर रेड, कल हम फाइनली हम लोग नाउन्स एंड जेंडर्स और नाउन्स एंड केसेस करके खत्म करेंगे, पेजेस आफ्टर पेज, एक के बाद दूसरा पेज, गीता का एक के पास दूसरा पेज पढ़ा गया तो आपको लगेगा इतने सारे पेजेस पढ़े गए तो प्लूरल लगाओगे, बट यहाँ अगेन प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के दोनों साइड का नाउन सेम है तो इट्स पेज आफ्टर पेज, और नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, डोर टू डोर का मतलब एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, तो यहाँ टू भी प्रेपोजिशन है, ठीक है, और प्रेपोजिशन का दोनों साइड का नाउन अगर सेम हो तो उस नाउन को प्लूरल रख, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मेरा कभी मैं स्टूडेंट को गलत गाइड नहीं करूंगी, ठीक है, कभी भी स्टूडेंट्स, क्योंकि ना एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको हो सकता है बुरा भी लगे, आपका जो पैसेज है ना कभी यूट्यूब से पढ़ के इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है, इसको ना बहुत रिचुअल से चाहिए, बहुत सीरियसनेस चाहिए, पैसेज वगैरह कभी यूट्यूब से होता नहीं है, पैसेज वगैरह के लिए ना पेड में आके रिचुअल से प्रैक्टिस करना होता है, पैसेज हो या क्लोज टेस्ट हो, यूट्यूब वाले बच्चे तो क्लोज टेस्ट पढ़ने ही नहीं चाहते, टीचर को भी इंटरेस्ट नहीं हो,
ये सब के लिए ना आपको एकदम आराम से प्रैक्टिस बैचेस लेना होगा, अगर सचमुच में इंप्रूव करना चाहते हो। ऐसे तो अपने से भी पढ़ के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डोर टू डोर, डोर टू डोर। ओके, तो ये आपका फाइनली हो गया, ठीक है, पेजेस आफ्टर पेजेस एक ये हो गया। हाँ, अब ये, हाँ ये हमारा नाउन्स एंड नंबर्स का लास्ट पार्ट है। पहले मैंने आपको नाउन्स एंड नंबर्स, पहले तो मैंने पहला दिन आपको नाउन का बेसिक बताया, और अभी मैं नाउन्स एंड नंबर्स करवा रही हूँ। कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन्स प्लूरल होते हैं, कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, और ये डजेंस थाउजेंड्स वाला कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया। फिर हम आज कंपाउंड नाउन्स भी किया हमने, और उसके बाद हमने क्या किया, कंपाउंड नाउन्स के बाद अगर हमारा प्रेपोजिशन से दो नाउन सेम जुड़ा हुआ, उस नाउन को सिंगुलर होना है, वर्ब भी सिंगुलर होना है। अब ये नाउन्स एंड नंबर्स का लास्ट पार्ट। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं ना जिसका सिंगुलर में मीनिंग अलग होता है और प्लूरल में अलग होता है। जैसे मैंने लिखा गुड, गुड छोड़ो, मैंने लिखा वुड, वुड वुड भी नाउन है, वुड भी नाउन है, और वुड्स भी नाउन है, वुड्स भी नाउन, दोनों तो नाउन है। बट कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं ना जब जिसका प्लूरल बनता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे मैंने बॉय का प्लूरल बॉयज बनाया, तो इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ, एक लड़का बहुत सारे लड़के। बट कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका प्लूरल बनता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे वुड का मतलब क्या है, लकड़ी, वुड इज लकड़ी, और वुड्स का मतलब हो गया जंगल, फॉरेस्ट, वुड्स इज फॉरेस्ट। अगेन देयर आर सॉरी आयरन, आयरन का मतलब है लोहा, और आयरन का मतलब होता है बेड़िया, जंजीरे, जंजीरे। अब देखना है लेकिन एरर कैसे आएगा वो भी तो देखना है। वृंदावन आ जाइए, वृंदावन आ जाइए। अगर मैं वृंदावन और बिहार सब घूमने लगी, पढ़ाएगा कौन यूट्यूब पे, यूट्यूब पे कौन पढ़ाएगा अगर मैं सब जगह घूमने निकल गई। और पता ही है, आप स्टूडेंट्स को भी पता है और प्लस स्टूडेंट्स को भी पता है कि मैं बहुत ही कम जाती हूँ, बहुत ही कम छुट्टी लेती हूँ। ओके, लेकिन इस बार ना बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गया है, तो दशहरा वगैरह में तो मैंने सोचा है कि चलो थोड़ा छुट्टी ले लूँ। क्लोज टेस्ट वाली जो क्लास होती है ना, ये पेड बैच है, और इससे अगर मेरे लाइफ में एट प्रेजेंट कोई खूबसूरत बैच, मतलब कोई खूबसूरत चीज चल रहा है मेरे लाइफ में एट प्रेजेंट, तो वो है 3:30 बजे वाली बैच। और स्टूडेंट के लाइफ में भी आजकल कुछ खूबसूरत इंग्लिश का चल रहा है, तो 3:30 बजे वाला बैच जहाँ पे मैं क्लोज टेस्ट करवा रही हूँ, PQRS करवा रही हूँ, समुद्र मंथन वो क्या हो रहा है, और एरेजोत, इसको कर लिया ना तो फिर भगवान बोलेंगे कि भैया तुमने तो जिस मकसद से तुम्हें भेजा था मैंने धरती पे, वो आपने पूरा कर लिया। बाकी बिहारी वृंदावन आ जाइए कोलकाता। चलो हो गया। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका सिंगुलर में मीनिंग अलग होता है, प्लूरल में अलग होता है। इसको करके फिर मैं नाउन्स एंड नंबर्स खत्म करूंगी, कल मैं नाउन्स एंड केसेस और जेंडर खत्म करूंगी, और परसों मैं वोकैब की क्लास लूंगी। यूट्यूब पे नहीं होता है हर चीज, यूट्यूब पे ही होगा हर चीज, यूट्यूब पे भी होगा। कभी ना कभी ये भी तो सोचना है, मेरी जगह पे रख कर देखो, कुछ मुझे पैसे भी तो कमाने हैं। ये जो स्टूडियो है, इसका एसी है, लाइट्स है, बोर्ड है, ये सब के लिए भी तो मेरे को, और मेरे बच्चों के लिए भी तो मेरे को पैसे अर्न करने हैं। तो बहुत सेल्फिश हो भाई आप लोग, बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। अगर आपकी जॉब हो जाती है और आपको बोला जाए कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, ऐसे काम करना है, तो कुछ पैसे भी तो कमाने हैं अपने बच्चों के लिए भी, खाना पीना है और वो सब, स्टूडियो मेंटेन करने, कुछ बच्चों पेड भी होने दीजिए। नेक्स्ट वाला, वुड, वुड का मतलब क्या है, वुड का द हार्ड सब्सटेंस दैट ट्रीज आर मेड ऑफ, ऐसे इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, वुड को लिख लो लकड़ी। जब इस वुड में एस लगता है ना, तो ये मत सोचना एक लकड़ी और बहुत सारी लकड़ियां, ये वुड्स बन जाता है जंगल, जंगल फॉरेस्ट। इतने बैच हैं आप लोग को, जो आप लोग को ना, शायद आप लोग अभी मुझे यूट्यूब से भी तो पैसे अर्न करते हो, ये सब बहुत आप लोग को पता नहीं है यूट्यूब से पैसे अर्न कैसे किया जाता है, ठीक है। और ये वाला जो चैनल है ना,
ये जो चैनल मैंने यूट्यूब से पैसे अर्न करना होता ना, तो इसको मैं एकदम दूसरे वे में ले जाती। ये एकदम प्योरली एजुकेशनल चैनल है। आप लोग ना बहुत ज़्यादा भ्रम में हो, भ्रम में हो आप लोग। चलो बताओ, द टाइगर लिव इन द वुड या वुड्स होगा? बताओ, द टाइगर लिव्स इन द वुड या वुड्स? वो सब ब्लॉगर्स वगैरह पैसे कमाते हैं, टीचर्स यूट्यूब से पैसे थोड़ी कमाते हैं। कम ऑन गाइज, हाई गाइज, कम ऑन गाइज, टुमारो आई विल बी गोइंग टू सिंगापुर एंड आई विल बी ऑन लाइव। सबसे पहले, हाँ सबसे पहले तो मैं अपने स्टूडेंट्स को थैंक्स बोल दूँ। ओके, थैंक्स में, थैंक्स इसमें इसलिए बोल दूँ ना कि इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने 1 लाख फैमिली हो गए हैं, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल माई स्टूडेंट्स फॉर योर एनकरेजमेंट। इंस्टाग्राम पे 1 लाख हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। लेकिन आयरनी है ना, विडंबना ये है कि मैं इंस्टा पे कभी आई भी नहीं हूँ और इंस्टा मैं ऑपरेट नहीं करती हूँ। ओके, इंस्टा ऑपरेट मेरी टीम करती है, मैं आई नहीं हूँ, मैं कुछ फोटोज़ वगैरह नहीं डालती हूँ, मेरे सारे टीम ऑपरेट करते हैं। उसके बावजूद भी तो आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू माई टीम, जिन्होंने सिर्फ वीडियोज़ डाल डाल के, सिर्फ वीडियोज़ डाल डाल के वहाँ पे उन लोगों ने 1 लाख पहुँचा दिया। गाइज गाइज करके नहीं पहुँचाया है, कम ऑन गाइज। हाँ तो बताओ, टाइगर जो है ना, जो टाइगर है वो लकड़ी में नहीं रहता था, टाइगर वुड्स में रहता था, जंगल में, जंगल जंगल वुड्स लगा। चलो एक तो ये हो गया कि अगर जंगल का सेंस आया तो वुड्स लगाना। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या मैम ये वुड्स सिंगुलर है या प्लूरल है? आपने वर्ड्सवर्थ की एक पोएम पढ़ा होगा ना, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये एक पोएम है, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये पोएम आपने पढ़ा होगा। तो बताओ कि ये वुड्स क्या है, इज या आर? आप लोग पे इंस्टा पे हो ना, बट आपकी इंस्टा तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरी वाली इंस्टा इंटरेस्टिंग नहीं है। मेरी वाली इंस्टा पर तो सिर्फ वर्ड पावर और एरर है, वो सब है। तो कॉन्ग्रेट्स टू ऑल माई स्टूडेंट्स। प्लूरल होता है, हाँ वुड्स प्लूरल होता है। तो वुड्स इज लवली डार्क एंड डीप नहीं होगा। आप बोलोगे मैम जंगल तो एक ही जंगल है, तो आर क्यों लगा रहे हो? वुड्स एज अ वर्ड इज प्लूरल, आर 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 आर। नेक्स्ट, स्पेक्टिकल, ये स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य, दृश्य नजारा, नजारा व्यू, व्यू के सेंस में साइट सी। और जब स्पेक्टिकल में एस लगता है ना, तो ये मत सोचना स्पेक्टिकल का मतलब नजारा और स्पेक्टिकल्स का मतलब है बहुत सारा नजारा, नहीं। जब इसमें एस लग गया मीनिंग चेंज होगी। ये स्पेक्टिकल्स का मतलब है चश्मा, आपका चश्मा वाला है, ग्लासेस, ग्लासेस। वर्ड्सवर्थ को भी पढ़ाया है मैंने आज, बहुत सा बहुत दिनों पहले पढ़ाया है, लिटरेचर भी पढ़ाया है। चलो बता दो, ये सब नाउन पढ़ लो, उसके बाद एक एरर भी आपका छूटने वाला नहीं है, सब बन जाए। स्पेक्टिकल्स इज और आर अवेलेबल, कल मैंने आपको बताया था, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स प्लूरल होता है, स्पेक्टिकल्स इज प्लूरल, चश्मा इज प्लूरल। अगर चश्मा को सिंगुलर बनाना है ना, तो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स लगा दो, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स लग गया तो इज बन जाएगा, बट अकेला स्पेक्टिकल्स प्लूरल है। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज अकेला, कल तो पढ़ाया था स्पेक्टिकल्स, बायनोक्यूलर्स एंड ऑल। चलो गाइज, लेट्स मूव टू द थर्ड वन, सराउंडिंग या सराउंडिंग। फ्रॉस्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, नहीं वर्ड्सवर्थ का नहीं है, सॉरी, फ्रॉस्ट का है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, फ्रॉस्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, सॉरी वर्ड्सवर्थ का नहीं है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हाँ, मैंने करेक्ट कर लिया, गलती से बोल दिया। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट, गलती से वर्ड्सवर्थ बोल दिया, मैं कंफ्यूज हो गई थी, वर्ड्सवर्थ वाला डैफोडिल्स वाला, डैफोडिल्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। स्पेलिंग का लेक्चर लिया हुआ, सराउंडिंग का मतलब होता है घिरा हुआ,
जैसे दिस रूम हैज बीन सराउंडेड बाय फोर वॉल्स, ये जो रूम है चार दीवारों से घिरा हुआ है. एनक्लोज्ड का मतलब है घिरा हुआ, और ये सराउंडिंग्स का मतलब होता है वातावरण, आसपास की जगह बोलते हैं ना, वातावरण. हाँ, बच्चों को अच्छे वातावरण में रहना चाहिए. बच्चे जहाँ पे रहते हैं ना, उसका आसपास का सराउंडिंग्स भी अच्छा होना चाहिए. आसपास का जगह मतलब नेबरिंग एरियाज. तो द सराउंडिंग या सराउंडिंग्स ऑफ कश्मीर इज और आर ब्यूटीफुल. कश्मीर तो ब्यूटीफुल है ही, बट कश्मीर के जो आसपास के एरियाज है ना. कश्मीर के जो आसपास के एरियाज है, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स लगाना, वो भी ब्यूटीफुल. आर आर एम्बियंस, एम्बियंस थोड़ा सा, एम्बियंस ना एक स्पेसिफिक के लिए होता है, जैसे होटल का एम्बियंस किसी खास जगह का. बट सराउंडिंग्स थोड़ा सा और फैला हुआ है, फैला हुआ है, सराउंडिंग्स का दायरा और भी बड़ा हुआ है. एम्बियंस थोड़ा सा अलग वर्ड हो गया. होटल का एम्बियंस क्या है? होटल एक छोटे से लोग जगह पे है और उसके आसपास के एरिया. ये क्या लिखा है मैम, हिंदी में भी बताया करो. ये क्या लिखा है? ये वातावरण कौन सा वर्ड है? आसपास का जगह, नेबरिंग एरियाज. वातावरण आपको कौन सा लैंग्वेज दिख रहा है? हिंदी भी बता दिया करिए. हिंदी, एक तो हिंदी आएगा नहीं. सराउंडिंग्स प्लूरल होता है. सराउंडिंग में एस लगाना है, वातावरण आसपास की जगह, और आर लगाओ. उसी तरह पीपल, पीपल का मतलब क्या है? पीपल का मतलब होता है पर्सन्स. ठीक है, देखो कई बार बच्चों को लगता है ना कि पर्सन का प्लूरल पीपल होता है. नहीं, पर्सन का मतलब है एक व्यक्ति, और पर्सन का प्लूरल पीपल नहीं होता है, पर्सन का प्लूरल पर्सन्स होता है. ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति है. तो पीपल तो अपने आप में प्लूरल है. ठीक है, लोग, पीपल का मतलब है लोग, लोग अपने आप में प्लूरल है. बट जब इसमें एस लगता है ना, तो इसका मतलब बदल जाता है. एक पीपल का मतलब राष्ट्र के सेंस में हो जाता है. पीपल का मतलब होता है ना द ह्यूमन बींग्स ऑफ अ पर्टिकुलर राष्ट्र और कम्युनिटी, किसी खास एथनिक ग्रुप, किसी खास राष्ट्र कम्युनिटी के लोग. और ये तो सामान्य पब्लिक के लिए यूज है ये पीपल. तो बताओ, पीपल वर डांसिंग इन द स्ट्रीट. यहाँ पे पीपल होगा या पीपल्स होगा, क्या होगा? हाँ, पीपल यहाँ पे सारे राष्ट्र के लोग या कम्युनिटी, समुदाय वाले सेंस में नहीं है. ठीक है, यहाँ पे जनरल सामान्य लोग डांस कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे देखो, फ्रेंडली कॉन्टैक्ट्स बिटवीन डिफरेंट पीपल्स. अगर अगर बहुत सारे राष्ट्र के लोगों के बीच में, समुदाय के लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट होगा ना, तो इससे इससे कल्चरल एंड इकोनॉमिक आदान प्रदान होगा, चेंजेस आए, चेंजेस. तो वहाँ पे पीपल्स हो जाएगा. यहाँ पे पीपल्स मतलब डिफरेंट राष्ट्र कम्युनिटी के लोग, डिफरेंट राष्ट्र कम्युनिटी के लोग. ओके, चलो अब और नेक्स्ट वाला पे चलते हैं. वर्क, ये वर्क का मतलब होता है काम, आपका टास्क, आपका जॉब. और ये वर्क्स देखो हिंदी में लिख रही हूँ, कृतियां. कृतियां ऐसे कुछ लिखते हैं, कृतियां, रचनाएं. अब आप बोलोगे कि मैम आप ना हिंदी में नहीं लिखते हो, शेक्सपियर की रचनाओं के बारे में लिखिए, शेक्सपियर या कालिदास की रचनाओं के बारे में, कृतियों के बारे में लिखिए. तो ये मत सोचना कि ये वर्क है, आज तो मेरे पास बहुत सारा काम है तो मैं वर्क्स लगा दूंगी. इस वर्क में एस लगता है तो मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है. बताओ क्या है? आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स नहीं होगा. अगर मैंने यहाँ पे वर्क्स लगा दिया तो आज तो मुझे बहुत सारा काम है, तो अ लॉट ऑफ वर्क्स मत लगाना. मुझे आज बहुत सारी रचनाएं नहीं करनी. आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क. और द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का काम नहीं, शेक्सपियर की रचनाएं. और ये जो वर्क्स, रचनाएं, कृतिया के सेंस में आ गया ना, तो ये प्लूरल होता है, प्लूरल, प्लूरल क्रिएशंस. मुझे, मैं थोड़ा सा स्पोकन इंग्लिश का ना, मैं रिकॉर्डेड वीडियोस बनाऊंगी. ये सब ना, ये सब आ जाते हैं ब्यूटी विथ ब्रेन. देखो ये सब कमेंट ना, हाय गाइस वाले सेशन में जाके करना. मैं जिस एज पे हूँ ना, आप लोग मेरे सब बच्चे जैसे हो, तो यहाँ पे वो सब कमेंट मत करना. ठीक है, ब्यूटी विथ ब्रेन्स एंड ऑल, जहाँ पे हाय गाइस होता है वहाँ पे जाके करना, नॉट हियर, नॉट हियर. तो अननेसेसरी स्पैम करके अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो. वर्क का मतलब होता है काम, और वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं. शेक्सपियर के रचनाओं के बारे में एस लगाना और प्लूरल लगाना, प्लूरल.
प्लूरल, प्लूरल लगाना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आयन, आयन का मतलब क्या है? वो अलग ही, अलग ही लेवल पे है, ये पढ़ने आओ ना। तालिबान फेंको, हेलो हेलो करने आते हैं। अरे कितने को ब्लॉक करूं, अब ब्लॉक क्यों करूं? नहीं बोल, कौन बैठा है उनको ब्लॉक करने के लिए? अब सॉरी सॉरी बोलेंगे, पांच पांच बार सॉरी बोलेंगे। यहाँ नहीं करना है, हाँ यहाँ वो सब नहीं करना है, ठीक है। आयन का मतलब क्या है? आयन का मतलब होता है लोहा, आयन का मतलब होता है लोहा, और ये आयरन्स का मतलब होता है ना बेड़िया, जंजीरें। लिख लो, हिंदी बोल रही हूँ ना, बेड़िया जंजीरें लिखो, जिसको हम चेन्स बोलते हैं, फेटर्स बोलते हैं, शैकल्स बोलते हैं, हैंडकफ्स, हथकड़ी को भी यही बोलते हैं, फेटर्स शैकल्स, वो सब ऐसे ही अपना आ जाते हैं। ध्यान मत दो, चुपचाप पढ़ना है बहुत दिन। द प्रिजनर वॉज इन आयरन, इसका मतलब होता है लोहा, और ये बेड़िया जंजीरे चेन्स फेटर शैकल्स हैंडकफ्स बोलते हैं, लोहा मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। द प्रिजनर, ये जो कैदी था ना, वो लोहा में नहीं था, बेड़ियों में था, जंजीरों में था। आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज भी है, अन अकेडमी लाइट पे कैसे कैसे टेस्ट देना है, कैसे कैसे सब्सक्रिप्शन है, क्या वो सब लास्ट में मैं बता दूंगी। अल्फाबेट भी आया है, अल्फाबेट और अल्फाबेट्स, ये भी आपके एग्जाम में आया, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस पेपर में मिलेगा। देखो ये जो आप ए टू जेड लिखते हो ना, ए टू जेड आप लिखते हो, 26 है, तो ये जो ए है, जब कैपिटल लेटर लिखती हूँ, ये ए बी सी डी, ये क्या है? ये अल्फाबेट, ये जो है ना, ये लेटर्स है, ए लेटर का वर्ड, बी लेटर का वर्ड, सी लेटर का वर्ड, ये सब लेटर्स है, और ये जो ए टू जेड पूरा सीरीज मिला के क्या बनाता है? अल्फाबेट, ठीक है। ए टू जेड को हम अल्फाबेट बोलते हैं, बट ए टू जेड के अंदर में जो ए बी सी डी है ना, वो लेटर्स है, लेटर्स है। तो आपको लगेगा कि ए टू जेड तो 26 है, तो चलो एस लगा देते हैं, नहीं, ये पूरा ए टू जेड का एक ग्रुप है, ये अल्फाबेट है। बट जब इसमें एस लगता है ना, इसका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है, ठीक है, इसका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ये अल्फाबेट का मतलब होता है बेसिक्स। कभी कभी बोलते हो ना कि मुझे तो फ्रेंच का एबीसीडी भी नहीं पता है, मुझे फ्रेंच का एबीसीडी भी नहीं पता है, अल्फाबेट्स भी नहीं पता है, मुझे बेसिक भी नहीं पता है, मुझे फंडामेंटल्स भी नहीं पता है, फंडामेंटल्स भी नहीं पता है। तो चलो बताओ, बॉबी लर्न द अल्फाबेट या अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2, 2 साल के उम्र में ही? चलो बताओ, क्या 2 साल के उम्र में ही अल्फाबेट सीखा या अल्फाबेट सीखा? अल्फाबेट एबीसीडी का सही था, ठीक है। सैंड, सैंड का मतलब होता है रेत, सैंड का मतलब रेत होता है, टाइप ऑफ सॉइल, बालू रेत, और ये सैंड्स का मतलब है डेजर्ट। दोज हु लिव ऑन सैंड या सैंड्स, जो लोग डेजर्ट में रहते हैं ना, वो गर्मी वगैरह के आदि होते हैं, जो लोग रेत में नहीं, जो लोग सैंड्स में रहते हैं, मतलब डेजर्ट, डेजर्ट, ओके। नेक्स्ट वाटर, वाटर तो आपका पानी हो गया, H2O, वाटर इज पानी, ओके। और ये वाटर्स का मतलब होता है ना जलाशय, जलाशय का मतलब होता है वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज में नदी है, समुद्र है, ये सब है, सीज है, राजस्थान वाला डेजर्ट है। मैंने आपको नाउन्स एंड नंबर्स पूरा पढ़ा दिया, आज हम चलेंगे नाउन्स एंड जेंडर्स पे। नाउन्स एंड जेंडर्स में क्या पढ़ते हैं? पुलिंग स्त्रीलिंग, ठीक है। जितना पढ़ा रही हूँ ना उतना सफिशियंट है, पढ़ लो और कुछ क्वेश्चन मत पूछो, कुछ क्वेश्चन मत पूछो, जितना पढ़ा रही हूँ पढ़ लो। और कुछ स्टूडेंट से आपकी बात करवाऊंगी, जैसे मेरे टीम ऑर्गेनाइज कर रहा है कुछ सरप्राइज, कुछ स्टूडेंट से आपसे बात करवाऊंगी जिनका 180 प्लस आया है मेंस में, ठीक है, वो आपको खुद बताएंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है। उनका स्ट्रैटेजी खुद का था, तो वो आपको हेल्प कर देंगे कि क्या सफिशियंट है, क्या सफिशियंट नहीं है, कैसे पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे नाउन्स एंड जेंडर, ओके। चार तरह के जेंडर होते हैं, एक होता है मैस्कुलिन जेंडर पुलिंग, एक होता है फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, एक होता है न्यूटर जेंडर, ठीक है, न्यूटर जेंडर, और एक होता है कॉमन जेंडर, ठीक है। जूनियर क्लासेस में तो आपने पढ़ा होगा पुलिंग स्त्रीलिंग,
मैस्कुलिन और फेमिनिन पढ़ा होगा, बट उसके अलावा न्यूटर जेंडर भी होता है और कॉमन जेंडर भी होता है. ओके हाँ, कॉमन जेंडर भी होता है. ओके चलो, अब देखो मैस्कुलिन जेंडर में क्या, ये तो बचपन में भी पढ़ा होगा आपने. बॉय, बॉय का स्त्रीलिंग गर्ल, फादर का मदर, अंकल का आंट, ब्रदर का सिस्टर, ये सब तो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा ही होगा. यहाँ से कुछ एरर्स नहीं आने वाले एग्जाम में. एरर्स ऐसे नहीं आएंगे ना, चाचा का चाची बनाना है, दादा का दादी, नाना का नानी, माता पिता, वो सब तो आने वाला है नहीं. वो सब जूनियर क्लासेस की बात होगी, कहाँ से एरर्स आएगा बता दें. और एक होता है न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर जैसे चीजों की, इस टेबल का, इस चेयर का, पेन का, पेंसिल का, कोई जेंडर नहीं होता है. ओके, टेबल, पेंसिल, पेन, ये सब का कोई जेंडर नहीं होता है, तो वो न्यूटर जेंडर है. ठीक है, सारे न्यूटर जेंडर है. अब आ जाओ, आपके सारे एरर्स ना यहाँ से आएंगे. कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर में क्या है, वो कॉमन वर्ड जो हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, फीमेल के लिए. जैसे आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट गर्ल भी हो सकते हैं, स्टूडेंट बॉय भी हो सकते हैं, टीचर मेल भी हो सकते हैं, टीचर फीमेल भी हो सकते हैं. ठीक है, डॉक्टर मेल भी हो सकता है, डॉक्टर फीमेल भी हो सकता है, सोल्जर सैनिक मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. इट कैन बी अ बेबी गर्ल और इट कैन बी अ बेबी बॉय, इट कैन बी अ गर्ल चाइल्ड और इट कैन बी अ बॉय चाइल्ड. ठीक है, तो ये सारे हमारे कॉमन जेंडर है. ठीक है, ये सारे हमारा कॉमन जेंडर है. तो कॉमन जेंडर से ही मेन एग्जाम्स में एरर आता है. अब हम क्या करते हैं, जैसे टीचर है, सोल्जर है, डॉक्टर है. तो जैसे मैंने बोला सोल्जर, सोल्जर में तो सैनिक आ गया, और सैनिक में क्लियर नहीं हो रहा है ना कि मेल है कि फीमेल है. तो अगर हमें मेल और फीमेल बताना है, तो हम क्या करते हैं ना कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका मेल फीमेल बनाने के लिए या तो मैन और विमेन का यूज करते हैं. ठीक है, मैन और विमेन का यूज करते हैं. और कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाने के लिए मेल या फीमेल का यूज करते हैं. ठीक है, मेल और फीमेल का यूज करते हैं. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ मैन और विमेन का यूज करते हैं और कहाँ मेल और फीमेल का यूज करते हैं. ठीक है, ये आपके दिमाग में, हाँ डॉक्टर फ्रेंड भी हो सकता है, हाँ बॉय वाला फ्रेंड भी हो सकता है, गर्ल वाला फ्रेंड भी. चाइल्ड के साथ हमेशा इट लगा देते हैं, चाइल्ड और बेबी जो बच्चे छोटे होते हैं उनके साथ इट भी लगा देते हैं. ओके हाँ, लॉयर के साथ, सबके साथ. अब चलो लिख लो, कहीं पे मेल फीमेल बनाने के लिए मैन और विमेन लगाते हैं और कहीं पे मेल फीमेल बनाने के लिए मेल और फीमेल लगाते हैं. जहां भी हम मैन और विमेन कब लगाते हैं, जब भी प्रोफेशन की बात हो रही है. वैसे हम बोल चाल में ना फीमेल डॉक्टर के लिए लेडी डॉक्टर तो बोल देते हैं, बट लेडी हम जनरली उसके लिए यूज करते हैं ना, व्हेन वी एड्रेस अ वुमन विद रिस्पेक्ट, किसी वुमन को सम्मान से संबोधित कर रहे हो तो वहां पे हम लेडी लगाते हैं. बट हम नॉर्मल बातचीत में लेडी डॉक्टर भी लगा देते हैं, बट बहुत ज्यादा वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि जब भी प्रोफेशन की बात होती है ना, तो हम मैन और वुमेन लगा कर स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाते हैं. और कैसे, कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो मैन और वुमेन के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आधारित होता है. जैसे मैन का पर्स अलग होता है, मैन का वॉलेट अलग होता है, फीमेल का अलग है, मैन का शूज अलग है, मैन के पैर का बनावट अलग है और वुमेन के पैर की बनावट अलग है, मैन का वॉच थोड़ा अलग होता है, फीमेल का वॉच थोड़ा अलग है. नो डाउट फीमेल लोग मैन का वॉच भी पहन लेते हैं. तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो मैन और फीमेल दोनों के अलग अलग होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन. तो जब भी फिजिकल बनावट के आधार पे हो ना, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे हो, ठीक है, तो वहां पे हम लोग मेल और फीमेल लगा के बनाते हैं, मेल और फीमेल लगा के बनाते हैं. ठीक है, हाँ मेल के शूज अलग होते हैं, उनके पैर की बनावट अलग होती है, फीमेल के पैर अलग होता है. तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने लिखा सोल्जर, सोल्जर क्या है, सोल्जर एक प्रोफेशन है, सोल्जर एक प्रोफेशन है. तो जब भी प्रोफेशन की बात होगी ना, तो सोल्जर का मतलब तो सैनिक है, सैनिक में मेल भी आ सकते हैं, फीमेल भी आ सकते हैं. तो आप बोलोगे ना कि मैं मेल लगा सकते हैं मेल सोल्जर या फीमेल सोल्जर, ये लगा सकते हैं, बट नहीं, क्योंकि सोल्जर तो एक प्रोफेशन है. और जब भी प्रोफेशन की बात हो रही है, जब भी हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां मेल और फीमेल लगा के नहीं बनाते, वहां मैन और विमेन लगा के बनाते हैं, मैन और विमेन लगा के बनाते हैं. यस, तो
यहाँ पे मेल सोल्जर फीमेल सोल्जर मत लगाना, आपको पढ़ाया है यहाँ पे अगर विमेन की बात हो रही है तो विमेन सोल्जर लगा देना, और मैन की बात हो रही है मैन सोल्जर लगा देना, मैन की बात हो रही है। हाँ भाई फीमेल्स भी मैन का शूज पहन लेते हैं बट नहीं पहनना चाहिए। ओके आज हम लोग फाइनली नाउन को खत्म करेंगे, तो जो बच्चे आज पहली बार नाउन के क्लास में आए हैं ना, ठीक है, जो पहली बार नाउन के क्लास में आए हैं उनसे यही बोलूंगी, ट्यूसडे को 23rd से मैंने नाउन का नया बैच शुरू, मतलब नया पहला दिन क्लास लिया था, तो आप बैच को शुरू से देखोगे ना तभी समझ में आएगा, क्योंकि आज तो आप लास्ट डे आ रहे हो। उसी तरह सर्वेंट, सर्वेंट भी तो एक प्रोफेशन ही है, एक व्यवसाय है, प्रोफेशन है, तो हम मेड सर्वेंट भी बोल देते हैं, पर हम वुमेन सर्वेंट और मैन सर्वेंट भी बोल सकते, मैन सर्वेंट, क्योंकि जब भी प्रोफेशन की बात आ रही है ना तो मैन और विमेन लगा के बनाते हैं, विमेन सर्वेंट मैन सर्वेंट, वैसे हम मेड भी बोल देते हैं, मेड भी बोल देते हैं, मेड भी बोल देते हैं। हाँ नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे किया जाए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगर आपको आपने इसको कॉपी कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह अब देखो जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, शारीरिक बनावट पे कोई चीजें होती है, जैसे मैन का ड्रेस अलग होता है और विमेन का ड्रेस अलग होता है, तो आप ये नहीं बोलोगे मैन ड्रेस और विमेन ड्रेस, ये नहीं बोलोगे, क्योंकि मैन और विमेन लगा के हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग तब बनाते हैं ना जब प्रोफेशन की बात हो रही है, प्रोफेशन की बात हो रही है तब लोग बनाते हैं, बट यहाँ प्रोफेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे हो रही है, तो मेल फीमेल लगा के बनाना तो ये गलत हो गया, आपका आपका मैन ड्रेस नहीं होगा, ठीक है, आपका मेल ड्रेस होगा। उसी तरह फीमेल का पर्स अलग होता है और मेल का पर्स अलग होता है, तो पर्स भी अलग अलग है, तो उस केस में ना मैन और विमेन लगा के मत बनाना, मेल पर्स फीमेल पर्स, मेल ड्रेस फीमेल ड्रेस, मेल ड्रेस फीमेल ड्रेस। ओके जीन्स भी अलग अलग है, हाँ जीन्स भी अलग अलग। नेक्स्ट वाला आ जाओ, आज इसको फटाफट खत्म कर लेते। उसी तरह शूज, शूज जो होता है मेल का शूज अलग है फीमेल का शूज अलग है, तो ये तो आपके पैर के बनावट पे है, और जब भी आपके फिजिकल बनावट पे है ना तो यहाँ वहां पे मैन विमेन नहीं लगा के बनाते, वहां पे मेल फीमेल लगा के बनाते हैं, या तो आप बोलोगे मेल शूज या फीमेल शूज, वहां पे ऐसा लगा के बनाते। उसी तरह एक्सेसरी, एक्सेसरी मतलब अलग से, जैसे मैन का ब्रेसलेट अलग होता है, फीमेल का थोड़ा सा डेलिकेट होता है, तो वहां भी आप मैन और वुमेन लगा के नहीं बनाओगे, मेल फीमेल लगा के बनाओ, मेल फीमेल, मेल फीमेल। ओके इसको कॉपी करिए। हाँ भाई मेल का शर्ट अलग होता है, फीमेल का शर्ट अलग होता है, कुछ तो लिपस्टिक भी बोल रहे हैं, मेल का लिपस्टिक अलग होता है, फीमेल का लिपस्टिक अलग होता है, कुछ तो ये सब भी बोल रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में बता दूंगी, शेड्यूल हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर शेड्यूल हो जाएगा कि आपको कौन सा पढ़ना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब आ जाओ हम, हाँ अब हम चल रहे हैं, अब हम चल रहे हैं नाउन्स एंड केसेस पे। जो बच्चे पहली बार आए हैं ना, नया वीडियो देखिए, आपका जो नया वाला क्लास का वीडियोस है ना, जो पहला दिन का वीडियो देखिए, लास्ट दिन आएंगे ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी कि मैम आखिर पढ़ा क्या रही है, अभी हम नाउन्स पढ़ रहे हैं, पहला वाला वीडियोस देखिए, क्लास को क्विट करिए और जाके पहला वाला वीडियोस देखिए, पहले मैंने आपको नाउन्स एंड नंबर्स पढ़ाया। आप लोगों में ना यही चीज है, एक ऑफिसर ग्रेड का एग्जाम निकालने आए हो तो थोड़ा सा दिमाग भी ना उसी टाइप से रखो, बहुत बचकाना वाला चाइल्डिश दिमाग नहीं रखना है, ठीक है। नाउन्स एंड नंबर्स पढ़ाया मैंने बहुत डिटेल में आपको, फिर नाउन्स एंड जेंडर्स भी किया हमने, कहा मेल फीमेल लगा के बनाते हैं, कहा मैन वुमेन लगाते हैं, अब हम करेंगे नाउन्स एंड केसेस, ठीक है। नाउन्स एंड केसेस का मतलब होता है कारक, नाउन के केसेस बता रही हूँ, ऐसे तो बहुत सारे केसेस है बट मेनली आपको 4 केसेस याद रखना है। नाउन के 4 केसेस होते हैं, एक होता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है सब्जेक्टिव को, जब नाउन को वाक्य में सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो तो वो सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, वो सब्जेक्टिव केस है, और जब नाउन को वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो, देखो यहाँ यहाँ पे मेन ये क्या है, मोहन क्या है, मोहन नाउन है, ऑनेस्टी क्या है, नाउन है, तो ये जो ऑनेस्टी और मोहन नाउन है ना, इसको मैंने सब्जेक्ट की तरह यूज किया है, तो ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट की तरह यूज किया है, सब्जेक्टिव केस है। और दूसरा देखो,
जो भी नाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो, यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट, और प्रिया क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है। जैसे जैसे मैंने लिखा प्रिया हेल्प मी, प्रिया हेल्प मी, और फिर मैंने लिखा आई हेल्प्ड प्रिया, आई हेल्प्ड प्रिया। तो यहाँ भी, यहाँ जो प्रिया है, यहाँ भी प्रिया नाउन ही है, और पहला वाला सेंटेंस में ऑल्सो प्रिया इज नाउन, बट यहाँ पे प्रिया सब्जेक्ट भी काम कर रही। तो यहाँ पे प्रिया जो है, यहाँ पे जो प्रिया सब्जेक्टिव केस है, बट यहाँ प्रिया इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। तो सिंपल है, सिंपल है। ओके, हाँ। वेन नाउन एंड प्रोनाउन इज यूज एज अ सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्टिव केस है। जब वेन नाउन एंड प्रोनाउन इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। आज हम लोग फाइनली खत्म कर लेते हैं, फिर मैं आपको नया चैप्टर बताऊं, नेक्स्ट वाला। एक होता है पोजेसिव केस, और सारा एरर यहीं से आता है, सारा एरर यहीं से आता है। नाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और वो सबसे नहीं आता, पोजेसिव केस। पोजेसिव कम्स फ्रॉम द वर्ड पोजेशन। पोजेशन बताना मतलब ओनरशिप बताना, मालिकाना अधिकार बताना, ठीक है। हम मालिकाना अधिकार बताने के लिए क्या यूज करते हैं? या तो ऑफ का यूज करते हैं, या तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, ठीक है। पोजेशन बताने के लिए ना, या तो हम ऑफ का यूज करते हैं, या तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जहां पे ऑफ हटता है तो वहां पे अपोस्ट्रोफी लगेगा, और जहां पे अपोस्ट्रोफी एस हटेगा वहां पे ऑफ लगेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम कैसे पता चलेगा कहाँ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और कहाँ ऑफ लगाएंगे? और कभी कभी तो दोनों करेक्ट होता है, बट एग्जाम में यहाँ से एरर नहीं आएगा। एग्जाम में एरर वहीं से आएगा ना, जहाँ पे कहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगता है, कहाँ पे नहीं लगता है, वहीं से हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। वहीं से हम लोग डिस्कस करने वाले पोजेसिव केस, मतलब पोजेशन बताना। जैसे मैंने लिखा, मैंने ये लिखा द बुक ऑफ राम, मैंने लिखा द बुक ऑफ राम, और फिर मैंने लिख दिया राम्स बुक। पोजेशन बता रहा है ना किसकी किताब, हु इज द ओनर ऑफ द बुक, हु इज द पोजेसर ऑफ द बुक। द पोजेसर ऑफ द बुक इज राम, राम इस बुक के पोजेसर है। ये बुक किसकी है? किताब राम की है, तो राम्स बुक। यहाँ पे दोनों सही है। यहाँ पे मैंने पोजेशन बताया क्या लगाकर? ऑफ लगाकर। काके की का सेंस आए ना, काके की क्या बताता है? संबंध बताता है, पोजेशन बताता है। जब भी काके की का सेंस आए तो हम ऑफ लगाते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने ऑफ हटा के अपोस्ट्रोफी लगाया, तो यहाँ तो दोनों सही है, यहाँ से एरर नहीं आएगा। अब हम सीखेंगे ना कहाँ पे ऑफ हटेगा तो उसकी जगह अपोस्ट्रोफी लगेगा, और कहाँ अपोस्ट्रोफी हटेगा तो उसकी जगह ऑफ लगेगा। एग्जाम में एरर यहीं से आता है, ठीक है। एग्जाम में सारे एरर, यहाँ तो दोनों सही है, यहाँ तो दोनों सही है। नेक्स्ट आ जाओ। और एक होता है वोकेटिव केस, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी हमारे एनडीए में जो पार्ट ऑफ स्पीच का एग्जाम्स में एरर आता है ना, उससे कभी कभी पूछ देते हैं कि ये कौन सा केस है। जैसे मैंने लिखा प्रिया, प्रिया डू द वर्क, प्रिया डू द वर्क, प्रिया इस काम को करो, ठीक है। और फिर मैंने लिखा प्रिया डिड द वर्क। आप देखो यहाँ पे दोनों सेंटेंस में देखो, ठीक है। आप कभी कभी क्या होता है ना, एनडीए वगैरह में क्या करेंगे, ये आपको ऐसा करेंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे और बोलेंगे बताओ कि ये नाउन का कौन सा केस है। और यहाँ भी मैंने प्रिया नाउन है। अब मुझे बताओ कि नीचे वाला जो प्रिया है ना, प्रिया ने डिड द वर्क, प्रिया ने इस काम को किया, तो प्रिया यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो सब्जेक्टिव केस है। लेकिन अब मुझे बताओ, देखो यहाँ प्रिया के बाद कॉमा आ गया, मैंने यहाँ पे प्रिया का नाम संबोधित करते हुए बोला प्रिया डू द वर्क, प्रिया इस काम को करो। तो जब भी आप किसी का नाम संबोधित करते हुए किसी को कोई चीज बोल रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे कॉमा आ गया, तो ये वोकेटिव केस है। ये हमारे एनडीए वाले बच्चों को हेल्प करने वाला है, क्योंकि वो ऑप्शन में डाल देंगे बताओ कि ये नाउन का कौन सा केस है। तो जब कॉमा डाल के आया रहे ना, किसी का नाम संबोधित करते हुए बोल रहे हो, तो वहां पे वोकेटिव हो जाए, वोकेटिव, वो ऊपर वाला वोकेटिव केस। अब चलो जहां से हमारे एरर्स आने वाले हैं, ओके। देखो यहाँ भी वही है, कम हियर राम, इधर आओ राम, तो यहाँ भी राम वोकेटिव केस है। राम का नाम संबोधित करते हुए बोला जा रहा है, प्रिया वेट फॉर मी, तो यहाँ भी वोकेटिव केस है। किसी का नाम संबोधित करते हुए बोल रहे हो, दैट इज वोकेटिव केस, वोकेटिव केस, यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला आ जाओ। अब कहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगेगा, कहाँ से हटेगा, ठीक है।
यही आपका एग्जाम का जब भी पोजेसिव केस से एरर्स आता है ना नाउन का, तो यहीं से आने वाला है. यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस, कहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस हटेगा और कहाँ पे लगेगा. अब यहाँ पे आप सेंटेंस देखो, जनरली जनरली जो अपोस्ट्रोफी एस होता है ना, पहले यहाँ पे देखो, कुछ बच्चों ने दिमाग में बैठा लिया है कि मैम अपोस्ट्रोफी एस तो हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ लगता है. अपोस्ट्रोफी एस ना लिविंग थिंग्स के साथ लगता है, बट ऐसा नहीं है. ओके, अपोस्ट्रोफी एस हम कभी कभी नॉन लिविंग के साथ भी लगा देते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी लगा देते हैं. अब आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है कि अपोस्ट्रोफी एस हमेशा लिविंग के साथ ही होता है, नॉन लिविंग के साथ ही लगा सकते हैं. और नॉन लिविंग थिंग के साथ कब लगाएंगे? जो चीजें अपने आप में एक हो, ठीक है, जो चीजें अपने आप में एक हो, यूनिक हो, चाहे वो नॉन लिविंग ही क्यों ना हो, हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं. जैसे जैसे मैंने लिखा द अर्थ्स ग्रेविटी, द अर्थ्स ग्रेविटी, और फिर मैंने लिखा द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. अब बताओ कि कौन सा करेक्ट है, मुझे बताओ कि कौन सा करेक्ट. बताओ कौन सा करेक्ट है, द अर्थ्स ग्रेविटी या द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ? बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. ठीक है, दोनों करेक्ट है. हम ऑफ तो सब जगह लगा देते हैं, ये जो ऑफ है ना हम सब जगह लगा देते हैं. ये ऑफ तो हम लिविंग के साथ भी लगा देते हैं और ऑफ नॉन लिविंग के साथ भी लगा देते हैं, तो ऑफ वाला ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ऑफ वाला ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि ऑफ वाला हम लिविंग के साथ भी लगा देते हैं, नॉन लिविंग के साथ भी लगा देते हैं. ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है अपोस्ट्रोफी के साथ, क्योंकि बच्चों ने दिमाग में रट रखा है कि अपोस्ट्रोफी एस नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं लगता है, लिविंग के साथ ही लगता है. बट कभी कभी नॉन लिविंग के साथ भी लगता है. कब? जब वो चीजें अपने आप में एक हो. अर्थ कितना है? अपने आप में एक अर्थ है. मून भी एक ही है. द सन्स रेज, सन्स भी अपने आप में एक ही है, सन सूरज. तो जो चीजें अपने आप में एक हो, यूनिक हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग ही क्यों ना हो, हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं. जैसे जैसे मैंने लिखा ना दिल्लीज क्लाइमेट, दिल्लीज क्लाइमेट, तो ये गलत नहीं है. दिल्ली का क्लाइमेट, अगर अगर मैंने ऐसा लिखा होता द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, ये भी गलत नहीं है. ऑफ तो सब जगह लग जाता है. क्लाइमेट ऑफ दिल्ली का हम दिल्लीज क्लाइमेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि मैम दिल्ली तो नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग के साथ तो अपोस्ट्रोफी नहीं यूज होता है, बट यहाँ पे यूज हुआ है और फिर भी करेक्ट है, क्योंकि दिल्ली भी अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है, अपने आप में एक है, अपने आप में यूनिक है. तो जो चीजें अपने आप में एक हो, जो चीजें अपने आप में यूनिक हो, चाहे वो नॉन लिविंग भी हो, हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं. ये लिख लीजिए, लिख लीजिए. ओके, हाँ, नेचर्स लॉ, प्रकृति के नियम, सही है, सही है, द लॉज ऑफ नेचर भी सही है. ओके, ये लिख लीजिए. यहाँ पे देखो, यहाँ पे द ड्रामास ऑफ शेक्सपियर आर वेरी इंटरेस्टिंग. शेक्सपियर के ड्रामास बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे किसके ड्रामास, किसके ड्रामा, शेक्सपियर के ड्रामा. तो यहाँ मैंने ऑफ लगा के पोजिशन बताया, ठीक है, ऑफ लगा के पोजिशन बताया, लेकिन यहां मेरे को ऑफ लगाने का मन नहीं था, मैंने अपोस्ट्रोफी लगा दिया. और लिविंग थिंग्स के साथ तो दोनों करेक्ट है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन क्या होता है कि आप अपोस्ट्रोफी लगाते हो ना तो थोड़ा सा सेंटेंस छोटा भी हो जाता है. 1, 2, 3, 4 वर्ड्स का था, ये टू वर्ड्स में कन्वर्ट हो, टू वर्ड में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस कंडेंसेस अ सेंटेंस, ऐसे तो दोनों सही है, ऐसे तो दोनों सही, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. नेक्स्ट पे आ जाओ. अब अपोस्ट्रोफी एस से और कैसे कैसे एरर्स आते हैं. सेंटेंस में लगातार दो अपोस्ट्रोफी एस एरर इससे आता है. पॉइंट टू बी नोटेड, सेंटेंस में लगातार दो अपोस्ट्रोफी एस नहीं आ सकता है. अगर मैंने ऐसा लिखा होता ना, राम्स एंड मोहन्स बुक्स, राम और मोहन की किताबें, तो यहाँ पे जो दो अपोस्ट्रोफी एस आया है ना, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, क्योंकि एंड से जुड़ा है ना, लगातार नहीं आया, एंड से जुड़ के दो अपोस्ट्रोफी एस आ सकता है, दो अपोस्ट्रोफी एस आ सकता है, लेकिन लगातार दो अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा. राम्स अंकल्स फ्रेंड, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस. यस, दो राम के अंकल का बेटा, तो ऐसा नहीं है ना कि अपोस्ट्रोफी एस इज नॉट अ डेकोरेटिव पीस, जिसको नहीं हटाने का मन किया तो काट के वहां से हटा दिया. जब अपोस्ट्रोफी एस का एक मीनिंग होता है, कोई डेकोरेटिव पीस नहीं है, अपोस्ट्रोफी एस पोजेशन बताता है.
तो लगातार तो दो अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, तो जब भी अपोस्ट्रोफी को हटाओगे ना तो उसके बदले ऑफ जरूर लगाओगे, ऑफ जरूर लगाओगे, यस बैक टू बैक एस नहीं आएगा, राम्स अंकल्स फ्रेंड नहीं होगा, एक अपोस्ट्रोफी एस हटाओगे, ठीक है, किसका अंकल वाला हटा रहे हो ना, तो क्या होगा, फ्रेंड ऑफ राम्स अंकल, फ्रेंड ऑफ राम्स अंकल, सेकेंड वन इज करेक्ट, सेकेंड वन इज, वॉट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट टू कंजेकेटिव अपोस्ट्रोफी एस एक साथ नहीं यूज होगा, बट एंड लगाकर यूज हो सकता है, एंड लगाकर यूज हो सकता है, एक पॉइंट इसको याद रखना है. नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, हाँ, एनी वन फ्रॉम महाराष्ट्र, वाई डू वॉन्ट टू नो कि वेदर समवन इज फ्रॉम महाराष्ट्र और नॉट, वाई डू वॉन्ट टू नो, विल दे आस्क इन द एग्जाम, लिख लिया है, हाँ, फ्रेंड ऑफ राम्स अंकल, राम्स अंकल थोड़ी हो, राम के अंकल का फ्रेंड, नेक्स्ट, द बॉयज बैग्स, चलो ये वाला मैं अलग से बताती हूँ, ये अलग से लिख के बता रही हूँ, मेरे को अलग से एक चीज़ और नोट डाल के लिख लेना, क्योंकि अपोस्ट्रोफी से जो जो एरर आता है ना बताते जा रही हूँ, एक तो लगातार दो अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, अभी तक हमने क्या क्या सीखा कि अपोस्ट्रोफी एस लिविंग के साथ भी लग सकता है, नॉन लिविंग के साथ भी लग सकता है, नॉन लिविंग के साथ कब लगता है, जो चीज़ें अपने आप में एक हो, यूनिक हो, उसके साथ हम लगा सकते हैं, ठीक है, और दूसरा लगातार दो अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, ठीक है, एक हटेगा तो उसके बदले ऑफ लगाओगे, और तीसरा रूल लिखते जाओ, ऐसा नहीं कि भारी भरकम पूरा लिखना ही है, तीसरा रूल में आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा आपको शेक्सपियर्स, शेक्सपियर्स ड्रामास, शेक्सपियर के ड्रामास, ये तो सही है, शेक्सपियर के ड्रामास बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि किसी वर्ड के लास्ट वर्ड में अगर हिसिंग साउंड आ गया, हिसिंग मतलब स वाला साउंड आ गया, तो उस केस में हम क्या करते हैं ना, वहां पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी डाल के छोड़ देते हैं, फिर से अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, आपने ये सुना होगा, डिकेंस का नाम सुना होगा, डिकेंस नॉवल्स, डिकेंस नॉवल्स, डिकेंस का नॉवल्स, तो इस केस में हम क्या करेंगे ना, शेक्सपियर के लास्ट में तो एस वाला साउंड नहीं था ना, तो हमने ऐसा वाला लगाया, लेकिन डिकेंस, डिकेंस सारा सब डिकेंस के नाम के लास्ट में ऑलरेडी हिसिंग साउंड आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं ना कि दोबारा अपोस्ट्रोफी लगा के शेक्सपियर की तरह नहीं लगाएंगे, जहां पे लास्ट में स वाला साउंड आया ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं ना, सिर्फ अपोस्ट्रोफी का साइन देके छोड़ देते हैं, यस, हिसिंग साउंड आने लगता है एस वाला, तो उसमें बस वो एस के बाद अपोस्ट्रोफी का साइन देके छोड़ देंगे, दोबारा एस मत लगाना, दोबारा एस नहीं लगाना है. देखो यहाँ पे एक सेंटेंस में लिख रही हूँ, द एम्प्लॉयज, ये पूरा भारी भर का नोट्स ऐसे होने चाहिए ना जिसमें आपको पढ़ने का मन करे, एकदम शॉर्ट में क्रिस्प बनाइए, बहुत ज़्यादा भारी भरकम ना बुक टाइप वाला फॉर्म में नहीं लिखे ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है. एम्प्लॉयज, अगर एक एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉई है तो मैं एम्प्लॉयज सैलरी लिखूंगी, ठीक है, एम्प्लॉयज सैलरी, लेकिन अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज है तो पहले तो मैं क्या करूंगी, इस एम्प्लॉय को प्लूरल बनाऊंगी ना, इस एम्प्लॉय को प्लूरल बनाऊंगी, एम्प्लॉयज, और यहाँ पे हिसिंग साउंड आ गया, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सिर्फ अपोस्ट्रोफी डाल के छोड़ दूंगी, सिर्फ अपोस्ट्रोफी, क्योंकि हिसिंग स वाला साउंड आ रहा है, तो दोबारा एस मत लगा, साइन डाल के छोड़ दे. ओके, नेक्स्ट वाला, हाँ उसी तरह वही बताया, जब ये वाला जो है ना ये गलत है, बॉयज, बॉयज में बॉयज, बॉयज, अगर एक लड़का होता, एक लड़का होता तो मैं लिखती बॉयज बुक, यहां तो एस लगाएंगे ना, बॉय में एस वाला साउंड नहीं था, अगर बहुत सारा लड़का है तो मैं पहले इसको प्लूरल बनाऊंगी, बॉयज बुक्स, और ऐसा साइन देके सिर्फ छोड़ देना, साइन देके सिर्फ छोड़ देना, दोबारा अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, नहीं लगाना. ओके, हो गया, हो गया, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला, मुझे ये सब अपोस्ट्रोफी एस एल है रिलेटेड छोटे छोटे एरर्स आपके एग्जाम में आते हैं, आपको याद होगा नेक्स्ट वाला रूल में मुझे क्या बताना था, जैसे आपको कल मैंने आपको कंपाउंड नाउन करवाया था, ठीक है, कंपाउंड नाउन करवाया था, उसमें बताया था कि मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का अगर हमें प्लूरल बनाना है, प्लूरल बनाना है तो क्या करना है, मदर इन लॉ का प्लूरल बनाने के लिए ना लॉ में एस मत डालना, जैसे एग्जाम में ऐसा लगा के दे देते हैं मदर इन लॉज, इसमें लगा के दे देते हैं, गलत है, गलत है, आपको मदर में एस लगाना है, मदर्स इन लॉ, इसमें एस लगाना है,
ठीक है, एस लगाना है, हम एस लगाना, हम प्लूरल बनाने के लिए ना मदर में एस लगाएंगे। लेकिन अगर हमें मदर इन लॉ से रिलेटेड, मदर इन लॉ से रिलेटेड कुछ बात बतानी है, कुछ पोजेशन बताना है, तो तब हमें अपोस्ट्रोफी यहाँ पे नहीं लगाना, तब हमें लॉ में लगाना है। ये चीज याद रखना, जैसे मैंने लिखा मदर इन लॉज बिहेवियर, तो अपोस्ट्रोफी ना प्लूरल बनाने के लिए एस मदर में लगाना, लेकिन जब अपोस्ट्रोफी लगाने की बारी आई ना, तब लॉज में लगाना, मदर इन लॉज बिहेवियर, मदर इन लॉज बिहेवियर, यस, लास्ट में लगाना, लास्ट में। हाँ, कुछ कुछ 60 इंपॉर्टेंट रूल्स में भी है। नोट्स कैसे बनाए, अच्छा बताना होगा ना, नोट्स कैसे बनाए। आप लोग का डिमांड और ऑर्डर ले लेके मैं थोड़ी पढ़ाऊंगी, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है पहले आप वो पढ़ोगे, और सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी करते जाना है, ठीक है, सेशंस अच्छे लग रहे हैं लाइक करते जाना। मदर इन लॉज का बंगलो बिहेवियर है, मदर इन लॉज, लॉज में एस लगाना, मदर इन लॉज हाउस, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज, तो गवर्नमेंट में मत लगाना, पॉलिसी में लगाना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी। ही मेड मी टू विन द रेस, मी टू के कैसा यूज हुआ, गलत है, ही मेड मी विन द रेस, टू नहीं लगेगा। सिस्टर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज मैरिज, तो सिस्टर इन लॉज में अगर अपोस्ट्रोफी लगाना है ना, तो लास्ट वर्ड में लगाना, अगर प्लूरल बनाना है तो पहला वर्ड में एस लगा के बनाना, प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस पोजिशन बताने के लिए लगाते हैं। नेक्स्ट वाला, हाँ नेक्स्ट वाला रूल क्या बताता है, यहाँ से नेक्स्ट वाले रूल में देखना है हमें कि जब भी सेंटेंस में somebody, nobody, anybody आ गया, तो हम somebody, nobody के साथ लगाएंगे, somebody, nobody person है, लगाते भी है, somebody's purse has been stolen, ठीक है, किसी का पर्स चोरी हो गया, जब भी वाक्य में somebody, nobody, anybody आया ना, तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगाना, बट कभी कभी somebody, nobody के साथ एल्स वर्ड लगा दिया, somebody, nobody के साथ else word लगा दिया है ना, तो अब आप apostrophe somebody में नहीं लगाओगे इसकी तरह, अब आप लगाओगे else's में, else's में, else's में, तो somebody's else नहीं होगा। If somebody, nobody के साथ else word, अकेला somebody, nobody है तो उसमें लगाना, ठीक है, अकेला वाक्य में somebody आ गया, nobody आ गया, anybody आ गया, वो सब में else लगाना। लेकिन अगर इसी वर्ड के साथ एल्स आ गया ना, somebody पर्स, किसी का पर्स चोरी हो गया, और somebody else मतलब किसी और का पर्स चोरी है, तो इस और पे डालो, कभी कभी तो दोनों में लगा के दे देते हैं, गलत है, एल्स में लगाना, एल्स एल्स एल्स, ओके। चलो अब नेक्स्ट पे मिलेगा, मैं नेक्स्ट चैप्टर ना, नेक्स्ट चैप्टर में सोच रही हूँ कि मैं कंजंक्शन स्टार्ट करूँ, ठीक है, कंजंक्शन आपके एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आपको कंजंक्शन का नॉलेज हो गया ना, तो आपका एरर भी फटाफट बनेगा, आपका क्लोजेस्ट भी बनेगा, आपका फिलअप्स भी बनेगा, तो कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंजंक्शन को एक अलग स्टाइल में पढ़ाना है। अरे दिस इज बेनिफिशियल फॉर ऑल द एग्जाम्स, व्हाई आर यू आस्किंग अगेन एंड अगेन कंजंक्शन, आपके अकॉर्डिंग थोड़ी चलूंगी कि ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, मेरे को पता है ना क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाना है, कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंजंक्शन के दिन ना नाउन तो थोड़ा इजी चैप्टर भी होता है, नाउन में ना टीचर को बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताना नहीं होता है, ठीक है, आपने देखा कि बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं होता है नाउन, बट इस कंजंक्शन को मैं, आप मंडे को तो मेरे एक स्टूडेंट के साथ मीटिंग है, स्टूडेंट के साथ, और ट्यूजडे तो मैं छुट्टी पे हूँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं वेंसडे को कंजंक्शन स्टार्ट करूँगी, और कंजंक्शन की क्लास मिस मत करना, आपने पहले कभी ऐसा कंजंक्शन नहीं पढ़ा हुआ बाइफरकेट कर करके, जो रियली एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है, तो मैं वेंसडे को स्केड्यूल कर दूंगी, ठीक है, मेरे को है ना, आप होम ट्यूशन लीजिए दीप्तोष कुमार, आपको ना ये अभी नहीं समझ में आएगा, आपको होम ट्यूशन की जरूरत है, पहले थोड़ा सा होम ट्यूशन लेके ना अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करो, ओके, ट्यूशन लेके इंग्लिश को इम्प्रूव करोगे ना, उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में कदम रखना, नहीं तो होता क्या है ना कि आपकी लेवल नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे ना मैं ABCD लेवल नहीं जा सकती, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो एक लेवल है, होम ट्यूशन लीजिए पहले, उसके बाद आइए, तो somebody, nobody के साथ else हो तो else में लगाना, ओके, हाँ अब ये वाला नेक्स्ट वाला रूल लिखो,
कि अगर हमारा दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़ा है और दोनों बातें एक ही के लिए बोली जा रही है तो एक ही अपोस्ट्रॉफी लगेगा, वो भी सेकेंड वाले सब्जेक्ट के साथ, सेकेंड वाले सब्जेक्ट के साथ। यस, कल मैं आपको वोकैब करवाऊंगी, मोस्ट रिपीटेड वोकैब। अच्छा, यू आर इन एट स्टैंडर्ड ना? ओके दीप्तोष, यू आर इन एट स्टैंडर्ड। अच्छा, मैं समझ गई। सी 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 सी, आई हैव अंडरस्टूड व्हाई आर यू हैविंग प्रॉब्लम्स एंड ऑल, बिकॉज द ग्रामर विच यू स्टडी इन स्कूल लेवल एंड द ग्रामर डेट यू आर स्टडिंग हियर, स्कूल लेवल में ना ये सब कमी आता है। स्कूल लेवल में मैंने जो पहला पहला एक दो दिन नाउन पढ़ाया है ना, वो स्कूल लेवल में आया है, बट दिस इज एंटायरली फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो अगर हमारा दो नाउन एंड से जुड़ा है, ठीक है, और दोनों एक ही चीज के बारे में पोजिशन बता रहा है, तो एक ही अपोस्ट्रोफी लगेगा, वो भी सेकेंड के साथ। सेकेंड देखो, ये राम्स एंड प्री, राम्स एंड श्याम्स वाइफ, यहाँ पे वैसे वाइफ नहीं होना चाहिए, कुछ कुछ यहाँ पे अलग अलग अपना दिमाग लगाना शुरू कर देंगे। राम और श्याम की वाइफ, तो यहाँ अलग अलग अपोस्ट्रोफी लगेगा, राम की वाइफ अलग है और श्याम की वाइफ अलग है। ओके, वाइफ्स कर दिया, हाँ कोशिश कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे, क्योंकि मेरे बैच में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप तो एट स्टैंडर्ड में हो ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो RIMS वाला मिलिट्री स्कूल वाला प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो सेवेंथ स्टैंडर्ड के। देर वॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, आई थिंक ही वॉज फ्रॉम तेलंगाना, और उसने अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था, तेलंगाना में एक ही सीट था, उसने ले लिया, हर्षित, हर्षित नाम था। अपने फादर से भी उन्होंने बात करवाई थी। हाँ, ये सब दिमाग मत लगाओ कि मैम राम की वाइफ और श्याम की, दोनों की एक ही वाइफ भी तो हो सकती है, ज़्यादा वो सब दिमाग नहीं लगाओ, दोनों की अलग अलग वाइफ है। हाँ, हम लोग के बैच में UPSC भी था, वो तो बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, UPSC, एक हर्षित है जिसने क्वालिफाई कर लिया है। राम की वाइफ, हाँ राम, इंद्र इंद्र इंद्रेश बुजरे क्यों है, उसने मुझे फ़ोन किया था, मैम दोनों को ना एक मत रखना, उसकी वाइफ अलग है, उसकी वाइफ अलग है, अलग अलग लगाना। बट यहाँ पे देखो, आई वेंट टू राम्स एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग, मैं राम और सीता के घर गया, देखा कि दोनों गायब थे, मिसिंग थे, तो ये दोनों कपल है, एक ही घर में रहते हैं, राम और सीता का एक ही घर है, दोनों वाइफ हस्बैंड है, एक ही घर में रहते हैं, तो यहाँ एक ही अपोस्ट्रॉफी लगेगा, और आपके दिमाग में आएगा एक ही अपोस्ट्रॉफी लगेगा तो कौन वाला, सेकेंड वाला लगेगा, सेकेंड के साथ लगा, फर्स्ट वाला भीम एंड अर्जुन्स वाइफ, हाँ सब पांडव की वाइफ के पीछे पड़ गए हैं सब। देखो वो बोल रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, वर्षा कुमारी असली वाइफ तो एक ही होती है। ये सब में बहुत मन लगता है, बहुत मन लगता है ये सब में। राम और सीता एक ही घर में रह रहे हैं तो एक ही अपोस्ट्रॉफी लगेगा, तो आप बोलोगे मैम फर्स्ट में लगा देते हैं, नहीं सेकेंड में। मालाज एंड प्रियाज अकाउंट, ये सही है, माला का अकाउंट अलग है, प्रिया का अकाउंट अलग है, लेकिन यहाँ माला और प्रिया का जॉइंट अकाउंट है, और जॉइंट अकाउंट है तो एक ही अपोस्ट्रॉफी लगेगा, पहला वाला हटा के सेकेंड वाले में लगा, सेकेंड में। जल्दी जल्दी करते हैं, आज 1 बजे से क्लास भी है, 1 बजे से आज क्लास भी है। हाँ, सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक भी करते जाना है, आपको कंजंक्शन का बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है टॉपिक कॉन्सेप्ट्स। जनरली अपोस्ट्रोफी एस, जनरली अपोस्ट्रोफी एस इज यूज विथ लिविंग थिंग्स, ओके, बट सर्टेन, जनरली, जनरली मतलब सामान्यता, सामान्यता अपोस्ट्रोफी एस का यूज लिविंग थिंग्स के साथ होता है, बट सर्टेन नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो टेक अपोस्ट्रोफी एस। और वो नॉन लिविंग थिंग्स कौन है, जो चीज़ें अपने आप में एक हो, ओके, एज अ प्रॉपर नाउन यूज हो रहा है, जो चीज़ अपने आप में एक हो, यूनिक हो, जिसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ना हो उसके लिए। आज आपका, कल मैंने अनअकैडमी में फ्रेजल वर्ब का टेस्ट लिया था रात को 8:30 बजे, ठीक है, अनअकैडमी पे आज बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेज हैं। रात को 8:30 बजे कल मैंने फ्रेजल वर्ब पढ़ाया था, और आज भी आपको अनअकैडमी पे रात को 12:30 बजे फ्री क्लास है, फ्री है, आ सकते हो।
तो यहाँ पे देखो, द टेबल्स लेग्स वर ब्रोकन बाय द मॉब, ये तो एक सदाबहार क्वेश्चन है। जब भी टीचर ये पढ़ाते हैं ना, तो ये सेंटेंस जरूर लेते हैं, एग्जाम में आया हुआ है। अब टेबल का लेग तो नॉन लिविंग थिंग है, टेबल का लेग तो नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रॉफी एस नहीं होगा, क्या होगा? लेग्स ऑफ द टेबल। फैन का ब्लेड भी तो नॉन लिविंग थिंग है, इसके साथ अपोस्ट्रॉफी एस नहीं होगा, ब्लेड्स ऑफ द फैन। अब फिर मुझसे अब क्वेश्चन पूछोगे कि मैम अभी तो आपने बोला कि नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रॉफी एस नहीं यूज होता है, आपने ऑफ लगाया, बट आपने साथ में ये भी बोला है ना कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स अपने साथ अपोस्ट्रॉफी एस लेते हैं, ठीक है, लेते हैं कौन? जो अपने आप में कोई यूनिक हो, एक हो। ये तो कोई भी चीज़, कोई भी टेबल, ये टेबल कॉमन नाउन है, प्रॉपर नहीं है, कोई भी टेबल हो सकता है, कोई भी फैन हो सकता है, कोई भी फैन हो सकता है, ओके? फैन, यहाँ कोई स्पेसिफिक फैन मतलब नहीं है कि फैन का प्रॉपर नाउन है, इसके जैसा कोई दूसरा फैन होगा ही नहीं। इट्स अ कॉमन नाउन, फैन इज अ कॉमन नाउन, टेबल इज अ कॉमन नाउन। वेन एवर इन अ सेंटेंस यू हैव अ कॉमन नाउन ना, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दैट इज अ कॉमन नाउन, और इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दैट इज अ नॉन लिविंग थिंग, यू कैन स्टिल यूज। यस यस, लास्ट, जल्दी जल्दी करते हैं। टेबल लेग्स फैन ब्लेड हो गया, नेक्स्ट। और भी एक तो मैंने बता दिया, सर्टेन नॉन लिविंग थिंग्स भी अपोस्ट्रोफी एस लेते हैं, जो अपने आप में एक है, यूनिक है। जैसे मैंने लिखा, वही बता दिया, सन्स रेज, द रेज ऑफ द सन भी होता है, द सन्स रेज भी होता है, द रेज ऑफ द मून, द अर्थ्स ग्रेविटी, ये सब हो सकता है। सन भी अपने आप में एक है, अर्थ भी अपने आप में एक है, नॉन लिविंग है, अपोस्ट्रोफी ले सकता है। देर आर सर्टेन नॉन लिविंग थिंग्स और भी होते हैं जो अपोस्ट्रोफी एस लेता है। जब भी हम सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन करते हैं, पर्सोनिफिकेशन का मतलब है मानवीयकरण, मानवीयकरण मतलब किसी चीज को, थिंग कंपेयर्ड टू अ पर्सन, ओके, कंपेयर्ड टू अ पर्सन। जब भी किसी चीज को किसी पर्सन से कंपेयर करते हैं, या किसी पर्सन को किसी चीज से कंपेयर करते हैं ना, तो वहां पे भी अपोस्ट्रोफी ऐसे यूज होगा। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है मानवीयकरण, पर्सोनिफिकेशन वर्ड में ही पर्सन है, और पर्सन के लिए तो हम यूज कर सकते हैं ना, पर्सन के लिए तो हम अपोस्ट्रोफी ऐसे यूज कर ही सकते हैं, ओके? अकाउंट्स नहीं होगा, अकाउंट्स नहीं होगा सुदीप, क्योंकि अकाउंट में जब एस लगता है ना, उसका मतलब चेंज हो जाता है। अकाउंट सेक्शन होता है वो, अकाउंट यहाँ पे बैंक अकाउंट वाला है, ठीक है, बैंक अकाउंट वाला है, तो वहां पे एस नहीं लगाओगे, उसमें एस लगेगा मीनिंग चेंज हो जाएगा। एक तो अकाउंट्स एज अ सब्जेक्ट होता है, एक अकाउंट सेक्शन होता है आपके ऑफिस में, तो इसीलिए मैंने एस नहीं लगाया। हाँ, मून्स ब्यूटी, मून्स, मून की ब्यूटी, चांद की ब्यूटी। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, किसी विमेन की ब्यूटी को चांद की ब्यूटी से कंपेयर करते हैं, ओके? आपने देखा होगा हमारे बॉलीवुड में बहुत सारे चांद वाला, विमेन की ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए ना, चांद से रिलेटेड बहुत सारे सॉन्ग्स भी बनाए गए हैं। तो किसी विमेन की, तो आप बोलोगे मैम यहाँ तो मून तो नॉन लिविंग थिंग है, आपने अपोस्ट्रोफी क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे मानवीयकरण किया गया है, ओके? उस विमेन मतलब चांद की ब्यूटी से किसी विमेन को कंपेयर किया गया, मतलब उस विमेन की जो ब्यूटी है ना, चांद की तरह है। फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब होता है एंगर, और एंगर तो एक इमोशन है, एंगर तो एक इमोशन है, और इमोशन तो नॉन लिविंग, सॉरी, इमोशन तो लिविंग थिंग्स में होता है। और आप मुझे बोलोगे मैम सन तो नॉन लिविंग थिंग है, उसमें आपने इमोशन कहाँ से डाल दिया? अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के गुस्सा को डिस्क्राइब करना है ना, बोलते हैं ना सूरज की तरह, मतलब एकदम सूरज की तरह लाल, सूरज की तरह उसका गुस्सा था, तो यहाँ पे हम किसी पर्सन के गुस्से को सूरज के गुस्से से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, पूरा साउंड वगैरह शुरू कर दिया, सॉन्ग वगैरह देना, उसमें तो सब तेजी हो। और दूसरा, नेचर्स लव, प्रकृति का लव। अब प्रकृति तो नॉन लिविंग थिंग है, उसमें भी इमोशन है, ठीक है? प्रकृति को भी इंसान मान के, जैसे हम क्या करते हैं, प्रकृति को अपनी माता मान लेते हैं, तो यहाँ पे प्रकृति को मानवीयकरण किया गया, प्रकृति का लव, और प्रकृति को किसी पर्सन से कंपेयर किया गया, ओके? हाँ, तो यहाँ डाल देते हैं। और यूनिक भी तो है, मून सन, मानवीयकरण भी कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला, तो कभी कभी अपोस्ट्रोफी एस पर्सोनिफिकेशन के लिए भी यूज कर लेते हैं। अरे हम्बल रिक्वेस्ट है, जरा देखो
कि रिक्वेस्ट करने से पहले ना मेरी बात कितना मानते हो आप। 823 वॉचिंग पे है, 823 वॉचिंग पे है और लाइक कितना किया है ना सेशंस को, मैम डू दिस, मैम डाउट सेशन भी लीजिए, मैम ये लीजिए, मैम वो लीजिए। हाँ प्रकृति हमारी माता है, यस प्रकृति के गोद में, ऐसा ऐसा टाइप से सुनते हो ना। हाँ हम्बल रिक्वेस्ट टुडेज टेलीग्राम क्विज नाउ। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार आप लोग के कहने पे ही मैंने सोचा, मैम बेसिक बेसिक कर रहे थे, तो एक बार मैंने सोच लिया ना कि ये जो हल्ला करते रहते हैं ना थोड़ा सा टाइम लग जाए, एक बैच यूट्यूब पे ऐसा ले आना है ना कि सचमुच में लगे कि वो बेसिक है। इससे बेसिक क्या हो सकता है, एक टॉपिक को मैंने 4 दिन ले लिया पढ़ाना, इससे बेसिक और कुछ नहीं हो सकता है ना। 4 दिन में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ तो मेरे मन में एट वन कॉर्नर ऑफ योर माइंड मेरे मन में भी रहेगा ना कि चलो मैंने इनका एक जितना ये डिमांड कर रहे थे मैंने बेसिक पढ़ा दिया है। अभी जिस दिन आप कंजंक्शन पढ़ने आओगे ना आप इंजॉय करोगे, ओके आप जिस दिन कंजंक्शन पढ़ने आओगे तो यू विल इंजॉय इंजॉय करोगे कि मैम ऐसा कंजंक्शन तो हमने पढ़ा नहीं है कभी, आपको अच्छा लगेगा। मतलब व्हाट आई मीन टू से, क्योंकि नाउन तो एक ईजी चैप्टर है, हर बच्चों का डिमांड नाउन था तो नाउन में बहुत ज़्यादा समझाने का नहीं है, कंजंक्शन में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल समझाने का है। तो आई थिंक वेंसडे को मैं कंजंक्शन का क्लास स्केड्यूल करती हूँ और सारे लोग आएंगे, दोस्तों को भी लेकर आना, बहुत मज़ा आएगा आपको कंजंक्शन पढ़ के। प्लस में भी मैंने जिस तरीके से कंजंक्शन पढ़ाया है बच्चों को बहुत अच्छा लगा है। अच्छा मैं समझ गई, दीप्तोष बोल रहा है ना मैम मेरे को फर्स्ट क्लास पूरे अच्छे से समझ में आ गया है। आपके बोलने से पहले मैंने बोला था ना दीप्तोष कि आप अभी 7th 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको फर्स्ट और क्लास सेकेंड क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि वो पूरा बेसिक था और आपके एग्जाम में भी बेसिक आता है। और उसके बाद हम लोग अपना लेवल एग्जाम को लेके चले गए, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम बच्चे एग्जाम्स वाले ही, ओके मैक्सिमम बच्चे एग्जाम्स वाले ही। अभी आ जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ फ्रेजेस होते हैं और देखो जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होता है ना, आप बोलोगे मैम ये स्टोन तो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है ये सब तो नॉन लिविंग थिंग है तो इसमें अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगा और ये अपने आप में यूनिक भी नहीं है। जब भी हम इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉलो करते हैं तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में ना ग्रामर का रूल्स ही नहीं फॉलो होता है, ये फ्रेज ऐसे ही बना हुआ है। जैसे एट अ स्टोन्स थ्रो, ऐसा एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बहुत पास। एट एन आर्म्स लेंथ, एट एन लगा देना, आर्म्स लेंथ का मतलब होता है फार। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में नॉन लिविंग के बावजूद भी अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ भी मिल गया ना तो वहां ग्रामर वगैरह का रूल्स मत लगा, वो फ्रेज ऐसे ही बना हुआ है। हाँ कंजंक्शन को जरूर से जरूर करेंगे, करोगे नहीं तो बच के कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे बच के लाइफ लाइफ में बहुत सारा, और नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। With words denoting time, कुछ words जो time denote करने वाले होते हैं ना उसको भी apostrophe s के साथ लगा देते हैं, जैसे बोलते हैं ना a week's time, एक week का time, जो word time और value बताते हैं, a month's duration, a month's salary, a week's time, a kilograms weight, उसके साथ भी non-living के बाद बावजूद भी हम apostrophe लगा देते हैं। Next वाला, हाँ बस next क्या हो गया, आपका खत्म हो गया, तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है noun का, और noun का इतना डिटेल, नाउन का इतना डिटेल वीडियो टॉपिक वाइज कवर करते हुए आप कर लोगे तो आपका नाउन का सब एरर्स बनने लगेगा। आप टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है कमेंट बॉक्स में, ठीक है आप फटाफट टेलीग्राम से जुड़ जाना, ठीक है टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ पे मैं आपका पीडीएफ डाल दूंगी नाउन का, ठीक है नाउन वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आए हैं, और उसके साथ साथ वीडियो सोल्यूशन डाल दूंगी, ठीक है वीडियो सोल्यूशन लिंक डाल दूंगी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा मैराथन नहीं डालूंगी, मैराथन में डालूंगी ना तो आपको ढूंढना होगा। नाउन का शीट मिलेगा, उसके साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, सब देख लेना। फाइनली वी हैव कंप्लीटेड नाउन। 1st अक्टूबर से क्लोस्टेस्ट पैराजम्बल्स और पैसेज का, मैंने क्लोस्टेस्ट में बच्चों से डिस्कस भी किया है कि मैं इसमें दो तरह का क्लोस्टेस्ट करवाने वाली, एक तो आपका नॉर्मल क्लोस्टेस्ट और एक थोड़ा सा न्यूज़पेपर बेस्ड एडिटोरियल बेस्ड जो आप लोग चाह रहे हो, हम दोनों को साथ ले लेकर चलेंगे, ठीक है हम दोनों क्लोस्टेस्ट के साथ साथ तैयारी करेंगे ना भाई, जो पूछना है पूछो सीजीएल वालों, हम एडिटोरियल वाले में भी एक्सपर्ट है और हम नॉर्मल क्लोस्टेस्ट में भी है, दोनों करेंगे। और कल से मैंने पैसेज भी ऐड कर दिया, एक नॉर्मल पैसेज भी होगा, फिर हम लोग स्टोरी बेस्ड भी पैसेज करेंगे और इसमें एडिटोरियल वाला भी करेंगे। तो ये 3:30 से 5 का बैच है, कल से शुरू हो रहा है, ठीक है और ये तो लास्ट 40 डेज जो 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, तो इस मंथ में मेरे 2 बैचेज आ रहे हैं,
ठीक है, तो जिसको एडमिशन लेना है, जो इस बार टारगेट कर रहे हैं कि जैसे भी करके मैम इस बार क्वालिफाइंग निकालना है, तो आप फटाफट एडमिशन ले लेना। और अच्छी बात क्या है कि आपका ऑफर भी चल रहा है, ऑफर का लास्ट डे भी है, तो आज के आज ही एडमिशन ले लेना। इस नंबर पे कॉल कर लेना, वो आपको हेल्प कर देंगे कैसे कैसे एडमिशन लेना है, डाउट ग्रुप में जोड़ देंगे। एडमिशन के समय ये कोड यूज़ कर लेना, आज के लिए 30% ऑफ है, कल से ऑफ ख़त्म। ओके, हाँ क्लास एंड हो गया, कितना पैसेज बनाओ। और आज 1 से 2 मेरी क्लास है, ठीक है, CPO वाली, और ये आज लास्ट क्लास है। और नेक्स्ट मंथ से ना ये CPO का मैं मॉक्स करवाने वाली हूँ अन अकेडमी इंद्रधनुष पे, तो अन अकेडमी इंद्रधनुष चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी तो मैं CPO का प्रीवियस पेपर करवा रही थी ना, आज 1 बजे जुड़ जाना, टेलीग्राम पे मैंने लिंक शेयर कर दिया सबके लिए। आज CPO का प्रीवियस पेपर का लास्ट क्लास है, फिर हम लोग अक्टूबर से CPO का मॉक्स करेंगे। और CPO के मॉक्स में ना ये मत सोचना ना कि सिर्फ CPO वाले बच्चे आएंगे, हमारे CGL भी आएंगे, हमारे स्टेनो भी आएंगे, सब चीज़ एक ही है। और ये सब स्पेशल क्लास स्टेनो का जो चल रहा है, ओके, और ये सब है। और YouTube ना कल मैं देखती हूँ, अगर कल मुझे टाइम मिलेगा तो मैं YouTube एक और करवा दूंगी। बाकी परेशान मत हो ना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे को मैं छुट्टी पे हूँ, ओके, और थर्सडे से आपकी YouTube क्लास होगी। अगर कल मैं फ्री रहती हूँ तो ले लेती हूँ, ओके। उसके बाद मैंने अपनी टीम को बोल दिया वो कैब वगैरह कंपाइल कर देना ताकि बच्चे रिविजन करते रहें, ठीक है। तो ये सब एंड किया जाए, ओके, सब टॉप एडुकेटर्स हैं, एंड किया जाए फटाफट। तो एक बार बताना हाउ वॉज द क्लास, विच इज राइट, स्टेनो टॉपर वीडियो नहीं, अभी मैं छुट्टी पे जाऊंगी, अभी स्टेनो का टॉपर वीडियो सब बाद में आएगा। आज क्लास बंद है, हो गया ना क्लास, तो हो ही गया। अगर आपको आपको अगर पैसेज का बैच अच्छा लगा ना तो लाइक जरूर कर देना, ओके, ताकि मैं और भी मोटिवेटेड होके पैसेज क्लोज टेस्ट का बैच आपको बहुत ज़्यादा करवाऊँ। ग्रामर वगैरह भी चलेगा, ग्रामर में जो वर्ब जहाँ छोड़ी थी ना, मैंने बीच में मतलब आज ग्रामर इसलिए नहीं करवाया, मुझे लगा कि मैं जीरन पढ़ा के चली जाऊँगी ना तो 3-4 दिन के बीच में गैप हो जाएगी, सब भूल जाओगे। तो जब मैं वापस लौट के आती हूँ छुट्टी के बाद, तो फिर हम लोग जीरन इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल करेंगे, वो सब तो है ही, ये सब पे ध्यान दे देना, ओके। चलो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, हाँ सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, कंटिन्यू रखना है। आपके कमेंट्स बताएंगे कि मैम मुझे अच्छा लगा, आगे कंटिन्यू करिएगा, कितना आप लोग पैसेज पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। चलो थैंक यू एवरीवन। हाँ मैं जैसा जैसा टोन वगैरह सब बता दूंगी पीटर, पहले तो मैं पैसेज लेके आऊँगी ना, ठीक है, लेके आऊँगी, उस पर क्वेश्चन बेस की देखो इसका टोन क्या है, इसका टाइटल वाला। आज तो पहली क्लास थी, बैंकिंग वाले बच्चों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, टोन कैसे पहचानते हैं, टाइटल कैसे बनाते हैं।